चलिए सर, फाइनली हम लोग पेज नंबर 5.18 पे हैं। सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम का डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं अपने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में, एज अ लास्ट लेक्चर ऑफ अ चार्ज ऑफ जीएसटी। और या कहिए कि आज हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम को जीरो लेवल, स्क्रैच लेवल से कंप्लीट लेवल सीखेंगे, लर्न करेंगे इस वीडियो में, राइट सर। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, आप लोग कॉन्टिन्यूटी में क्लास देख ही रहे हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग शुरू में अमेंडमेंट का भी डिस्कशन करेंगे, तो जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं अमेंडमेंट पोर्शन के लिए कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, तो अगले 15 मिनट में अमेंडमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे लर्न करना चाहते हैं यूट्यूब पे, मान लो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो आप कंप्लीट नॉलेज भी इसमें ले सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। सर जीएसटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन रेट, जो भी कहिए आप इसको, इसकी भी प्रिपरेशन आपको करके एग्जाम में जाना ही होगा। आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। सर एबीसी एनालिसिस करके पढ़ना चाहते हैं तो ये ए कैटेगरी का टॉपिक है, छोड़ नहीं सकते इसको। 6 to 8 मार्क्स का अकेला वेटेज रखता है ये टॉपिक। आज का कंप्लीट लेक्चर अकेला 6 से 8 मार्क्स तक का वेटेज आपके एग्जाम में रखते हैं। एक लेक्चर एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स, क्या चाहिए और। सर हम लोग यहां पर पेज नंबर 5.18 से लेकर 5.28 तक का कवरेज देंगे। लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट नोट्स आपके पास है। जो बच्चे टेलीग्राम यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे बुक्स नोट्स के लिंक दिए हुए, डाउनलोड कर लीजिए इसको। सर आप क्या तो नॉर्मल रेट से जीएसटी पे कर दीजिए सेक्शन 9 के अंदर। सर सेक्शन 9 के अंदर रहिए, रेगुलर कंप्लायंस कीजिए, जहां पर मंथली जीएसटी आर 1 पे फाइल करना है, मंथली जीएसटी आर 3 भी फाइल करना है, मंथली टैक्स जमा करना है, या फिर वहां एक स्कीम है क्यूआरएमपी स्कीम, जिसमें आप मंथली टैक्स जमा करते हैं, क्वार्टरली जीएसटी आर 1 फाइल करते हैं, क्वार्टरली जीएसटी आर 3 भी फाइल करते हैं। वो सारी बातें सेक्शन 9(1) के लिए होती है। 9(1) में अगर आप हैं, यानी सेक्शन 10 में नहीं आए, तो ऑब्वियस ही बात है आपके ऊपर 9(1) लगेगा, जहां पर आप आईटीसी भी लेंगे, नॉर्मल रेट पे जीएसटी पे करेंगे, आप टैक्स इनवॉइस इशू करके अपने रेसिपिएंट कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट भी करेंगे, साथ में आपका थोड़ा कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको, है ना। आप वहां पर आईटीसी ले रहे हैं, आईटीसी सेट ऑफ कर रहे हैं, अपने आउटपुट टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स थोड़े आपके बढ़ेंगे, जो आप जानते हैं एज ए स्टूडेंट, राइट। सर जब आप नॉर्मल स्कीम में सेक्शन 9(1), तो मैंने क्या कहा, आप जीएसटी आर 1 एंड 3B का कंप्लायंस करेंगे, जो उसका कंप्लायंस मंथली होता है और विथ मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। एक ऑप्शन आपके पास है क्यूआरएमपी स्कीम, ऑलरेडी रिटर्न चैप्टर आपका क्लास में हो चुका है, क्या पढ़े वहां, टैक्सेस मंथली है, जीएसटी आर 1 एंड 3B क्वार्टरली है। हाउएवर वहां एक ऑप्शन मिलता है कि हर क्वार्टर के पहले 2 महीने में आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज करके B2B इनवॉइस के डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं, डिस्कशन किया। अब आपको हम कहां लेके आ रहे हैं सर, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम में, और ये एक ऑप्शनल स्कीम है, चाहो तो रहो वरना कोई बात नहीं। अगर तुमको लगता है कि सेक्शन 10 की स्कीम ऑप्ट करने में तुम्हारा फायदा है तो तुम रहो इसमें, हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, हम ऑप्शनल कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम कह लो इसको, या हम आपको कहे कि अब आपको कॉम्पोजिशन रेट मिलेगा नॉर्मल रेट की जगह, और कॉम्पोजिशन रेट का मतलब वो रेट बहुत कम होगा, बहुत कम। अगर नॉर्मल रेट 18% है तो कॉम्पोजिशन रेट 1% होगा, अगर नॉर्मल गुड्स की सेल पे रेट 12% है तो कॉम्पोजिशन रेट 1% होगा, इतना कम रेट हो जाता है इसमें। लेकिन थोड़े इसमें अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप अपनी जेब से जीएसटी पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जीएसटी पे करेंगे, आईटीसी नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंक्लूडिंग आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में कि सर आप ना इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन जो छोटे व्यापारी हैं। टर्नओवर की बात करेंगे कि जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, किसी किसी के लिए 75 लाख देखेंगे, किसी किसी के लिए 50 लाख देखेंगे, मोटा मोटी वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन टर्नओवर वाइज स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उसके लिए स्कीम आ रखी है कि कोई बात नहीं, आप डिटेल्ड अकाउंट्स, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स
मेंटेन नहीं कर सकते हो, डिटेल कंप्लायंस नहीं कर सकते हो, तो आप ये स्कीम ले आओ, आप इसकी स्कीम में आ जाओ। बट इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल हो, और कुछ बातें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसमें से एक बात है कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को। अब इसी में दूसरा एक और कंडीशन था, कंडीशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब चूंकि अब स्टार्ट कर रहे हैं बेस से और अभी अभी मुझे अमेंडमेंट डिस्कस करना है, तो वहीं पे मैं जा रहा हूं। जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो में अमेंडमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि सर इसमें क्या अमेंडमेंट्स आए हमारे एग्जाम के लिए, वो बता दो, बस हमें अमेंडमेंट जानना है, बाकी तो हमें आपका पढ़ाया हुआ पता है सब कुछ। सर एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते और कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हैं। अब चाहे स्कीम दो है, 10-1, 10-2 वाली स्कीम है और एक और स्कीम है 10-2A वाली। दोनों स्कीम में क्या है, अगर आप आते हैं तो आपको रिड्यूस रेट मिलेगा, कंप्लायंस कम करना है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। एक और रेस्ट्रिक्शन थी कि आप इको के थ्रू सेल नहीं कर सकते। इको जहां पर टीसीएस का कंप्लायंस होता है, और ऑलरेडी इको और टीसीएस की बात आप जानते हैं, मैं इको जैसे अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई करना चाहता हूं, तो इसमें मना है कि आप अगर देखो, आप अगर स्मॉल टैक्स पेयर्स हो, टर्नओवर आपका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आना चाहते हो आ जाओ, लेकिन मोहल्ले में ही काम करो अपना। मोहल्ले में काम करो मतलब लोकल सेल विल करो, हम इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं देंगे, हम तुम्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होके वहां से ऑर्डर लेने नहीं देंगे कि आप ऑर्डर ले रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। बस वही अमेंडमेंट्स है, छोटी सी अमेंडमेंट्स है, बाकी कोई अमेंडमेंट्स इसमें नहीं है। छोटी सी एक अमेंडमेंट है सर, एक रेस्ट्रिक्शन थी यहां पे 10-1, 10-2 के लिए। सर 10-1 और 10-2 के अंदर अगर कोई पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है, तो वहां पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें एक रेस्ट्रिक्शन थी डी नंबर में कि आप इको के थ्रू यानी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं करेंगे और इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं करेंगे। तो इंटरस्टेट सप्लाई में तो कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो पहले भी मना था, अब भी मना है। लेकिन पहले जो मना था कि आप इको के थ्रू सप्लाई नहीं करेंगे, जो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा सेक्शन 52 में, कैसे होता है सर, हम इको के थ्रू कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, कस्टमर को हम खुद इनवॉइस रेज करेंगे, न कि इको, बट पैसा इको कलेक्ट करेगा ऑनलाइन पोर्टल, तो वहां टीसीएस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आप उस पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं करेंगे। ये बात पहले लिखी हुई थी, अब इसमें अमेंडमेंट आके गुड्स को डिलीट कर दिया, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम वाला अगर गुड्स में डील कर रहा है तो गुड्स की सप्लाई वो इको के थ्रू कर सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर सर्विसेज अभी भी मना है। ये अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू आई है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। सर आप इको के थ्रू देखो, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा आप इको के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते जहां पर टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे, बट अब इसमें आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल तुम इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इंट्रा होना चाहिए, इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। सर अब मैंने बोला एक और कॉम्पोजिशन स्कीम है 10-2A वाली, वहां भी ऐसे ही कंडीशंस हैं और वहां भी अमेंडमेंट्स हैं। सर ये हो गई 10-2A वाली स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, वहां भी काफी सारे कंडीशंस हैं। एक कंडीशन इको वाली थी यहां पे, और वहां भी अमेंडमेंट्स हैं कि गुड्स अब आप सेल कर सकते हैं इको के थ्रू, सर्विसेज अभी भी सप्लाई करने नहीं मिलेगा, बट ध्यान रहे इंट्रा होना चाहिए। सर क्या अमेंडमेंट्स है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इज नाउ अलाउड। सर ऐसा कुछ मिलता जुलता अमेंडमेंट्स आपने हमें रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी बताया था। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी बताया वहां पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या था कि अगर इको टीसीएस कलेक्ट कर रहा है और आप उसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर वहां पे था कोई बात नहीं, सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं 20 लाख रुपए तक।
अब वहां अमेंडमेंट्स आ गई जो आपको पढ़ा दिया रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कोई बात नहीं, आप गुड्स की भी सप्लाई कर सकते हैं जो आपकी लिमिट है 10, 20 और 40 लाख तक की, लेकिन इंट्रा करना, इंटर नहीं करना। ये बात का डिटेल डिस्कशन आपके साथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हो गया। जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो कहूंगा मेरी 3 लेक्चर है रजिस्ट्रेशन चैप्टर की, नए बैच की, सेक्शन 22, 23, 24 की कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सेक्शन 22, 23, 24 की शुरू के 3 लेक्चर, जिसमें 3 सेक्शन की कवरेज है, इंक्लूडिंग काफी सारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन है, और वो कंप्लीट एग्जाम में 5-6 मार्क्स जितना डिस्कशन है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप कंप्लीट सारे, अगर कोई चैप्टर टच करते हो तो पूरे लेक्चर अपलोड करो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं बीच में छोड़ भी नहीं रहा, सेक्शन 22, 23, 24 आपस में कनेक्टेड है, तो उसकी कंप्लीट 3 लेक्चर की सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है। अब कोई लेक्चर 1 साल पुराना, 2 साल पुराना मैंने पहले अपलोड किया था किसी चैप्टर का 4 लेक्चर, उसमें से 3 लेक्चर प्राइवेट कर दिए तो कर दिए, क्या ही फर्क पड़ता है यार, इतना चलेगा, वो पिछले बैच के लेक्चर थे। पिछले बैच में किसी चैप्टर में मैंने सभी लेक्चर अपलोड किए थे, बाद में अब करंट बैच में मैंने उसमें से 3 लेक्चर हाइड कर दिए, प्राइवेट कर दिए, तो कर दिए यार, बुरा क्या मानना सर। तो अमेंडमेंट दोनों जगह है, 10-1, 10-2 की कंडीशंस में भी और 10-2A की भी कंडीशंस में, कि अब आप अगर गुड्स की सप्लाई करना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रह के इको के थ्रू, जहां टीसीएस का कंप्लायंस इको करेगी, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसेज पे अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप सर्विसेज का सप्लाई इको के थ्रू नहीं कर सकते अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में बने रहना चाहते हैं। तो इस अमेंडमेंट के कारण अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इको की भी बढ़ गई। बेटा इको ध्यान रखना, तुम्हारे थ्रू कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कहीं इंटरस्टेट सप्लाई ना कर दे, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे बढ़ गई, इको पे। तो इको के ऊपर भी कुछ कंडीशन आ गए, वही फ्रॉम 1st अक्टूबर। सर इको के ऊपर भी कुछ कंडीशन आ गए फ्रॉम 1st अक्टूबर। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़े कि अनरजिस्टर्ड पर्सन इको के थ्रू सप्लाई कर सकता है, लेकिन वहां बहुत सारी कंडीशंस इको पर आ गई थी कि सुनो इको इंटर स्टेट सप्लाई करने मत देना, बहुत सारी कंडीशंस थी। तो वैसे यहां पर अब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला इको के थ्रू जा रहा है तो कहीं इंटर स्टेट ना कर दे, ठीक है। तो अब इको को भी क्या क्या ध्यान रखना है, इको को क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम वाला उसके पोर्टल पर आकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है, कॉम्पोजिशन सप्लायर अगर उसके पोर्टल पे आकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है, तो ध्यान रहे वो खाली गुड्स में डील कर रहा हो, सर्विसेज में नहीं। और गुड्स में भी आप उसको फिर इंटर स्टेट सप्लाई करने मत देना, ये इको के लिए है। ये बीच में जो छोटी सी बात है ना, ये इको के लिए है, इको के लिए। इसको 10-1, 10-2 कॉम्पोजिशन स्कीम से कोई मतलब नहीं है, बट चूंकि कनेक्टेड चीज है इसीलिए मैंने इसको यहां डाल दिया, स्पेशल प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड बाय इको। तो इसका 10 सेक्शन 10 से कोई मतलब नहीं है, बट मैंने इसको यहां प्लेस किया है क्योंकि अमेंडमेंट की जब बात हो रही तो कनेक्टेड चीज की भी बात हो जाए। सर चूंकि 10-2 में अमेंडमेंट है, 10-2A में अमेंडमेंट है कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला अब गुड्स की सप्लाई इको के थ्रू कर सकता है, बट कहीं इंटरस्टेट ना कर दे, तो इको पे अब थोड़ा बर्डन बढ़ गया। क्या, सुनो इको, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को अपने पोर्टल पर आके गुड्स की सप्लाई करने देना, लेकिन इंटर स्टेट उसको सप्लाई करने मत देना। दूसरा, तुम वहां पर अपना टीसीएस का कंप्लायंस करना, और साथ में अब तुमको जीएसटीआर 8 का जो कंप्लायंस करते हो तुम, सेक्शन 52 इको, सेक्शन 52 में आपका जो मंथली स्टेटमेंट जाता है जीएसटीआर 8 में, उसमें उसकी डिटेल जरूर फर्निश करना। कौन से सप्लायर की, जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, तुम्हारे पोर्टल पर आके क्या बेच रहा है वो, सर गुड्स बेच रहा है, तो रिपोर्टिंग जरूर करो, टीसीएस जरूर कलेक्ट करो, और ध्यान रखना उसको इंटर स्टेट करने मत देना क्योंकि इंटर स्टेट पे रेस्ट्रिक्शन है। और सर्विसेज की सप्लाई वो ना करे, मतलब अगर मान लो मेरा ऑनलाइन पोर्टल है और मैं किसी बिजनेसमैन को, दुकानदार को, वेंडर को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको मैं अपने पोर्टल पे लाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा ना कि भैया तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो, वो बोलेगा हाँ, मैं उसका सर्टिफिकेट देखूंगा, पता चलेगा मुझे वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, तो मैं उसको बोलूंगा सुनो दो काम मत करना मेरे पोर्टल पे, एक सर्विसेज देने नहीं दूंगा, दूसरा इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं दूंगा, तीसरा टीसीएस कलेक्ट करूंगा तुम्हारे इस सेल पे, चौथा जीएसटीआर रेट में रिपोर्टिंग करूंगा। तो बस
अगर जो बच्चे अमेंडमेंट्स के लिए जुड़े थे कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट बता दो, यहां पर अमेंडमेंट आपकी कंप्लीट। अब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे सभी बच्चे। अब जो डिटेल्ड कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की, यूट्यूब पे टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स और यूट्यूब फैमिली जुड़े रहे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स तो जुड़े हुए हैं ही। और प्रेशर मत डालिए मुझे कि सर कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर दो, कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दो। शुरू में ही बोला हुआ है अमेंडमेंट सारे टच करूंगा मैं अपने चैनल पे, और किसी किसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, और कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर के ऑल लेक्चर्स जरूर डालूंगा। कहीं पे मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की है कि मैं किसी चैप्टर के ऑल लेक्चर्स डालूंगा या पूरे सिलेबस के सभी लेक्चर्स को यूट्यूब पे डालूंगा, ऐसी कोई कमिटमेंट मैंने कहीं भी नहीं की है। और जो करता हूं वो ऑटोमेटिक यूट्यूब पे आता ही आता है, फॉलो करते रहे। सर देखिए यहां कुछ एड ऑन करना है आपको, यहां डिस्कस किया ये कुछ, एक बार देख लेते हैं, यहां कुछ एड ऑन करना है, वीडियो रोक के लिख लीजिए, डन डन। 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट है, डेट याद रखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट 1 अक्टूबर से है, डेट ध्यान रखना है। डन सर, अमेंडमेंट गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं। सर्विसेज अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इको के थ्रू सर्विसेज नहीं दे सकते अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं, सेक्शन 10 वाले हैं तो। डन डन, एड ऑन कर लिया, डन। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इज नाउ अलाउड टू कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, ऐसा पर्सन, ऐसा टैक्स पेयर, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है। अब रेगुलर डिस्कशन में चलते हैं, कंप्लीट वापस से जीरो लेवल पे। सर कुछ बातें हैं जो आपके साथ करनी है, मतलब मैं अब क्या चाह रहा हूं आपके साथ ना, एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कशन करना चाहता हूं, मैं बुक की रीडिंग नहीं करना चाहता। मैं पहले यहां पर जी भर के आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, छोटे छोटे एग्जांपल्स देना चाहता हूं, उसके बाद इसको मैं अपनी बुक से लिंक करता चलूंगा, आपका अपने आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी होती चली जाएगी, किसकी, कॉम्पोजिशन स्कीम की। थोड़ा अब यहां ध्यान देना है, थोड़ा अब आपको यहां ध्यान देना है, लिखने का जरूर टाइम दूंगा। सर कॉम्पोजिशन स्कीम कहां है, सर सेक्शन 10 किसका, CGST एक्ट 2017 का। ये स्कीम किसी भी पर्सन के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल के लिए ही हो, वो जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फॉर्म भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है। मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो ले लो, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। किसके लिए है सर, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, मतलब वो टैक्स पेयर कौन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड। सर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है बट स्मॉल है, कैसे पता चलेगा सर स्मॉल का, सर उसका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। कुछ जगह पर ये लिमिट 75 लाख करीबी है, 8 स्टेट के लिए सेक्शन 10(1) और 10(2)(a) के, सॉरी 10(1) एंड 10(2) के लिए। कॉम्पोजिशन स्कीम दो तरीके की है, 10(1) और 10(2)(a), तो ये जो 8 स्टेट अगर 10(1) या फिर 10(2)(2)(a) नहीं, सर अगर आप 10(1) वाले हैं तो आपको साथ में 10(2) की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, और यहां पे 1.5 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है और किसी किसी स्टेट के लिए 75 लाख कर दी गई है। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)(a) वाली में है तो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपए की है। सर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल हम सबको ये कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दे रहे सर, जो रजिस्टर्ड है ही नहीं वो जीएसटी दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या कॉम्पोजिशन और क्या नॉर्मल। सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया क्योंकि आपका टर्नओवर, सर स्मॉल टैक्स पेयर कौन, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया है, किससे एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया है। स्मॉल टैक्स पेयर कौन,
सर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया है किससे, 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख की जो लिमिट आपने पढ़ा रखी है, 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट जो आपने पढ़ा रखी है 22-1 में, टर्नओवर क्रॉस कर गया है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया उसको। अब लेकिन इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, या फिर कुछ स्टेट्स में 75 लाख या उससे कम है, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम 10-2A वाले के लिए उसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, कब का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर जो वर्ड है ये वही है जो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा रखा है? हाँ, ये वही है जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 वाला एग्रीगेट टर्नओवर जो डेफिनेशन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर का, जहां पर अगर आपके इंडिया में 3 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज हैं, सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, तो हम एग्रीगेट देखेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर। ऑल इंडिया बेसिस पर आपके जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी स्टेट में काम हो रहा है, सबका टोटल करके देखेंगे कि आप इस लिमिट के अंदर हैं या नहीं है, और ये लिमिट पिछले साल की देखेंगे। बोला सर मेरा पिछला साल था ही नहीं, मेरा तो पहला साल है, मैं फर्स्ट टाइम अब रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा टर्नओवर 10, 20 और 40 क्रॉस किया है, अभी पिछले साल का मेरा कोई टर्नओवर ही नहीं है सर, पिछले साल मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, यानी पिछले साल आपका टर्नओवर कितना, निल 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 है ना। फिर तो मैंने क्या कहा, पिछले साल आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख या उससे कम हो तो तुम्हारा तो निल है, तो आओ ना तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों नहीं आ सकते। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन लेते ही मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊं? हाँ, तुमको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया हुआ है, कहता है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सर आपको बताया हुआ है REG01 का जब आप पार्ट बी फिल करेंगे, पार्ट बी रूल नंबर 8 रजिस्ट्रेशन चैप्टर, REG01 फॉर्म नंबर एप्लीकेशन फॉर्म का जब पार्ट बी सबमिट करेंगे तो उसी समय आपको टिक मारना है कि क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम चाहते हैं क्या रजिस्ट्रेशन के साथ ही। ले लीजिए, सर मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, मैं तो काम कर रहा हूं पिछले 3-4 साल से, तो फिर आ जाइए ऊपर, हम आपका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे कितना था और उसके हिसाब से करंट ईयर में हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे। और कॉम्पोजिशन स्कीम कब तक मिलेगी आपको, तो वही टर्नओवर जो करंट ईयर में देखना ना कब तक मिलेगी, तो वो करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ देखेंगे, 1.5 करोड़ तक तुमको इसमें रखेंगे और फिर बाहर फेंक देंगे निकाल के कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम। सर पिछले साल का क्या देखेंगे, 1.5 करोड़, 50 लाख, 75 लाख, ठीक, तो अब करंट ईयर में तुमको दे देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम, और कब तक देंगे, जब तक तुम ये लिमिट क्रॉस ना कर जाओ, ठीक है। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो मुझे फाइनेंशियल ईयर क्या देखना होगा, 22-23, हाँ। और सर अगर मेरा यहां पे टर्नओवर 80 लाख रुपए का है पिछले साल का, तो मुझे करंट ईयर में यहां कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप मान लो 10-1 वाले हैं, आप गुड्स में डील कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली वाले लोग जो गुड्स में डील कर रहे हैं वो 10-1 में रहेंगे और इनके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, इनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़। तो आपका पिछला लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टर्नओवर मात्र कितना था, 80 लाख, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कब से आना चाहते हो? सर पहली तारीख से मिलेगा, ये बात तो मैंने तुमको बता रखी है रिटर्न चैप्टर ITC चैप्टर में कि नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आना है तो आप अगले साल की पहली तारीख से आएंगे, नॉर्मल रजिस्टर्ड है। अब नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो आप अगले साल के पहली तारीख से आएंगे, तो सर आ गया पहली तारीख से। अब कब तक रहूं सर? जब तक तुम्हारा 1.5 करोड़ क्रॉस ना कर जाए, 1.5 करोड़, मान लो करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा 1.6 करोड़ का है, तो अब इसमें जो पहला 1.5 करोड़ होगा, फर्स्ट 1.5 करोड़ और उसके बाद बैलेंस 10 लाख, बैलेंस 10 लाख, इसमें तुमको सेक्शन 9-1 में नॉर्मल रेट में आना पड़ेगा, और तुम पहला जो 1.5 करोड़ है उसमें आप सेक्शन 10 में ही कॉम्पोजिशन स्कीम में रहोगे। जैसे ही 1.5 करोड़ टच करेगा करंट ईयर में,
डेढ़ करोड़ किलोमीटर तुम्हारी तय हो गई है, तीन तरह की लिमिट है, 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख। 1.5 करोड़ की लिमिट तुम्हारी तय हो गई, पिछले साल का टर्नओवर देखा 1.5 करोड़ और उससे कम है। हाँ सर है कम। अब करंट ईयर में तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओ, और कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारा 1.5 करोड़ क्रॉस ना कर जाए। 1.5 करोड़ क्रॉस करते ही क्या होगा? विथड्रॉ फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। कहाँ आना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में। सर ऐसी चीजें पढ़े थे कहीं? हाँ पढ़े थे, आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 18(1)(c) में, कि जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हो और उसके बाद रजिस्टर्ड हो कॉम्पोजिशन स्कीम में और उससे नॉर्मल स्कीम में आते हो, तो तुमको इनपुट का भी आईटीसी मिलेगा और क्लोज कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, जो उस दिन तुम्हारे पास है जिस दिन तुम उन कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो। याद आया? नहीं तो रिवाइज कर लेना, आईटीसी चैप्टर आपका हो रखा है सेक्शन 18(1)(c) देख लेना, और आज जाऊंगा क्लास में, डोंट वरी। बट तुमको विड्रॉ करना पड़ेगा, एज्यूमिंग कि तुम बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर रहा हूं सर। तुम सर्विसेज की सप्लाई इको के थ्रू नहीं कर सकते, नहीं कर रहा हूं सर। तुम बाकी सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, बट जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर लिमिट से क्रॉस करेगा तुमको इस स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम पिछले साल भी लिमिट देखेंगे और करंट ईयर भी लिमिट देखेंगे, और जैसे ही लिमिट क्रॉस करेगी तुमको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। मतलब उसके बाद का जो तुम्हारा जो भी सप्लाई होगा उस पर तुमको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। बस तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है जो मैंने थोड़ा अभी बताया, और बाकी हम लोग अभी पढ़ ही रहे। सर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं, रजिस्टर्ड हूं, तो देखूंगा पिछले साल का टर्नओवर। पिछला साल है ही नहीं सर, फर्स्ट ईयर है। आ जाओ ना, फर्स्ट ईयर है तो देख लो बाकी सारे कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आ जाओ। और मैंने साथ में ऐड कर दिया कि पिछले साल का भी देखना है टर्नओवर और करंट ईयर का भी देखना है। सर फिर से कुछ याद आ रहा है? हाँ मैं बोल तो रहा हूं, याद आ रहा है आपको। रिटर्न चैप्टर में क्यूआरएमपी स्कीम, रिटर्न चैप्टर में क्यूआरएमपी स्कीम, पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ और उससे कम है तो क्यूआरएमपी स्कीम में आ जाओ। कब तक रहोगे? जब तक तुम 5 करोड़ क्रॉस न कर जाओ। जिस क्वार्टर में 5 करोड़ क्रॉस कर जाओगे उसके अगले क्वार्टर से तुमको क्यूआरएमपी स्कीम नहीं मिलेगा। और वहां भी बताया था कि ऐसा ही कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम में भी करते हैं, बताऊंगा। बता दिया अभी, इसको लिखिए, फ्रेश पेज स्टार्ट कर लीजिए रजिस्टर में, ठीक। ऊपर में सब कुछ लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ए कैटेगरी, 6 से 8 मार्क्स, छोड़ के नहीं जाना है, रिवीजन करना है, सब कुछ लिख दीजिएगा, जितना कुछ लिख सकते हैं लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर वो 8 स्टेट कौन से हैं जहां हमें 75 लाख की लिमिट देखनी है 10(1), 10(2) के लिए? ध्यान रखना 10(2)A वाले आप हैं तो सभी के लिए 50 लाख की लिमिट है, और अगर आप 10(1) में जाते हैं तो साथ में 10(2) की कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो साथ में चलेगा 10(1), 10(2), और इसमें डिफॉल्ट जो टर्नओवर का लिमिट है वो कितना है? 1.5 करोड़, बट कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट है, ठीक। तो 75 लाख की लिमिट किस स्टेट के लिए, वो लिखना चाहते हो आप, वो लिखना चाहते हो तो लिख लो। सर टर्नओवर ऑफ द कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी रुपीज 75 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर याद हो तो वहां पर मैंने बताया था आपको क्या, कि टोटल 11 स्टेट है स्पेशल कैटेगरी वाले, 11 में से 3 हटा दो, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नागाराम का मंत्री 4 तो है ही, चारों इसके अंदर है। नागाराम का मंत्री पढ़ा हुआ है क्लास में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ये रहा नागाराम का मंत्री, ये मंत्री का मणिपुर, नागाराम में राम का मिजोरम, नागाराम नागा का नागालैंड, और मंत्री में त्रिपुरा, ये रहा नागाराम का मंत्री जहां पर लिमिट 10 लाख देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वहीं पे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए 75 लाख देखते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बोला, 11 में से 3 हटा दो, कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, और इधर से तुम हटा दो हिमाचल, तो बचा कौन? उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उधर से 7 सिस्टर्स में से आसाम को हटा दो, और सिक्किम तो बगल में है ही वेस्ट बंगाल के ऊपर, तो आसाम को हटा के बाकी 7 सिस्टर का नाम लिख दो, 7 बचे 6, 6 में एक आसाम जोड़, सिक्किम जोड़ दो। सर आसाम को छोड़ के बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 है टोटल, 7 में से 6 आ गए,
आसाम को छोड़ दो, अब उसमें एक सिक्किम जोड़ दो जो बंगाल के ऊपर है, और इधर से एक उत्तराखंड ले लो, हो गए आठ। सर आठ स्टेट के केस में हम लिमिट देखेंगे 75 लाख फॉर सेक्शन 10(1). अगर आप सेक्शन 10(1) में है तो ठीक है। सर आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया था कि अगर मेरी एक दुकान त्रिपुरा में है और एक दुकान दिल्ली में है, याद आया कि तुम्हारी अगर एक दुकान दिल्ली में है और दूसरी दुकान त्रिपुरा में है तो तुमको 10 ही लाख की लिमिट मिलेगी। ऑल दाउ दिल्ली के लिए सर्विसेज में 20 लाख है और गुड्स में 40 लाख है। दिल्ली में तुम गुड्स में डील कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है, सर्विसेज में डील कर रहे हो तो 20 लाख की लिमिट है, लेकिन तुम कहते हो सर मेरी एक और दुकान है त्रिपुरा में जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, तो ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई थी 10 लाख रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो वैसे ही कॉम्पोजिशन स्कीम में भी ऐसा कुछ है तुम्हारे पास कि तुम्हारी एक दुकान दिल्ली में है, दिल्ली में तुम दिल्ली में इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, दिल्ली में इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, और एक दुकान त्रिपुरा में भी तुम इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो हो गए ना दुकान त्रिपुरा में, तो तुमको 1.5 करोड़ नहीं 75 लाख ही मिलेगा। ये भी ध्यान रखना। क्या सर मिस्टर ए गुड्स में डील कर रहा है, गुड्स में ट्रेडिंग, ठीक, तो ये 10(1) में जाएगा। इसकी एक दुकान दिल्ली में है, दिल्ली की लिमिट है 1.5 करोड़, बट दूसरी दुकान इसकी त्रिपुरा में है, तो अब ओवरऑल लिमिट इसके लिए कितने काम करेगी 75 लाख, 1.5 करोड़ की लिमिट इसके लिए काम नहीं करेगी। कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है या नहीं आना ये जज करना है, तो पिछले साल का टर्नओवर दिल्ली त्रिपुरा दोनों मिला के इसका 75 लाख और उससे कम होना चाहिए, मोटा मोटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर जैसा कॉन्सेप्ट, ये भी लिख लीजिए, ठीक, लिखते चलिए आप, तो ये आप बुक में जाइए और बुक में जाके ये नाम लिख दीजिए वहां पे, ताकि रिविजन करते समय आप इधर उधर बौखलाए ना। आप कभी जाके इंट्रोडक्शन चैप्टर में ढूंढेंगे, कभी जाके क्लास नोट्स में ढूंढेंगे, इससे अच्छा बुक पे लिखिए ये वाली पॉइंट। और ये वाला चीज आप रजिस्टर में लिख सकते हैं या बुक में, जहां लिखना हो लिख लो, आप रजिस्टर में लिखना है पॉइंट लिख लो, बहुत सिंपल है। मिस्टर ए गुड्स में डील कर रहा है ट्रेडिंग में, 10(1) मिलेगा, बताऊंगा आगे 10(1) में कब जाते हैं, 10(2)A में कब जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरी तरफ से मैं बता रहा हूं कि 10(1) मिलेगा, 10(1) की लिमिट है 1.5 करोड़ दिल्ली के लिए, 1.5 करोड़ है, और त्रिपुरा के लिए अभी अभी पड़े 75 लाख, बट दोनों जगह आप, आपकी एक दुकान है, दोनों जगह आप, आपकी दोनों स्टेट में दुकान है, दोनों जगह आप लोकल सप्लाई कर रहे हो, तो ओवरऑल अब आपको 1.5 करोड़ मिलेगा ही नहीं 75 लाख मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, ये लिख लिया वीडियो रोक के आपने। न्यूली रजिस्टर्ड हो तो भी हम कॉम्पोजिशन स्कीम दे सकते हैं, और पहले से रजिस्टर्ड हो तो पिछले साल का टर्नओवर देख के हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे। डन, लेकिन करंट ईयर में तुमको हम फिर तुम्हारी लिमिट क्रॉस करते ही बाहर निकाल के फेंक भी देंगे तुमको। ये रहा उसका एग्जाम्पल, तुम 10(1) में हो, गुड्स में डील कर रहे हो, ट्रेडिंग में दिल्ली में हो, टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 80 लाख मिल जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम, बट करंट ईयर में तुम्हारा 1.6 करोड़ है, तो कोई बात नहीं सर, हम 1 अप्रैल से गाड़ी चालू रखेंगे, और जैसे ही मेरा क्रॉस करेगा 1.5 करोड़ से, मेरा क्रॉस कर रहा है 10 नवंबर 2023 को, हम इसके बाद बैलेंस पे नॉर्मल रेट पे आ जाएंगे, ठीक, बट पीछे हम अपनी सभी सप्लाई पे 1.5 करोड़ तक में कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रहेंगे, और विड्रॉ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस करना पड़ता है, वो हम पढ़ लेंगे अभी। क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, कुछ बात मैंने तुमको आईटीसी चैप्टर में भी पढ़ा रखी है, अगर आईटीसी चैप्टर में जाओगे तो वहां भी कुछ बातें मैंने आपको पढ़ा रखी है। 1C आईटीसी चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हुए, रिविजन कर चुके होंगे। 18(1C जब आप सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में मूव करते हैं तो आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स पर आईटीसी मिलता है जो उस दिन आपके स्टॉक में है, कैपिटल गुड्स पर रिड्यूस आईटीसी मिलेगा। फिर वहां पर आपने पढ़ा रूल 40, फिर आपने साथ में पढ़ा रूल 40 कि कुछ आपको कंप्लायंस भी करने पड़ते हैं, 30 दिन के अंदर एक आईटीसी 01 करके फॉर्म सबमिट करना पड़ता है ना, तो वो चीजें यहां पे बताऊंगा, बट प्लीज हिंट में आपको मैंने दिया हुआ है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, तो रिविजन करने में आप साथ में इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और
आपको बार बार बताया है, कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आना है तो आपको 1 अप्रैल से आना पड़ेगा, मस्ट है। सर बाहर कभी भी निकल सकते हैं, और कॉम्पोजिशन स्कीम में जब आएंगे तो हमेशा 1 अप्रैल से आएंगे, ये भी आपको बताया हुआ है। अगर आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो ये आपकी बात हुई थी, आप सेक्शन 9 नॉर्मल से कहां मूव करना चाहते हैं सेक्शन 10 में, तो आपको 1 अप्रैल से मूव करना पड़ेगा, और इसकी भी बात आपके साथ हुई है 18-4 में, याद आ रहा होगा अब आपको, टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड सप्लाई, और या फिर आप सेक्शन 9 रेगुलर टैक्स से कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बोला था कि हमेशा 1 अप्रैल होता है स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और पहले से नॉर्मल स्कीम में है तो ठीक। तो ये भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, आईटीसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये वाली बात है ना मजेदार, इसको लिखिए। सब पे एग्जाम्पल भी करेंगे और सब पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, सब पे एग्जाम्पल भी करेंगे, सेट ए सेट बी में खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में, है ना, सब एग्जाम्पल भी आज करेंगे, डिस्कस करेंगे, होमवर्क में भी जाएगा, डोंट वरी। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर अब कुछ और बातें कर लें, इसमें से काफी सारी बातें आप जानते हैं और काफी सारी बातें अभी आपको नई नई पता चलेंगी, बट कुछ पॉइंट्स हैं कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए। सर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, अब और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, कॉम्पोजिशन स्कीम। सर कॉम्पोजिशन स्कीम में हमें क्या मिलता है, कॉम्पोजिशन जीएसटी रेट मिलता है जो कि एक लोअर जीएसटी रेट होता है, और ये रेट इनवर्ड सप्लाई पे नहीं लगता है, आउटवर्ड सप्लाई पे लगता है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर अगर आप हैं, अगर आपने सेक्शन 10 के हिसाब से कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली है, तो आपका एक होता है इनवर्ड सप्लाई जो आप परचेजेस करते हैं। सर आप जब परचेजेस करेंगे तो आपको लोग नॉर्मल रेट पे ही जीएसटी लेवी करके कोई भी इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, वहां रेट चेंज नहीं हो रहा। सर रेट जो चेंज हो रहा है, जैसे मैंने बोला 18% की जगह 1% हो जाएगा, अब जैसे 10-2A के अंदर जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, वैसे 10-2A के अंदर जाते हैं तो 3% प्लस 3% 6% का जीएसटी रेट है। नॉर्मली मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूं, मेरे ऊपर 18% का जीएसटी रेट है, अगर मैं वहीं कंपोजिशन स्कीम वाला हूं तो फिर मेरे ऊपर रेट कितना हो जाएगा, 3+3 6% का रेट हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मैं इंटर स्टेट सप्लाई भी करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली में, जैसे मेरा कोचिंग का जीएसटी नंबर दिल्ली का है बट मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली के बाहर के भी हैं, है ना, तो सर मेरे में इंटर स्टेट सप्लाई इन्वॉल्व है तो मैं वहां पर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे कोचिंग वाले फ्रॉड करते हैं, उनके पास बाहर के स्टूडेंट्स हैं फिर भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेके और 6% पे जीएसटी पे कर रहे हैं, आगे फंसेंगे लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी कोचिंग चल रही है, अच्छा तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अच्छा तुम जीएसटी पे कर रहे हो, हाँ पे कर रहे हैं, बस इतनी बात है। लेकिन नॉर्मल में पे करना चाहिए था, कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में और पढ़ा रहे हैं बाहर के बच्चों को, ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं बाहर से, बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स आप कुरियर कर रहे हैं, है ना, तो वो कुछ। अब आप बोलोगे सर एक कोचिंग में तो कॉम्पोजिशन स्कीम चल रहा है, बहुत सारी कोचिंग कॉम्पोजिशन स्कीम पे जीएसटी का कंप्लायंस कर रही है, करना नहीं चाहिए, है ना। सर कॉम्पोजिट जीएसटी रेट आउटवर्ड सप्लाई पे लगेगा, लोअर जीएसटी रेट है इसमें, नॉर्मल रेट अगर 12 है 18 है तो यहां रेट कम होके अब 10-1 वाले में 1% भी है और 5% भी है। अब सोचो 1% कितना कम हो गया, 1% का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 0.5 प्लस 0.5%, सोचो 18% जीएसटी की जगह 1% जीएसटी। बट खराबी क्या है इसमें, आप अपने कस्टमर से इसको नहीं ले सकते, अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तो यानी ये आपके लिए एक्सपेंस है। अगर मैं 18% जीएसटी ले रहा हूं तो मैं स्टूडेंट्स से लेके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे नुकसान है, क्यों, क्योंकि जनरली हमारी कोचिंग में ना जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमने बोला बच्चों को फीस 6000 तो 6000 प्लस बच्चा जीएसटी दे रहा है, नहीं होता।
सर दूसरे कोचिंग वाले 6,000 ले रहे हैं, आप भी 6,000 लो, नहीं तो बोलो सर आप 5,000 लोगे तब हम आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन लेंगे। अब दूसरा कोचिंग वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं है वो सब नहीं देखना। तो हमारी कोचिंग में हम 5% दे रहे हैं तब भी हमें वो बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है, अगर हम 18% दे रहे हैं, आपने तो 6,000 की फीस दे दी, अब हम उस 6,000 को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 118 × 18, फिर उसमें से जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, एमआरपी का कल्चर नहीं है, या फिर जो भी वैल्यू हम और तुम डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी क्लासेस 5,000 में बेचूंगा तो अब आपको 5,000 प्लस जीएसटी देना है, ऐसा कोई कल्चर कोचिंग इंडस्ट्री में तो है नहीं सर। 5,000 में बात हुई थी, 5,000 लो, हमें क्या पता आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो नहीं हो। तो ये इंक्लूसिव मैनर में चलता है, हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, अब उसी में कोई फ्रॉड करते हैं तो करते हैं। सर अब अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है, लोअर जीएसटी रेट पे जीएसटी पे कर रहे हैं, अपने किस पे, आउटवर्ड सप्लाई पे, तो अब कुछ बातों का और ध्यान रखना है। क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, यानी आप अपने रेसिपिएंट बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इशू, आपने पढ़ा हुआ है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में कि हम उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई दो जगह इशू करते हैं, अगर हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई की है तो, और या फिर हम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं तो। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई में आपने पढ़ा ये बात कहा, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो तो बिल ऑफ सप्लाई में लिखना भी पड़ेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स। आप जब बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे तो उस पर यह चीज ऊपर टॉप में लिखी होनी चाहिए, क्या कि आप कौन है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये आपकी बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड ना करें कि जी मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं तुमसे 5% जीएसटी लूंगा या 1% लूंगा या 18% लूंगा, फ्रॉड ना कर सके आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई पे ये वर्ड मेंशन करेंगे। और सुनो, तुम्हारी दुकान का जो बोर्ड होगा, साइन बोर्ड, नेम प्लेट, जहां पर मैं तुम्हारी दुकान में एंट्री करूंगा, सर नेम बोर्ड, नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड, जहां भी तुमने अपनी दुकान का नाम लिखा होगा, तुम्हारी दुकान में जब एंट्री करता रहूंगा तो एंट्री गेट पे मान लो दुकान तुम्हारे है ना, आगे ग्लास डोर है तो ग्लास की डोर पे लिखा होगा, शटर लगा हुआ है तो शटर पे लिखा होगा, शटर के बगल में लिखा होगा, मैं जैसे दुकान पे एंटर करूंगा दाया या बाया कहीं ना कहीं ये चीज लिखी होगी, और तुम आगे ये फील करना। अब जैसे हमारी कोचिंग में ये नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं ही नहीं, आगे तुम किसी मोबाइल दुकान पर जाओ, किसी मिठाई की दुकान पर जाओ, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की छोटी मोटी जो गली मोहल्ले की दुकान होती है, एक तो होती है ज्यादा छोटी वाली, तो ज्यादा छोटी वाली तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, एक थोड़ी सी बड़ी मेन चौक वाली दुकान है ना, मेन मार्केट वाली दुकान पे जाओगे तो वो मिडिल वाली होंगी ना, उनकी ज्यादा सेल्स होंगी ना कम सेल्स होंगी, है ना, तो अपने तो रेंज पता चल गया है। अगर मान लो कोई ऐसी दुकान पे तुम विजिट कर रहे हो जो मोबाइल बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे पंखे वंखे बेच रहा है ना, और या फिर मिठाई बेच रहा है, तुमको लग रहा है कि इस दुकान की सेल 40 लाख से ज्यादा होगी लेकिन 1.5 करोड़ से तो ज्यादा नहीं होगी, तो उसके दुकान पर दाएं बाएं कहीं तुम देखोगे तो तुमको ये दिख जाएगा। क्या सर, नेम बोर्ड पे कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा अपने नाम के साथ, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये भी वन मार्क्स के लिए ध्यान रखना, ये दुकान पर कहीं ना कहीं लिखना होगा उसको, नोटिस बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे, नेम बोर्ड पे, जहां अपनी दुकान का वो नाम लिख रहा है, जहां वो अपना जीएसटी नंबर कोट कर रहा है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़े थे कि दुकान पे एंट्री के समय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए आपके डिस्प्ले बोर्ड पे, और मैंने आपको बोला भी था मेरे स्टाफ से आप फोटो वोटो मंगवा सकते हो, 2-4 बच्चों ने मंगवाई भी, मैंने बोला था मेरे स्टाफ को बोलना वो अपनी ऑफिस का फोटो भेज के आपको भेज दिखाएगा कि देखो हमने अपनी कोचिंग के सामने कैसे वो बोर्ड लगा रखा है। तो सर यहां इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई पे लिखना होगा, प्लस आपके नोटिस बोर्ड पे आपको लिखना होगा कि यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। क्लियर हो गई कि आप सेक्शन 10 वाले हो। और सुनो, तुमको स्टेट वाइज जो टर्नओवर निकालना होगा वो भी क्वार्टरली निकालना होगा, और उस पर खुद से टैक्स देना पड़ेगा। खुद से टैक्स देना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा। ये बात तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि सर कुछ टैक्सेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करते हैं, जैसे कि रिवर्स चार्ज का टैक्स, टीडीएस वाला टैक्स, टीसीएस वाला टैक्स, और ये कॉम्पोजिशन वाला टैक्स, आप इसको क्रेडिट लेजर से नहीं यूज करके पे कर सकते। उसके अलावा और भी चीजें जैसे पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट, इन सबको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे कर सकते हैं। ये बात आपको पहले ही याद करा दी गई है क्लास में। और सुनो, अब कॉम्पोजिशन स्कीम वालों, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वालों सुनो, तुम अपनी जो परचेजेज है उस पर जो भी जीएसटी पे की हो तुम उस पर आईटीसी नहीं ले सकते।
इंक्लूडिंग, अगर तुमने रिवर्स चार्ज में कोई जीएसटी पेड कर रखा है अपनी इनपुट पे, इनवर्ड सप्लाई पे, इनवर्ड सप्लाई पे। सर इनवर्ड सप्लाई पे कॉम्पोजिट रेट नहीं लगेगा, नॉर्मल रेट लगेगा, ठीक। और अगर तुमने रिवर्स चार्ज में खुद जीएसटी पे किया तो पढ़ते हैं ना कि रिवर्स चार्ज में खुद जीएसटी पे करो, खुद आईटीसी ले लो, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले। अच्छा सर, क्वार्टरली टैक्स पे करेंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न में GSTR-4 है, GSTR-4 है, और जो क्वार्टरली टैक्स है उसमें CMP-08 है, ये सब बात आपके साथ हो रखी है ना रिटर्न चैप्टर में। क्या GSTR-4 एनुअली साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स जमा करेंगे है। और आपको मैंने बोला था कि ये जो GSTR-9 वाला, इसके लिए ना, इसके GSTR-9 के जैसे इनके लिए जो एनुअल रिटर्न है वो इनके लिए इम्प्लीमेंट न करके होल्ड कर दी गई है क्योंकि इनकी खुद की रिटर्न ही एनुअल है, ये सब बात आपके साथ हुई है। तो सर कुछ कुछ बातें आप जानते थे, कुछ कुछ बातें न्यू आपको पता चली। जो 1 मार्क्स मैंने लिखा है ना, ये आप नहीं जानते थे, ये आपको न्यू पता चला है। बाकी आप है ना आईटीसी नहीं ले सकते, क्वार्टरली टैक्स जमा करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, ये छोटी छोटी बातें आप जानते ही थे, तो एक तरह से यहां पे समराइज हो गया, नथिंग एल्स, ठीक। अब हम रेट की बात करेंगे, कहां पर कितना रेट है। जनरली 3 ही रेट आपको ओवरऑल दिखेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 ही रेट दिखेंगे, कहीं कहीं 1% दिखेगा, कहीं कहीं 5% दिखेगा, और कहीं कहीं 6% दिखेगा। 6% मतलब आधा आधा, 3-3, 5 का मतलब 2.5-2.5, और 1 का मतलब मात्र 0.5-0.5। तो अब उस पे भी जाएंगे हम लोग, फटाफट इसको लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर नोट्स में कुछ कुछ बातें हमारी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगर नोट्स में जाएंगे जो 10-11 पेज पढ़ने हैं, तो यहां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे आपकी पढ़ाई हो रही है नोट्स की, डोंट वरी। हम नोट्स में आधा पेज एक पेज, आधा पेज एक पेज ऐसे आगे जाते जा रहे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कशन करते हुए आगे ले जा रहा हूं। आपके एग्जाम में कॉम्पोजिशन स्कीम के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, जैसे कि ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये चीज यहां भी मैंने हाईलाइट की है और ये चीज यहां भी लिखी है, ऑन आउटवर्ड सप्लाई ओनली, नॉट ऑन परचेजेस। परचेजेस पे रेट रिड्यूस हो जाएगा सर, परचेजेस पे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है। आप चाहो तो ऊपर ऐड कर लो, ऑन आउटवर्ड सप्लाई ओनली, नॉट ऑन परचेजेस, ठीक है। और यहां वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, रिवर्स चार्ज में भी अगर जीएसटी पे कर रहे हैं आप, रिवर्स चार्ज में तो आप खुद जीएसटी पे करेंगे और आप हैं कौन, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले, लेकिन रेट नॉर्मल वाला लगेगा। यहां पर आप सोचेंगे कि सेक्शन 10 वाला मैं कॉम्पोजिट रेट लगा दूं, कॉम्पोजिट रेट नहीं लगेगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे सर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने वाला कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, और आपने बताया था कॉम्पोजिशन स्कीम पर रेट है 1%, 5%, 6%, तो हमने वही लगा दिया यहां पे, 1% नहीं लगेगा, 5% नहीं लगेगा, 6% नहीं लगेगा, जिसकी चर्चा कहां हो रखी है, 10-1 में या 10-2A में, साफ साफ लिखना और कितनी बार लिखूं, है ना। लिख लीजिए इसको और अच्छे से, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब रेट की बात कर लेते हैं। सर कॉम्पोजिशन टैक्स रेट डिपेंड करेगा कि आप किस सेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप 10-1 में जा रहे हैं तो वो एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है 10-2A की कैटेगरी। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप 10-1 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं है तब मुझे जाके चेक करना पड़ेगा 10-2A के लिए एलिजिबल है या नहीं। 10-2A में कब आते हैं, इफ टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 10-1। सर रजिस्टर्ड पर्सन हो, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, क्या तुम 10-1 में एलिजिबल हो, नहीं सर, तो 10-2A चेक करेंगे। 10-2A में एलिजिबल हो तो ठीक, वरना तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते, 10-2A से पहले 10-1 में जाना पड़ेगा। अच्छा 10-1 अकेला नहीं है,
टेन वन लेने के लिए टेन टू में लिखे हुए कंडीशन फुलफिल करने होंगे, जिसमें आपने देखा कि इको के थ्रू आप सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते, गुड्स आर नाउ परमिटेड, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आप और भी कंडीशन देख लेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि 10-1 वाला जो है कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके लिए आपका एनुअल टर्नओवर हम क्या चेक करेंगे, 1.5 करोड़, और कुछ स्टेट में 8 स्टेट में आपका हम क्या देखेंगे, 75 लाख। स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले स्टेट से 11 है, 11 में 3 को मत काउंट करना, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, बच गए 8, 8 पे 75 लाख। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी है सर, 10-1 के अंदर, 10-1 के अंदर 3 कैटेगरी है, किस चीज की, जीएसटी रेट की। क्या आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर हैं? सर यस सर, मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं। तो आपका रेट लगेगा 1% आपके क्वार्टरली टर्नओवर पे। और बेस्ट पार्ट क्या है, टर्नओवर में अगर आपका कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्सेबल सप्लाई, और अगर आपने कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रखी है तो एग्जम्प्टेड सप्लाई, दोनों मिला के टर्नओवर आएगा, उस पर हम 1% लगाएंगे। सर ये तो गलत है, सर एग्जम्प्टेड सप्लाई पे तो निल रेट है। आई एग्री, एग्जम्प्टेड सप्लाई पे आपको जीएसटी नहीं देना होता है, लेकिन कब, जब आप सेक्शन 9 में रहेंगे तब। आप जब सेक्शन 9(1) में रहेंगे तब अगर मैं बोलूं कि आपकी अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो आप उस पर नॉर्मल रेट देना से 18%, प्लस अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो आपने आज तक यही पढ़ा है एग्जम्प्टेड सप्लाई में आपको जीएसटी नहीं देना इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड। ये लाइन बहुत बार मैंने क्लास में बोली है कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी आपको एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जीएसटी नहीं देना है, बोली है ना। लेकिन आज आप किसमें जा रहे हैं, आप जा रहे हैं किसमें, कॉम्पोजिशन स्कीम में। आप कौन है, मैन्युफैक्चरर, किस तरीके का गुड्स बना बना के बेच रहे हैं। सर हम कुछ गुड्स जो बना रहे हैं वो टैक्सेबल भी है और कुछ गुड्स एग्जम्प्टेड भी है, दोनों को जोड़ के क्वार्टरली टर्नओवर निकालिए और उस पर 1% अप्लाई कीजिए। गलत है सर, नहीं यही सही है, यही तुमको ध्यान रखना है। लिखा हुआ है सर, सर लिखा हुआ है सर ये चीज, सर यहां देखिए, देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, 0.5% ऑफ योर टर्नओवर इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अब ये 0.5% क्या है, सीजीएसटी रेट, तो ऐसा ही एसजीएसटी रेट होगा 0.5%, हो गया कितना, 1%। और हम वही अभी बात कर रहे हैं 1% की, कंबाइंड है ये 1%। अच्छा टर्नओवर लिखा है, ठीक आगे भी देखिए टर्नओवर लिखा है, लेकिन इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्नओवर ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज। तो यहां लैंग्वेज चेंज है ना, पहली कैटेगरी में टर्नओवर, दूसरी कैटेगरी में टर्नओवर, तीसरी में टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई। ए पहली कैटेगरी में सिर्फ टर्नओवर, दूसरी कैटेगरी में सिर्फ टर्नओवर, तीसरी में टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब आप ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं, टर्नओवर मींस टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, इसीलिए आपने ए और बी में टैक्सेबल वर्ड ना लिख के सीधा सी में लिखा है टैक्सेबल। और भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया है यहां पे, और भी मैंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप ट्रेडर हैं, अगले पेज पे क्लैरिफाई किया है मैंने आपको पेज नंबर 19 पे कि अगर आप ट्रेडर हैं तो हम आपका टर्नओवर में सिर्फ क्या देखेंगे, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स देखेंगे, यानी मैन्युफैक्चरर में दोनों देखेंगे, फिर एग्जम्प्टेड भी और टैक्सेबल भी। यहां से भी क्लियर नहीं है, और आगे देखिए हम आपको रूल 7 में लेके चल रहे हैं जहां पर रेट प्रिस्क्राइब्ड है। रूल 7 इसमें अंदर रेट प्रिस्क्राइब्ड है। सर जो अभी रेट लिखा हुआ था वो क्या था, वो लिखा हुआ था सेक्शन के अंदर कि मैक्सिमम रेट, इतने से ज्यादा नहीं जा सकता है। सेक्शन में लिखा था कि रेट इतने परसेंट से ज्यादा नहीं जा सकता है, रेट वो लेना जो हम प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। अब प्रिस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स। अब देखो रूल्स में भी अगर मान लो होता है कि सर आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो, तो चलो रूल्स में चल लेते हैं। देखो रूल्स में भी, रूल्स में फिर से यहां टर्नओवर है, यहां टर्नओवर है, लेकिन आगे देखो टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, फिर से वापस टर्नओवर है। एक ही रूल के अंदर अलग अलग लैंग्वेज कैसे है? तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो और कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो तुम्हारी जो ये टर्नओवर है इसके अंदर तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई जो तुम गुड्स बना बना के बेच रहे हो और वो टैक्सेबल है तो वो भी लेनी है, और अगर तुमने ऐसा गुड्स बनाया है जो निल रेट है, एग्जम्प्ट है, तुमको उसको भी लेना है।
ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा 1.5 करोड़ और उससे कम होना चाहिए, ये पढ़े हम लोग, 1.5 करोड़ और 75 लाख। सर जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं, आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं तो उसमें एग्जम्प्टेड सप्लाई भी लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओगे तो पिछले साल का देख लिए, टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम आ गए कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो करंट ईयर में तुम 1.5 करोड़ तक कॉम्पोजिशन स्कीम में रहोगे। अब उस 1.5 करोड़ में तुम टैक्सेबल सप्लाई करो या एग्जम्प्टेड सप्लाई करो, हम उसका टोटल करेंगे, क्वार्टरली टर्नओवर निकालेंगे स्टेट वाइज, और उस पर 0.5% आपसे क्या ले लेंगे, जीएसटी। और ये 0.5% कौन सा रेट है, सीजीएसटी रेट। तो ऐसा ही फिर इक्वल होगा 0.5% प्लस 0.5% यानी 1%। सर क्वेश्चन करा दो, कराऊंगा, और अपने पास बुक में क्वेश्चन भी है इस पे, अपना जब सेट एसेट भी बनाओगे तो इस पे क्वेश्चन भी है, और अभी क्लास में कराऊंगा, अभी क्यों घबराते हो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। तुम रूल 7 पढ़ोगे तब भी तुमको यही फील आ रहा है कि एक जगह सिर्फ वर्ड है टैक्सेबल, बाकी सब जगह एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल को मिक्स करके फिर वो रेट लगाना है, एड करके रेट लगाना है। तो सर मैंने यहां लिख दिया है, क्या बुरा किया, ठीक। हम 10-1 में है, 10-1 के साथ 10-2 की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। 10-1 में रेट जो प्रिस्क्राइब है उसकी 3 कैटेगरी बनी हुई है, एक मैन्युफैक्चरर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ओवरऑल जितना भी आप सप्लाई करेंगे टैक्सेबल एग्जम्प्टेड मिला के सब पे मिला के 1% लगेगा, 0.5 0.5, ठीक। और 10-1 में क्या तो 1.5 करोड़ देखते हैं या 75 लाख देखते हैं, क्लियर। अब इसी के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, और हो या एंड हो, आप दोनों काम करते हो तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे 1% लगा देना, रेस्टोरेंट पे 5% लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा एक जीएसटी नंबर है, एक जगह मेरा ब्रांच है, एक जीएसटी नंबर है, उसी से मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं और उसी से मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। स्टेट में 2 ब्रांचेज हैं आपकी, 2 ऑफिसेज हैं, दोनों का एक कॉमन नंबर ले लिया आपने, पढ़ा हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। स्टेट के अंदर तुम्हारे 2 वर्टिकल्स हैं, एक रेस्टोरेंट चलाता हो, एक मैं फैक्ट्री चलाता हूं, लेकिन सर ये दोनों एक ही स्टेट में है तो मैंने एक ही नंबर ले रखा है। अब 40-50 लाख का रेस्टोरेंट में सेल करता हूं और 40-50 लाख की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं सर गुड्स की, तो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की वैल्यू है उस पर 1% लगा दो, और जो तुम रेस्टोरेंट चलाते हो उस पर तुम 5% लगा दो, फिर से एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल मिला के, ठीक। और एंड साथ में बोलते हो या फिर ओनली, साथ में भी चलेगा या ओनली भी चलेगा, और एंड है, और एंड है। सर मैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सर्विसेज नहीं दे रहा, सर्विसेज में ओनली 1 सर्विसेज रेस्टोरेंट, ठीक। और सर नहीं सर, ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता ना मैं रेस्टोरेंट चलाता, तो आ जाओ तुम इसके अंदर तीसरी कैटेगरी में, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करते होगे तुम, होलसेलर हो रिटेलर हो, सामान खरीद के सामान बेचते हो, इंट्रा स्टेट ही बेचना, परचेस तुम कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां भी 1% है, बट यहां वर्ड है आपकी हम सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, हम आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई टर्नओवर की काउंटिंग के लिए लेंगे, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं लेंगे, फॉर टैक्स कॉम्प्यूटेशन नहीं लेंगे। सर एग्रीगेट टर्नओवर का जो काउंटिंग करेंगे उसमें तो लेना ही पड़ेगा ना एग्जम्प्टेड सप्लाई को, 3 कैटेगरी है। अब दिक्कत क्या हुई, मान लो तुम मोबाइल बेचते हो, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या हुई, दिक्कत क्या हुई, मान लो तुम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में मोबाइल बेचते हो, थोड़ा बहुत मोबाइल का रिपेयर भी कर देते हो, घड़ी बेचते हो, थोड़ा बहुत तुम घड़ी की रिपेयर भी कर देते हो, चलेगा ना। सर मेरी मोबाइल बेचने की दुकान है, मैं मोबाइल ठीक नहीं करता हूं, लेकिन सर वो मेरा जो बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड में ओप्पो का एड चल रहा है सर, ओप्पो वाले मुझे 5,000 रुपए महीना देते हैं, एकदम झकास सा बोर्ड लगा के गए अपना, उसमें अपना बोर्ड लगा के गए, मेरा छोटा सा दुकान का नाम जीएसटी नंबर के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग किए हुए ओप्पो वीवो, आपने देखा होगा मोबाइल की दुकानों पर बड़े बड़े, वो मोबाइल छोटी सी दुकान है लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े बोर्ड सब लगे होते हैं मोबाइल ब्रांड के, लाइट वाले बोर्ड, एक एक बोर्ड 50,000-50,000 रुपए का होता है, वो दुकान वाला नहीं लगाता है, वो कंपनी वाले लगवाते हैं जो अपना एड करवा रहे हैं,
और साथ में रुपए भी देते हैं कि आप अपनी दुकान पर हमारा ये बोर्ड लगाइए, अगले 6 महीने के लिए लाइट खर्चे का, बिजली बिल का रुपया आप दीजिए, लेकिन हम आपको इसका 5,000 रुपये महीना देंगे, 6,000 10,000 रुपये महीना देंगे। तो एक तरह से दुकान वाला क्या कर रहा है, मोबाइल बेचने के साथ साथ एडवर्टीजमेंट का काम भी चालू कर दिया, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज से पैसा कमा रहा है। अब मान लो तुम्हारे कपड़ा बेचने की दुकान है, साथ में तुम शर्ट स्टिचिंग का भी काम चालू कर दिए, तो क्या हो रहा था ऐसे? सर ऐसे में क्या हो रहा था, सर ये जो थोड़ा सा सर्विस इन्वॉल्व हो गया ना, उसके कारण मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में, ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिशन स्कीम में सर्विस के नाम पे सिर्फ क्या लिखा हुआ था, रेस्टोरेंट सर्विस। अगर तुम इसके अलावा कोई और सर्विस दोगे तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर ये तो गलत हो गया, अब क्या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं और या ट्रेडिंग करूं और सर्विस में सिर्फ, मैं सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट चलाऊं तभी मुझे मिलेगा 10-1? सर मैं थोड़ा बहुत वो मोबाइल का रिपेयर करना चाहता हूं। सर टीवी बेचने की दुकान है, टीवी का रिपेयर नहीं कर सकता, घड़ी बेचने की दुकान है, थोड़ा सा घड़ी नहीं बेच सकता। और सर एडवर्टीजमेंट का अगर कोई किराए पर जगह दे रहा हूं, मैं अपनी दुकान की एक छोटी सी जगह मैं किराए पर दे रहा हूं और उससे रेंट आ रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता। तो जब ये प्रैक्टिकल दिक्कत आने लग गई तो गवर्नमेंट ने 10-1 के अंदर ही अमेंड करके बोला, ठीक है थोड़ी सी सर्विस तुम और दे सकते हो, मार्जिनल सर्विस और दे सकते हो, इन सब के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी दे सकते हो, रेस्टोरेंट के साथ भी दे सकते हो, ट्रेडिंग के साथ भी दे सकते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो अप टू अ सर्टन लिमिट, वो लिमिट मैं अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी, इसलिए इसको वर्ड मैंने दिया है मार्जिनल सर्विसेज 10-1 के अंदर। अभी हम 10-2A में नहीं जा रहे, 10-2A में नहीं जा रहे। तुम यहां पे क्या कर रहे हो सर? सर मैं मोबाइल बेचने के साथ, मोबाइल सेल के साथ मैं मोबाइल रिपेयर का काम भी करना चाह रहा हूं सर। सर वो मैं टेलीविजन सेल करता हूं और उसके साथ थोड़ा बहुत टीवी रिपेयर करना चाहता हूं, है ना? सर थोड़ी बहुत मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उसके साथ थोड़ा बहुत मुझे ना एडवर्टीजमेंट का पैसा कमाना है सर, रेंटल इनकम, एडवर्टीजमेंट रेंटल, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मेजर काम मेरा मोबाइल बेचने का है, मेजर काम टीवी बेचने का है, मेजर काम मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। सर 1-2 लाख रुपए आने दो ना मोबाइल रिपेयर से भी, कस्टमर बंधा रहता है। सर 30-40 लाख रुपए की टीवी बेचना हो तो 50,000 1-2 लाख का टीवी रिपेयर तो करने दे दो, कस्टमर भाग जाएगा। अब अगली बार जिसके यहां टीवी रिपेयर कराने गया वहीं टीवी खरीद लिया तो? सर क्या गरीब आदमी को थोड़ा एडवर्टीजमेंट और रेंटल तो आने दो सर, दुकान खाली जा रही है, कोने में जगह दे दूंगा सर, 2,000 रुपए किराया आ जाएगा। सर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, थोड़ी बहुत जगह खाली आ गई, दुकान एक दे देता हूं ना सर किराए पे। तो इसका क्या मतलब है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम मुझे नहीं दोगे? नहीं नहीं देंगे देंगे देंगे, डोंट वरी देंगे, थोड़ा सा सर्विस तुम कर सकते हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो तब तो 1.5 करोड़ का माल बेचो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट चला रहे हो अगर तो कोई टेंशन नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए तक का रेस्टोरेंट चलाओ। और या फिर अगर तुम वो कहां हो, मणिपुर और त्रिपुरा में हो तो तुम 75 लाख का रेस्टोरेंट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10-1 में रहने के लिए तुमको 3 एक्टिविटी करनी पड़ेगी, 3 में से कोई 1 या 2 या 3 हो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस में ओनली रेस्टोरेंट। सर थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट चलाने दे दो, ठीक है अप टू अ सर्टन लिमिट हम तुम्हें रेस्टोरेंट चलाने देंगे। सर वो लिमिट बता दो, तो लिमिट है ₹5 लाख रुपए और 10% ऑफ योर टर्नओवर विच एवर इज हायर। मतलब अगर तुम्हारा ओवरऑल टर्नओवर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का 10% 10 लाख, मतलब 90 लाख रुपए का तुम टीवी बेच दो और 10 लाख रुपए तक का तुम टीवी रिपेयर कर सकते हो, ऐसा मार्जिनल। मार्जिनल कितना? 10%। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सब मैं सिखाऊंगा, बट तुम्हारे मन में आया सर कितना, तो मैंने बोला 10% और 5 लाख बीच एवरेज हायर। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सिखाऊंगा, वहां 2 व्यू है, व्यू 1 व्यू 2, दो तरीके से वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीके से समझा जाता है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन दो लोगों ने दो तरीके से किया, तो वो भी तुमको बताऊंगा, एक सही इंटरप्रिटेशन और एक गलत इंटरप्रिटेशन। मजा आएगा, मजा आएगा इस वाले पोर्शन पे,
मैं इस वाले पोर्शन पे हूं, मार्जिनल सर्विसेज, मार्जिनल सर्विसेज थोड़ी सी अलाउड है, थोड़ी सी अलाउड है किसके साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, किसके साथ सर, वो रेस्टोरेंट के साथ सर, किसके साथ वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, अदर अदर सप्लायर का मतलब क्या है, अदर सप्लायर, अगर तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, रेस्टोरेंट चलाने वाले नहीं हो, तो अदर में कौन बचेगा, ट्रेडर ही तो बचेगा, ठीक सर, इन केस ऑफ अदर सप्लायर, और या फिर वही रेंटल इनकम, एडवर्टीजमेंट इनकम, रिपेयर इनकम, तो यहां पर देखिए वर्ड है और सर्विसेज, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिनल सर्विसेज तुम दे रहे हो इस पे रेट कितना लगेगा, 0.5 प्लस 0.5 1%, और इसमें भी सिर्फ हम टैक्सेबल पोर्शन लेंगे, एग्जम्प्टेड पोर्शन नहीं लेंगे सर, इसके लिए ही लिमिट है यहां पर कितनी सर, सर्विसेज रेस्टोरेंट के अलावा कोई हो तो वो तो यही है ना, सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट वो तो यही है, तो वहां तुम कितनी तक की सर्विस दे सकते हो, तो 10% ऑफ योर टर्नओवर और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर, और इस पे रेट कितना है 0.5, मतलब 0.5% प्लस 0.5% इक्वल टू 1% एंड ओनली टैक्सेबल सप्लाई लेंगे यहां भी, ओनली टैक्सेबल सप्लाई, तो कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, अभी नोट्स पे आएंगे इकट्ठा, बट कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है सर। 10-1 में तीन कैटेगरी है रेट की, एक मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, रेस्टोरेंट वाले हो तो 5%, अब इसके अलावा कोई और हो जिसमें तुम गुड्स में डील करते हो या थोड़ी बहुत सर्विसेज में डील करते हो रेस्टोरेंट के अलावा, तो भी 1%, लेकिन मेजर रोल तुम्हारा क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, थोड़ा बहुत तुम सर्विस देना चाहते हो, कितने तक का, 5 लाख और 10% तक का, ये 5 लाख और 10% में टर्नओवर कौन सा लेना है, करंट ईयर का लेना है, पिछले साल का लेना है, और ये लिमिट पिछले साल लगानी है या करंट ईयर में लगानी है, इसके दो व्यू हैं, एक सही एक गलत, दोनों व्यू का डिस्कशन करेंगे आज ही की क्लास में, बने रहिएगा, मजेदार है वो डिस्कशन। तो सर रेट क्लियर हो गया, और रेट क्लियर के साथ साथ ये भी हो गया कि रेट किस पे लगाएंगे, टर्नओवर पे या टैक्सेबल टर्नओवर पे, तो अगर आप रेस्टोरेंट में और मैन्युफैक्चरर में है तो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड मिला के जो टर्नओवर आ रहा है उस पे, और आप तीसरी कैटेगरी में है तो ओनली टैक्सेबल पोर्शन पे, और धीरे धीरे हमारे नोट्स में काफी कलरफुल हो रहा है नोट्स, यानी हम यहां जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम डिस्कस करते जा रहे हैं, एक बार देखोगे कि सब कुछ कलरफुल हो गया, यानी सारा डिस्कशन हो गया, सारा डिस्कशन हो गया। अब सर 10-1 में हम नहीं है एलिजिबल, सर मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, रेस्टोरेंट नहीं चलाता हूं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का काम करता हूं, एक होता ना सर मोबाइल बेचने के साथ मोबाइल रिपेयर, नहीं सर मेरा सिर्फ सर्विस सेंटर है, मैं खाली मोबाइल रिपेयर करता हूं, खाली लैपटॉप रिपेयर करता हूं, सर मैं कोचिंग चलाता हूं, आप बोलो मैं सिर्फ कोचिंग चलाता हूं, सर वो मेरा है ना वो हेयर कट वाला सैलून है, अब बोलो सर्विस ही तो है, सर मेरी कुरियर कंपनी है उसमें कहां मैं गुड्स बेचूंगा, सर 10-1 में कौन नहीं आ पाए, जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कोई कोचिंग चला रहा है, कोई कुरियर कंपनी चला रहा है, कोई हेयर कट का सैलून चला रहा है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, हेयर कट सैलून, ठीक है कुरियर कंपनी, कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने, जो बोलते हैं ना तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ना मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, न मैं गुड्स बेच रहा हूं, और मेरा वो मार्जिन से नहीं चलेगा, 5 लाख 10% से काम नहीं चलेगा मेरा, सर मेरा तो मेजर काम ही सर्विसेज का है, कुरियर करने में थोड़ा सर 70-80 लाख के कुरियर की सर्विसेज है सर, थोड़े बहुत सेलोटेप भी बेच देता हूं साथ में, लिफाफा और सेलोटेप स्टेशनरी आइटम, बट मेन अपना काम कुरियर का है सर, 60-70 लाख रुपए के कुरियर का काम है, 5-10 लाख का स्टेशनरी तो ऐसे ही साइड में रखा रहता है, तो अब तुम इसको 10-1 में तो लेके नहीं जाओगे, तो 10-1 में क्या दिक्कत हो गई कि सर्विसेज के नाम पर सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, और आगे सर्विसेज ऐड भी हुई तो उसमें सिर्फ 5 लाख और 10% तक ही अलाउड था, वो लोग कहां गए जो प्योर सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, कितने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए, मान लो तुम पार्लर चलाते हो, तुम एडवर्टीजमेंट का काम करते हो, तुम मेरी तरह कोचिंग चलाते हो, तुम कोई सर्विस सेंटर चलाते हो, छोटे मोटे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम हो, 1.5 करोड़ तो इसमें है नहीं, 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख और उससे कम हो पिछले साल और करंट ईयर में 50 लाख तक, तो काफी है 50 लाख रुपए कुरियर वालों के लिए, तो कुरियर चलाने का काम में कितना रेवेन्यू कमा लोगे, तो सर छोटे व्यापारी जो रेस्टोरेंट नहीं चला रहे थे और कोई सामान भी नहीं बेच रहे थे, उनका मेजर काम सर्विसेज ही में था इन्वॉल्व,
सर मेरा तो सर्विस सेंटर है, मैं यहाँ रिपेयर करता हूँ। रिपेयर से अगर मेरे को 5 लाख रुपए आ रहा है, तो उसमें अगर कोई पार्ट बेच रहा हूँ तो पार्ट से तो 10-20 हजार रुपए आ रहा है। मेजर काम रिपेयर से पैसा आ रहा है सर, मैं तो 10-1 में जा ही नहीं पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बाद में 10-2A डाला, बाद में 10-2A डाला, ठीक है, और बोला कि ठीक है सर्विसेज में डील करते हो, मेनली सर्विसेज में, 10-1 में तुम नहीं जा पा रहे हो तो आ जाओ 10-2A में, लेकिन थोड़ा बहुत गुड्स यहां बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऊपर में गुड्स के साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हो, और सर्विसेज ज्यादा है तो 10-2A में आ जाओ, 50 लाख रुपए तक हम तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं। सर वो रिपेयर के साथ थोड़े पार्ट्स भी बेचता हूं, चलेगा सर? रेस्टोरेंट वाले नहीं हो ना? नहीं सर, रेस्टोरेंट वाला नहीं हूं। क्या देते हो सर्विसेज में? सर थोड़ी बहुत रिपेयर की सर्विसेज है मेरी, और उसके साथ थोड़ा मैं सप्लाई ऑफ पार्ट्स भी करता हूं। सप्लाई ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स कितने का बेच देते हो? 3 लाख का सर पार्ट्स बेच देता हूं, रिपेयर सर 32 लाख का कर देता हूं। तो 32 और 3 35, 20 लाख रुपए से ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन तो तुमने लिया ही होगा, ओवरऑल 50 लाख के अंदर। पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख और उससे कम है, बट ज्यादा तो होना चाहिए ना, 20 लाख से ज्यादा, तभी तो तुमने रजिस्ट्रेशन लिया होगा। वही पिछले साल 1.5 करोड़ देखो, इस साल भी 1.5 करोड़ देखो, तो हम सर्विसेज में आ गए 10-2A में। 10-2A मेनली सर्विसेज के लिए, और 10-1 10-2 मेनली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स की ट्रेडिंग, होलसेलर, और साथ में रेस्टोरेंट चला रहे हो तो ठीक है, और फिर उसके साथ थोड़ी बहुत रेंटल की कमाई, एडवर्टीजमेंट की कमाई चल रही है 5 लाख और 10% तक, तो ठीक है। बट एक सैलून वाला कैसे जाएगा 10-1 में? एक कुरियर वाला, एक सैलून वाला, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाने वाला, एक मेरी तरह कोचिंग चलाने वाला तो 10-1 में जा ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 50 लाख तक 10-2A में आ जाओ, लेकिन यहां थोड़ा बहुत गुड्स बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर चलेगा, तुम थोड़ा बहुत गुड्स बेच दो, हम तुम्हें 10-2A की कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं, और अब तुम्हारे टर्नओवर पे 6% लगाएंगे, टर्नओवर में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड दोनों सप्लाई लेंगे, यहां कोई रिलीफ नहीं है। टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई का एग्रीगेट करेंगे और 6% लगा देंगे, 3% प्लस 3%, 3% CGST, 3% SGST। तो ये हो गई पूरी रेट की कहानी। ये हो गई सारी रेट की कहानी। सर रेट की कहानी हो गई? हाँ जी रेट की कहानी हो गई, ये पूरा पेज कंप्लीट, डन। सर सेक्शन 10-1 प्लस रूल 7, और या फिर सेक्शन 10-2A प्लस रूल 7, और 10-1 के साथ 10-2 फ्री है, मतलब 10-1 में वही जाता है जो 10-2 की कंडीशन फुलफिल करे। तो 10-1 प्लस 10-2, फिर रूल के लिए रेट के लिए रूल 7 में आओ। रेट क्या है सर? तो अगर तुम 10-1 वाले हो, तुम 10-1 वाले हो, और तुम 10-1 वाले हो, कौन हो तुम? मैन्युफैक्चरर, तो 0.5%। रेस्टोरेंट वाले तो फिर 2.5 प्लस 2.5 5%, और अदर सप्लायर हो, गुड्स में डील करते हो, या मार्जिनल सर्विस, यानी सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट बट लिमिटेड, तो फिर तुमको हम 5% 0.5 यानी 1 में ले जाएंगे। थोड़ा बहुत इसमें सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, यहां लिखा हुआ है थोड़ी बहुत इसमें सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, लेकिन सर्विसेज की लिमिट तुमको मैंने बता दी। ओवरऑल 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट के अंदर एक लिमिट घुसी हुई है 10% और 5 लाख की, और अब तुम 10-2A वाले हो, तो उसमें हमने बोला आपको 3% प्लस 3% 6%, और टर्नओवर में दोनों ले लेना, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, ठीक, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड, जहां जहां टर्नओवर लिखा है वहां वहां टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड का टोटल करके 5% 2.5 2.5, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड का टोटल करके 3-3, और तुम नॉर्मल स्कीम में रहते तो फिर टैक्सेबल पे 18% जीएसटी दो, जो नॉर्मल रेट है से 18-12, फिर वहां एग्जम्प्टेड पे तुमको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जीएसटी मत देना। बट कॉम्पोजिशन स्कीम वालों में ये रिलीफ नहीं है एक्सेप्ट वन प्लेस, क्लियर है? ये पेज आपका कंप्लीट है, देखो इस पेज पे क्या लिखना है, डन। वीडियो रोक के लिखा,
सर एक डिस्कशन हमारा यहां पर जाके कंप्लीट हो रहा है, एक डिस्कशन हमारा यहां पे जाके कंप्लीट हो रहा है रेट को लेके। और यहां छोटी छोटी बातें हमने कंप्लीट कर ही ली थी, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे इसमें। तो रेट के बारे में लिख लीजिए। अब कैटेगरी भी क्लियर हो गई, अब कैटेगरी भी क्लियर हो गई। सर गुड्स हो या सर्विसेज, आप 10-1 में भी जा सकते हैं, 10-2A में भी जा सकते हैं। बट 10-2A में मेजरली कौन जा रहा है? जो मेजर प्लेयर सर्विस में डील कर रहा हो, गुड्स में थोड़ा बहुत। और वो जो 10-1 में क्वालिफाई नहीं कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला 10-1 में चला गया, रेस्टोरेंट के अलावा तुम और कोई सर्विसेज देते रहे हो प्रीडोमिनेंटली मेजरली, तो फिर तुम 10-2A में आ जाओ। और मार्जिनल की व्यवस्था तो उसी के अंदर है, थोड़ी बहुत कितनी 5 लाख और 10% तक। थोड़ी बहुत तुम एड से भी कमा रहे हो, रिपेयर से भी कमा रहे हो, सर्विस सेंटर भी चला रहे हो, ठीक है थोड़ी बहुत कमा लो, रहो 10-1 में ही। जो मैंने एग्जांपल सब दिए क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है, अब तुम समझ सकते हो 10-1 में कब रहेंगे और 10-2A में कब जाएंगे। दोनों जगह गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर एक तुमको मार्क करना होगा कि भाई ये आदमी कोचिंग चलाता है, इसको सीधा 10-2A में ले जाओ। ये आदमी ब्यूटी पार्लर चला रहा है, इसको सीधा 10-2A में चले ले जाओ। ये आदमी मोबाइल बेच रहा है, इसको देखो मोबाइल बेच रहा है, यानी मेजर काम इसका मोबाइल बेचना है। 40-50 लाख का मोबाइल बेच के 4-5 लाख का ये रिपेयर कर रहा है मोबाइल का, इसको 10-1 में ले जाओ। अब तुम जज कर सकते हो, ठीक। अच्छा सर एक बात बताना, मन में एक सवाल आ रहा है कि सर 10-1 में अगर मैं रेस्टोरेंट चलाऊं और मैन्युफैक्चरिंग भी करूं तो दोनों का 1.5 करोड़ + 1.5 करोड़ 3 करोड़ मिलेगा? नालायक, ओवरऑल सबका मिला के 1.5 करोड़ है या 75 लाख, सबका मिला के। 10-1 में 3 कैटेगरी है, तुम तीनों में डील करते हो, तुम्हारा एक होलसेल का दुकान भी है, एक मैन्युफैक्चरिंग का दुकान भी है और एक रेस्टोरेंट भी चलाते हो, सबका मिला के टर्नओवर 1.5 करोड़ एग्रीगेट, तीनों कैटेगरी मिला के। सर एग्रीगेट तीनों कैटेगरी मिला के हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है 1.5 करोड़ या 75 लाख। 3 कैटेगरी है, सब मिला के देखना है। चलिए सर, काफी अच्छा डिस्कशन कंप्लीट हुआ हमारा, डन। वीडियो रोक के लिखा, कहानी भी मैंने आपको बताई कि सर दिक्कत उन लोगों को हो रही थी जो रेस्टोरेंट के अलावा थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट, रेंटल, रिपेयर से पैसा कमाना चाह रहे थे। मेन तो काम उनका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स था, रेस्टोरेंट चलाना था, पर थोड़ी बहुत रेंटल एक्टिविटी आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने 10-1 के अंदर ही थोड़ा स्कोप दे दिया, 5 लाख और 10% ऑफ योर टर्नओवर विच एवर इज हायर तक का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, व्यू भी बनाएंगे उसमें हम लोग। सारी बातें खोल के रख दी, अब मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं बचा है, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर इन एलिजिबिलिटी पे बात कर ले। इन एलिजिबिलिटी मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा अगर तुम ये सब काम करोगे तो। बट ये पेज हमारा डन, अब इस पेज पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। मोटा मोटी ये पेज भी डन है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है अभी हमारा, पढ़ लेते हैं इसको फिर आगे कुछ पढ़ेंगे। सर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। मेन मुद्दा है भाई सिंप्लीफाई करना और बुक्स कीपिंग और कंप्लायंस के कॉस्ट को कम करना। सर सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी नीड नॉट वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन। HSN नंबर क्या होना चाहिए, SAC नंबर क्या होना चाहिए, तुमको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन ही नहीं करना, ये बात तुमको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी बताई थी, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी बता रखी है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला तो छोटा व्यापारी हो गया, ठीक, और छोटे व्यापारी को तो बोला HSN कोड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुमको कहता है क्लासिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। एक बात बताओ ना, क्लासिफिकेशन करके क्या करेंगे? मान लो मेरी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की दुकान है, 5-6 आइटम मैं खरीदता बेचता हूं, रेट ही उस पर 0.5 + 0.5 लगना है, नॉर्मल रेट है ही नहीं कि मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सर जब हम मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो, हर सर्विसेज पे अलग अलग रेट लग रहा हो, नॉर्मल रेट, तब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब मेरी दुकान पर मैं मोबाइल बेच रहा हूं, कैलकुलेटर भी बेच रहा हूं, मैं अपनी दुकान पर मोबाइल भी बेच रहा हूं, कैलकुलेटर भी बेच रहा हूं, प्रिंटर भी बेच रहा हूं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में सब पे 0.5 + 0.5 दूंगा ना,
तो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि सब पे सेम रेट है। टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, बात हो गई है, क्वार्टरली तुम टैक्स जमा करोगे, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तुमको देंगे, वो तुम बिना आईटीसी लिए जमा करोगे, यही सब बात हुई है। सर क्लासिफिकेशन की जरूरत कहां है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी एक दुकान है, दुकान पर मैं सेल करता हूं, सेल ऑफ गुड्स। अब क्या बेचता हूं सर, मैं प्रिंटर भी बेचता हूं, मैं कैलकुलेटर भी बेचता हूं, मैं मोबाइल भी बेचता हूं और मैं लैपटॉप भी बेचता हूं। अब बताना क्या मुझे 10-1 नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अगर मेरी दुकान है और मेरी दुकान का टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम है और मैं ये 4 आइटम बेचता हूं तो मना है, रेस्टोरेंट नहीं चला रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, तीसरी कैटेगरी अदर सप्लायर गुड्स में डील कर रहे हो, हाँ सर प्रिंटर भी बेचता हूं, कैलकुलेटर भी बेचता हूं, मोबाइल भी बेचता हूं, लैपटॉप भी बेचता हूं, सेल कर रहा हूं। अब इन सब पे 0.5% प्लस 0.5% जीएसटी लगना है, तो मुझे क्लासिफिकेशन की जरूरत कहां है, रेट आर सेम, 4 आइटम है, रेट सेम है, सेम रेट, तो मुझे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत कहां है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों। और वो नंबर लिखते ना एचएसएन कोड 4 डिजिट 6 डिजिट, वो भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो तुम पढ़ चुके हो टैक्स एंड वाइस चैप्टर में, ठीक है। 1.5 करोड़ तक वाले सप्लाई पे तुमको कोई भी नंबर बैठाने की जरूरत नहीं है। टैक्स एंड वाइस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है मैं बताता हूं, पेज नंबर 9.7 में, पेज नंबर 9.7 में तुमने एचएसएन कोड के लिए क्या पढ़ा हुआ है टैक्स एंड वाइस चैप्टर में, वहां लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ और उससे कम है, ठीक है, तो 4 डिजिट का लिखना है और ऑप्शनल है B2C के लिए, तो जनरली कॉम्पोजिशन स्कीम वाला सप्लाई ना B2C ही होता है, B2B नहीं होता, कॉम्पोजिशन स्कीम की जो मैक्सिमम सप्लाई है B2C होती है। और ऐसे भी जब रेट ही लगाना है सब पे 0.5 तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, ठीक है, क्लियर। क्वार्टर वाली बात पहले ही हो गई थी, अब 10-1 की मोटा मोटी सारी बातें हमने पढ़ ली। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर तुम्हारे ऊपर लगता है तो तुमको उस पे नॉर्मल रेट पे जीएसटी पे करना होगा। ये बात तुमको नोट्स में लिखा दी है, क्या इनवर्ड सप्लाई पे लिखा दिया ना, इनवर्ड सप्लाई पे अगर रिवर्स चार्ज लगता है 9394 तो तुमको उस पे नॉर्मल रेट पे जीएसटी पे करना है और आईटीसी भी तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो। तो ये बात कहां से क्लियर होती है, इस वर्ड से, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394। इसी चीज से रिलेटेड क्लास में आपको नोट्स में लिखवा दिया, इनवर्ड सप्लाई पे नॉर्मल रेट पे जीएसटी पे करोगे चाहे रिवर्स चार्ज ही क्यों ना हो और उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं हो रहा, ठीक है, यहां पे लिखा था नोटिफाइड लिमिट और नोटिफाइड लिमिट वही है 1.5 करोड़, मे मतलब ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल स्कीम है, इन लियू ऑफ द नॉर्मल टैक्स 9-1 की जगह पे सब लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड रेट हम पढ़ लिए रूल 7, अधिक नहीं होना चाहिए। तो सर रूल 7 भी स्मार्ट है, यहां बोलता अधिक नहीं होना चाहिए और यही रेट रूल 7 में ठूस दिया है, मैक्सिमम रेट को ही वहां इक्वल कर दिया। 10-1 में क्या लिखा हुआ है, रेट इससे अधिक नहीं होना चाहिए, बाकी रूल में जाके देखो, रूल में गए तो यही रेट मिला, यही रेट मिला, डिटो टर्नओवर मैन्युफैक्चरर 0.5 प्लस 0.5, रेस्टोरेंट चलाते हो तो 2.5, रेस्टोरेंट में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। सर अल्कोहल बेचने वाला सप्लाई क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अल्कोहल क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई वालों को 10(2) में कहा हुआ है कि नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो तुम्हारी रेस्टोरेंट में अल्कोहल नहीं बिकना चाहिए क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं, तो प्लीज ये भी ध्यान रखना। अभी पढ़ाऊंगा तुमको 10(2) के कंडीशंस, इन एलिजिबिलिटी के कंडीशन की तुम क्या करोगे तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। और तुमको ये समझा दिया गुड्स का चक्कर, 0.5 का चक्कर, सर्विसेज का चक्कर,
अदर सप्लायर में कौन आ गया? अभी टीवी प्रिंटर मोबाइल बेच रहे थे ना सर, ये भी बता दिया। इसमें दो व्यू है, दो व्यू, मैं क्लास के अंदर व्यू वन एंड व्यू टू अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अब ये बचा हुआ है सर, ये मोटा मोटी क्या है? सिमिलर टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर। सर ये बात सिमिलर टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पेज नंबर 3.4 पे नोटिफिकेशन नंबर हमने पढ़ा था 10/2019, 40 लाख की लिमिट वाली बात। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 40 लाख की लिमिट वाली बात नहीं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने ये वाली बात पढ़ी थी सेक्शन 22(1) के अंदर। क्या हमने कहा था कि अगर तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करोगे तो तुम्हें लिमिट 10-20 के जगह सात 10-20 के जगह क्या मिलेगी? 40 मिलेगी, मतलब 20 के जगह 40 मिलेगी। हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 22(1) के अंदर, 22(1) पेज नंबर 3.3 में हमने पढ़ा था कि अगर तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करोगे तो तुम्हें 40 लाख तक की लिमिट भी मिल सकती है, लेकिन अगर उसमें तुम्हारा एग्जम्प्टेड सप्लाई है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। मान लो तुम गुड्स में डील करते हो, साथ साथ तुम्हें कोई इंटरेस्ट की इनकम भी आ रही है सर्विसेज की, तो भी तुमको 40 लाख की लिमिट मिलेगी। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस कर रखा है सेक्शन 22(1) में, सेक्शन 22(1) में मोटा मोटी वैसी चीज यहां लिख रहा है। बोलता है कि तुम्हें कोई डिपॉजिट कर रखे और उससे तुमको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। अभी जैसे ऊपर में क्या था? रेंटल इनकम। अभी ऊपर क्या पढ़े थे? रेंटल इनकम, मोबाइल बेचने के साथ साथ थोड़ी रिपेयर की इनकम आ रही है। ओ सर, कपड़े की दुकान के साथ साथ, मोबाइल बेचने की दुकान के साथ साथ सर थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट का इनकम आ रहा है। कपड़े बेचने की दुकान के साथ साथ थोड़ा जगह किराए पर दे दिया था आगे दर्जी को, तो उससे रेंटल इनकम आ रहा है। तो हमने क्या बोला? कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल 1.5 करोड़ के अंदर रहना, और ओवरऑल 1.5 करोड़ के अंदर रहना, और उसमें भी 5 लाख और 10% के अंदर रहना, बोला था। अब सर कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि सर मेरे पास अपने बिजनेस में सरप्लस पैसा है, उसको मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सर एक मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस में उसके पास सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड को उसने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उससे इसने पैसा कमा लिया कंसिडरेशन, क्या? इंटरेस्ट। तो ये एक कैटेगरी है सर्विस की। हमने बैंक में पैसा जमा किया और बदले में हमें इंटरेस्ट मिला, मैंने तुमको पढ़ाया, बदले में मुझे पैसा मिला, फी, तो मैंने सर्विस दी ना, और बदले में तुमने मुझे पैसा दिया। तो ऐसे ही तुम्हारे पास बिजनेस में सरप्लस पैसा था, तुमने बैंक में जाके जमा किया और उसको तुमको इंटरेस्ट मिला, तो ये भी एक सर्विस है, और सर्विस में तुमको इंटरेस्ट की कमाई हो रही है। और हमने पढ़ लिया है कि ये एग्जम्प्ट होता है, ये एक एग्जम्प्टेड सप्लाई है, ये एक एग्जम्प्टेड सप्लाई है। तो पर्टिकुलर इस सप्लाई को जहां पर तुम्हें इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, कहता है वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सारी नहीं, पर्टिकुलर कौन सी? बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमाना, या किसी को लोन और एडवांसेस दे के बदले में इंटरेस्ट कमाना। सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ अ इंटरेस्ट और डिस्काउंट सेल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्न ओवर इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। अगर तुम्हारे पास जो एक्टिविटी कर रहे हो तुम, मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग की, रेस्टोरेंट की, साथ में तुम किसी को लोन और एडवांसेस देके इंटरेस्ट कमा रहे हो, किसी को डिपॉजिट देके इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हो, जो कि एग्जम्प्ट है, आप इसको इग्नोर करके चलेंगे, अपने टर्नओवर में इसको नहीं लेंगे, मतलब इसको 1.5 करोड़ के टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। इस पर जब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने बोला था टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड को मिला के 0.5% लगाना, उसमें भी इसको काउंट नहीं करेंगे, टोटल इग्नोर करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में। सर पिछले साल का टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे।
सर करंट ईयर में जो टर्नओवर निकाल रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ के बाद तुमको नहीं मिलेगा उसमें काउंट, नहीं करेंगे। सर अभी अभी आपने ऊपर बोला था मैन्युफैक्चरर के केस में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई मिला के रेट लगाना, वहां भी नहीं जोड़ेंगे। सर अभी आपने बोला था 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हो, 10% तक की सर्विसेज दे सकते हो, उसके अंदर नहीं कंसिडर करेंगे, कहीं भी कंसिडर इसको नहीं करेंगे। किसको? अगर तुम्हारे पास, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो और तुम्हारे पास एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंटरेस्ट की इनकम आ रही है क्योंकि तुमने डिपॉजिट दिया था या लोन एडवांसेस पे पैसा दिया था। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या पढ़े कि 40 लाख की लिमिट मिलेगी अगर तुम गुड्स बेचने के साथ साथ थोड़ा बहुत एग्जम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम कमाते हो तो। यहां क्या लिखा है, तुमको वैल्यू में काउंट ही नहीं करना है, नॉट बी टेकन इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू। सर किसी जगह काउंट नहीं करेंगे, टैक्स कंप्यूट करने में भी नहीं करेंगे, आगे लिखा हुआ है। पिछले साल का 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखते हैं, उसमें भी काउंट नहीं करेंगे। करंट ईयर का 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख का टर्नओवर देखते हैं, उसमें भी काउंट नहीं करेंगे। अभी मार्जिनल सर्विस देखे सर 5 लाख और 10% का, उसमें भी काउंट नहीं करेंगे। बट कौन सी सर्विस? एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट उसमें भी कौन सी? सर वो इंटरेस्ट की इनकम आती है डिपॉजिट से या इंटरेस्ट की इनकम आती है लोन एडवांसेस से, तो उसकी बात हो रही है सर यहां पर। ये पेज कंप्लीट, फाइनली ये पेज आपका कंप्लीट, पेज नंबर 18 कंप्लीट डन। अब थोड़ा देखिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए इसमें, कुछ छूटना नहीं चाहिए, आप अच्छे से लिखो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, तुम ज्यादा सोचते हो। फाइनेंशियल ईयर 22-23, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा 140 लाख रुपए का तुमने क्या किया था? सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक। और 15 लाख का तुम्हें क्या था? इंटरेस्ट इनकम। ये कौन सी सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई। ये कौन सी सप्लाई है? एग्जम्प्टेड सप्लाई। टोटल कितना हो गया? 155 लाख। कितने से अधिक हो गया? 1.5 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जम्प्टेड सप्लाई है वो हटा दें तो उसके बाद हम 1.5 करोड़ और उसके अंदर ही हैं। ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें एग्जम्प्टेड सप्लाई, देखो एग्जम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर काउंट करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, बट कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं काउंट करेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप इसको काउंट नहीं करोगे। किसको? इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कहीं भी काउंट नहीं करोगे इसको। वो जो 5 लाख और 10% की कैलकुलेशन है उसमें भी नहीं। ये जो 15 लाख का जो इंटरेस्ट इनकम है ना एग्जम्प्टेड सप्लाई, इसको तुम कहीं भी काउंट नहीं करोगे, कहीं भी नहीं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट नहीं करोगे, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं कि हमें स्कीम से एग्जिट लेना है कि नहीं लेना है, वेदर वी हैव क्रॉस्ड आवर टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ और नॉट, हम निकले कि ना निकले स्कीम से, उसमें भी नहीं काउंट करना है एलिजिबिलिटी। सर उसके बाद जब आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, टैक्स पेमेंट में भी काउंट नहीं करना है क्योंकि हम टर्नओवर पे रेट लगाएंगे ना 0.5%, 0.5%, उसमें भी काउंट नहीं करना है। और वो जो मार्जिनल सर्विसेज कौन सी वाली, 5 लाख
और 10% ऑफ टर्नओवर उसमें भी काउंट नहीं करना है. ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. अगर तुम्हें कोई कंसिडरेशन में इंटरेस्ट और या डिस्काउंट की इनकम हो रही है क्योंकि तुमने लोन और एडवांसेस दिया था, तुमने डिपॉजिट दिया था, तो आप उसको इग्नोर करके चलोगे. फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाए या कि नहीं जाए पहला नंबर पॉइंट, कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकले कि नहीं निकले दूसरा नंबर पॉइंट, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो क्वार्टरली टैक्स जमा करेंगे उसके लिए सर वो मार्जिनल सर्विसेज मेरी लिमिट से क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करना है, 5 लाख और 10% उसमें भी आप इसको काउंट नहीं करेंगे. सर्विसेज में आप 15 लाख काउंट नहीं करेंगे कि सर मैंने सर्विस दे दी 15 लाख की, आपने तो 5 लाख और 10% ही बोला था, उसमें भी काउंट नहीं करेंगे इसको. तो गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दी है क्योंकि बिजनेस के कोर्स में इंटरेस्ट की इनकम एक नेचुरल इवेंट है. अब उसके चलते आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो उस बेचारे की क्या गलती, सरप्लस फंड को उसने बैंक में जमा करके इंटरेस्ट इनकम कमाया है और वो एग्जम्प्ट भी होता है तो उस बेचारे की क्या गलती. फिर छोटी सी इंटरेस्ट इनकम के कारण आप बोलेंगे तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर गई तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, गलत है. गवर्नमेंट ने बोला इसको टोटली इग्नोर करो. ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, एक एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में, लिखो इसको. डन, वीडियो रोक के लिखा. चलिए सर, अब यहां एक बार ब्रेक ले लीजिए. पहले पेज पे सब कुछ कंप्लीट है, इसको भी लिख लीजिए यहां तक. ये भी कंप्लीट हो गया. एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया का लेते हैं, सेम पैन ओवरऑल जितने भी ब्रांचेस हैं पैन इंडिया बेसिस पर, और टर्नओवर इन अ स्टेट मतलब हम स्टेट का टर्नओवर क्यों निकालते हैं, टैक्स पेमेंट करने के लिए. और एग्रीगेट टर्नओवर क्यों निकालते हैं, टू चेक द थ्रेशोल्ड कि हम रजिस्ट्रेशन लें कि ना लें, हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएं या ना जाएं, हम कॉम्पोजिशन स्कीम से निकले या ना निकले. तो रजिस्ट्रेशन के लिए और एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़, 50 लाख. और जब टैक्स देने की बारी आती है तब हम क्या देखते हैं, टर्नओवर. तो ये डिफरेंस है बेसिकली, टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर में डिफरेंस क्या है पर्पस को देखते हुए. तो मोटा मोटी यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया बातों ही बातों में, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए आपको साथ में, ये लिख चुके थे पहले वीडियो रोक के ये पोर्शन, है ना. अब दो व्यू कौन से हैं, व्यू वन व्यू टू, 5 लाख और 10% कैलकुलेट करने के, उसकी बात अलग होगी. ठीक है, उसकी बात हम अलग करेंगे. लोन एडवांसेस डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट जो हो रही है उसका ट्रीटमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए क्या करेंगे, पूरे बहुत अच्छे तरीके से बात हो गई आपके साथ. नोट 1, 2, 3 क्लियर है, डन. अब आप ब्रेक ले लो क्योंकि ब्रेक के बाद हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं. ब्रेक के बाद तो ये पूरा ही टूट जाएगा, ये यहां तक टूट जाएगा, खत्म. ब्रेक के बाद तो अगले 15-20 मिनट में हम यहां तक पहुंच जाएंगे क्योंकि मोटा मोटी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन. चौथा नंबर पॉइंट ये आप पढ़ चुके हैं, डन. ठीक है, जैसे ही तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाएगा लिमिट से, वैसे ही तुम कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाओगे. कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आईटीसी नहीं ले सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स. ये तीसरा चौथा क्लियर है, डन है ये. तो देख बहुत सारे पॉइंट हो गए, फटाफट हो जाएगा. अब तो कोई दिक्कत है नहीं, तुम ब्रेक ले लो यहां पे, हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं. चलिए सर, ब्रेक लिया आप बच्चों ने. सर सेक्शन 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप आते हैं तो आपको कैटेगरी आपने देख ली, रेट्स आपने देख लिए, लेकिन सर वहां पर जो आपने टर्नओवर देखा कि आपका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए. सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कंडीशंस हैं एलिजिबल होने के. अब वो कहां लिखे हुए हैं सर, सेक्शन 10(2) में. और ऐसे ही मिलते जुलते कंडीशंस कहां लिखे हुए हैं, सेक्शन 10(2A) में, जब आप 10(2A) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं. तो मैं दोनों को मर्ज करके यहां पर इनएजिबिलिटी लिखा हुआ है मैंने, चाहे आप सेक्शन 10(1) रीड विथ 10(2) की बात करें और या फिर आप सेक्शन 10(2A) की बात करें. यह क्लियर हो चुका है आपको
कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा मेजरली कोई और सर्विस देना चाहते हैं तो आपको 10-2A में आना पड़ेगा। लेकिन अब 10-2A के अंदर रेट क्या है, 3+3 6%, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस सर, इसमें 50 लाख तक का ही टर्नओवर है ना, और आप 10-2A में थोड़ा बहुत गुड्स की सप्लाई कर दीजिए। लेकिन 10-2A में कब आइए, जब आप 10-1 में एलिजिबल नहीं होते हैं तब। अब ओवरऑल एलिजिबल नॉट एलिजिबल की चीजें आपसे शायद एक तरह से बात हो गई कि अगर आप मेजरली गुड्स में डील कर रहे हैं और मार्जिनरी सर्विसेज में तो 10-1 में जाइए, प्लस अगर रेस्टोरेंट में डील कर रहे हैं तो 10-1 में आइए। अल्कोहल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो उन्हीं सब चीजों को लेके कुछ क्राइटेरिया है, इन लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। किनको किनको, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करें, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो ये नहीं करना है, और ये कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम आप करंट ईयर में नहीं ले सकते, ठीक है। और सर व्हाट अबाउट इंटरस्टेट परचेज, दैट इज अलाउड। आप अगर दूसरे नेबरिंग स्टेट से परचेज कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम में रहिए, नेबरिंग स्टेट से आप परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट नेबरिंग स्टेट को सप्लाई नहीं करना है, चाहे आप गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, इंटर स्टेट सप्लाई आपको नहीं करना है। अब यहां बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, यहां कोई दो व्यू नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू है कि ये आपको करंट ईयर में देखना है, लास्ट ईयर में नहीं, करंट ईयर में देखना है। सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने टर्नओवर देख लिया ना कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम है, या फिर आपने देख लिया ना कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख और उससे कम है, बस उतना काफी है। आपको करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा अगर आप करंट ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो, और अगर ले लिया है कॉम्पोजिशन स्कीम तो अब मत करना। लास्ट ईयर कर रहे थे कोई बात नहीं, कर रहे थे वो तो टर्नओवर में काउंट हो गया ना। तो प्लीज यहां ध्यान रखिएगा, इसका एक ही व्यू है, ओनली वन व्यू। अब चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट्स में इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस 2022 लॉन्च किया है उसमें ये व्यू अपना, बस बेसिकली सीएमए इंस्टीट्यूट पुराना व्यू लेता था, व्यू टू, जो मैं पढ़ाई नहीं रहा हूं अब मैं। एक्चुअली इसमें ना दो व्यू है, किसमें, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एक व्यू है कि करंट ईयर का खाली देखना है, एक दूसरा व्यू भी है कि अगर लास्ट ईयर में आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो करंट ईयर में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। एक ये भी व्यू था जो गलत था और उसको सीएमए इंस्टीट्यूट फॉलो कर रही थी, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मैट डेवलप किया ना 2022 सिलेबस वाला, उसमें अपना व्यू ठीक कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखेंगे, हम करंट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे। मतलब सर इंटरस्टेट सप्लाई नॉट अलाउड इन कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखना है, और या फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 कॉम्पोजिशन स्कीम जब ले रहे हैं आप करंट फाइनेंशियल ईयर उसमें देखना है, तो करंट में देखना है। आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं उस ईयर में आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेंगे, नो इंटरस्टेट सप्लाई। से आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, और कॉम्पोजिशन स्कीम लेने हैं, ले लिए हैं तो फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया और आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चालू कर दिए। तो सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर ओके, सर एग्रीगेट टर्नओवर मेरा कितना है, मान लो 1.4 करोड़ है, इंक्लूडिंग इसके अंदर मेरा इंटरस्टेट सप्लाई है लास्ट ईयर, मेरा कोई 12 लाख रुपए का इंटरस्टेट सप्लाई है, कोई बात नहीं रहने दीजिए। आपको लास्ट ईयर का खाली टर्नओवर देखना है कि वो 1.5 करोड़ और उससे कम है या नहीं है। अगर हम सेक्शन
टेन वन और टेन टू की बात करें तो, अगर टेन टू ए की बात करेंगे तो 50 लाख, वहां भी यही बात लिखी हुई है। अभी मान लो मैं टेन वन के प्रोस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूं कि लिखा हुआ है कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं मिलेगा, तो कौन से ईयर का देखना है? करंट फाइनेंशियल ईयर का देखना है, जिस ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं या ले चुके हैं। लेने के बाद मत कीजिए इंटरस्टेट सप्लाई। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके इनएलिजिबल करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक, और कर रहे हैं तो लेने नहीं दिया जाएगा। मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, सर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई इन करंट ईयर ऊपर लिखा हुआ है, तो अब आपका कंक्लूजन क्या होगा? कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन इफ लास्ट ईयर टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। बोला नहीं नहीं सर, ऑप्टेड ऑलरेडी, डूइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली। अब बताओ सर, ऑप्ट कर लो, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड। अब आफ्टर ऑप्टिंग, आफ्टर दिस, डोंट मेक इंटर स्टेट सप्लाई। कर दिए तो, सर मैं इंटर स्टेट सप्लाई स्टार्ट करना चाहता हूं, इफ डू द सेम, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। सर पिछले साल टर्नओवर देखना है खाली। अब एक रॉन्ग व्यू है मार्केट में, एक रॉन्ग व्यू है मार्केट में जो आपको प्लीज नहीं फॉलो करना है। रॉन्ग व्यू क्या है? इफ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेसिकली, इफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ देयर इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, देन इन करंट फाइनेंशियल ईयर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट बी ऑप्टेड। ये एक रॉन्ग व्यू है इंटरस्टेट सप्लाई को लेके। सर ये व्यू पहले सीएम इंस्टीट्यूट ले रही थी, अब उसने भी बदल दिया 2022 वाले सिलेबस की बुक में। अब अच्छा, कुछ मार्केट में जो बुक्स हैं ये व्यू दे रही हैं, मार्केट में जो कुछ बुक्स हैं और उनको बुक्स को फॉलो करने वाले जो कुछ फैकल्टीज हैं वो ये पढ़ा रहे हैं। सर ये रॉन्ग व्यू है, सीए हो या सीएमए, कहीं भी आपको ये व्यू ऑप्ट नहीं करना है। अब चाहे तुम सीए इंस्टीट्यूट का देखो, सही वाला व्यू मैंने दे दिया, करेक्ट व्यू, ये करेक्ट व्यू है, जितनी भी चीज यहां पर लिखी है ना मैंने, सर ये सब करेक्ट व्यू है यहां से लेकर यहां तक, करेक्ट व्यू। और सर आप सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख लो, सीएमए इंस्टीट्यूट का नया वाला मटेरियल देख लो, या फिर आप सजेस्टेड आंसर देख लो इंस्टीट्यूट का, आरटीपी एमटीपी सीए इंस्टीट्यूट का देख लो। सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी व्यू चेंज किया नए सिलेबस में, तो सीएमए स्टूडेंट हो तो रिसेंटली देखो, और सीए स्टूडेंट तो कुछ भी देख लो, पिछले 3-4 साल का, पिछले 3-4 साल का देख लो तुम सीए स्टूडेंट, आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो, सजेस्टेड आंसर देख लो, स्टडी मैट देख लो, फाइनल देख लो, इंटर देख लो। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ और उससे नीचे का टर्नओवर है, आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई मत कीजिए, नहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा। और सर करंट ईयर में भी आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और साथ में कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, नहीं दे सकता। नहीं सर सिर्फ इंट्रा कर रहा हूं, आ जाइए, बट आने के बाद फिर आप सोचेंगे इंटर भी स्टार्ट कर दूं, नहीं कर सकते, करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। बट ये कहना एकदम गलत है कि चूंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे थे इसलिए आपको करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये एकदम रॉन्ग व्यू है, आपको इसको ऑप्ट,
इसको फॉलो नहीं करना है। प्लीज मैं बता दूं, मार्केट में कुछ ऑथर्स हैं, बुक्स लिख रहे हैं मार्केट में, और उनको फॉलो करने वाले टीचर्स ये व्यू पढ़ा रहे हैं जो कि गलत है। ठीक सर, एग्जाम में क्या आया? एग्जाम में आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है 70 लाख का, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई किया है मैंने 40 लाख का। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 1.1 CR, विच इज लेस देन 1.5 CR। अब आपका डिसीजन क्या है? आपका डिसीजन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम कैन बी ऑप्टेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज नो इंटरस्टेट सप्लाई। सर एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट सप्लाई होता है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं करना करंट ईयर में, पिछले साल कर रहे हो टर्नओवर में अकाउंट कर लो ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे मेरे सर ने मेरी बुक में मेरे नोट्स में, प्लीज मत फॉलो करना। आपको क्या बोला जाएगा कि नहीं 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 नहीं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम इंटरस्टेट कर रहे हो तो करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ये गलत व्यू है। सीए हो या सीएमए, सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी अब अपना व्यू चेंज कर दिया। तो पिछले बैच में मैंने ये रॉन्ग व्यू पढ़ाया था सीएमए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके स्टडी मैट में लिखा हुआ था पिछले बैच में, और वो मेरा यूट्यूब पे क्लास भी था पिछले बैच का, वो मैंने क्लास को प्राइवेट कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो प्लीज अब एक ही व्यू है, चाहे आप सीए या सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें करंट ईयर में देखना है। लास्ट ईयर कुछ भी करते रहो वो टर्नओवर में तो काउंट हो ही रहा है, खाली टर्नओवर देखना है। और कोई ये बोले कि मैंने एक बुक में पढ़ा है, मेरे टीचर, मेरे क्लास नोट्स, एक यूट्यूब, छोरो इन सब बात को स्टडी मैट में ये दिखा दो तुम, ये चीज कहीं नहीं अब मिलेगी। ये वाली चीज कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो करंट ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं लिखी हुई। ये बात देख लो, अब ये बात का सपोर्ट तुमको हर जगह मिलेगा। लास्ट ईयर में तुम्हारा इंटरस्टेट सप्लाई है तुम उसको टर्नओवर में काउंट कर लो, कोई बात नहीं। करंट ईयर में तुमको हम कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे अप टू 1.5 करोड़ तक, सेट 10(1) की बात हो रही है, बट तुम करंट ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई मत करना। सर नाउ दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय सीए एज वेल एज सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट का 2022 सिलेबस और सीए इंस्टीट्यूट का तब कुछ भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सीए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देख लो, आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो। पता नहीं क्यों ये व्यू पढ़ा रहे हैं फैकल्टीज ऑथर्स के चक्कर में, मार्केट में कुछ बुक्स हैं जिन्होंने ये बुक ले व्यू ले रखा है और इस व्यू को फिर फैकल्टी ऑप्ट कर रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में। प्लीज लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बेस पर आपको करंट ईयर का डिसीजन नहीं लेना है, वो आप टर्नओवर में काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे जरूरी था बताना, वो मैंने आपको अभी अभी कनेक्ट कर दिया। क्या सर इन एलिजिबिलिटी आपको 10(1) 10(2) का जो कॉम्पोजिशन स्कीम है या फिर 10(2A) का जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो नहीं मिलेगा अगर आप करंट ईयर में क्या कर रहे हैं? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लास्ट ईयर में करते थे कोई बात नहीं, आप उसको काउंट कीजिए एग्रीगेट टर्नओवर में, करंट ईयर में नहीं करना है। ठीक, डन, चाहे सीए हो या सीएमए स्टूडेंट। ठीक, क्लियर, डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोस्तों से कंफ्यूज नहीं होना, बोलना तुम छोड़ो ऑथर को, छोड़ो क्या टीचर ने क्या क्लास में पढ़ाया, मुझे तुम इंस्टीट्यूट की बुक में दिखा दो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में दिखा दो, आरटीपी एमटीपी में दिखा दो। और सीएमए स्टूडेंट, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं 2022, ओल्ड सिलेबस की नहीं, ओल्ड सिलेबस में रॉन्ग व्यू लेके चल रहा था और मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा था, तो यहां कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये अमेंडमेंट हो ही गया है, अब आप इको के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट ईयर कर रहे थे, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे नहीं थे मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे तो करंट ईयर का डिसीजन लेना है। तो करंट ईयर में फिर से देखना है कि आप करंट ईयर में
सर मैं लास्ट ईयर में नॉर्मल स्कीम में था, लास्ट ईयर में मैं इको के थ्रू माल बेच रहा था। बेचो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको टर्नओवर में काउंट करेंगे लास्ट ईयर के। बट कॉम्पोजिशन स्कीम में तुम करंट ईयर में आना चाहते हो, करंट ईयर में तुम इको के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई मत करना। कर रहे हो तो मिलेगा नहीं स्कीम, और स्कीम ले लिए तो करना मत, अप टू योर लिमिट, वही 1.5 करोड़ या 50 लाख या फिर 75 लाख। सर जो नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, नॉट लेवियबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, डील्स विथ गुड्स और सर्विसेज में नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं थे, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल वाला जो 5 प्रोडक्ट था आपका, क्रूड, आप वो 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो या अल्कोहल बेच रहे हो? अभी बात हुई थी रेस्टोरेंट में अल्कोहल बेच रहे हो तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं मिलेगा। सर अगर आप ये बेच रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। पिछले साल बेचते थे कोई दिक्कत नहीं, फिर से हमें यहां क्या देखना है, करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर नहीं देखना है, करंट फाइनेंशियल ईयर देखना। लास्ट ईयर बेच रहे थे, टर्नओवर में काउंट करो ना, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, सब काउंट होता है, एक्सपोर्ट भी काउंट होता है, करो काउंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और सर ये 3 पॉइंट क्लियर है। करंट ईयर में हमें देखना है कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। इको के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई करनी नहीं है, गुड्स की कर सकते हो, अलाउड हो गया, अमेंडमेंट है 1 अक्टूबर से, ठीक। आप नॉन टैक्सेबल आइटम में डील ना कर रहे हो, सर एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करो ना, नील रेट वाले में करो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं नील रेट वाले गुड्स में डील करता हूं, करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं अल्कोहल और वो 5 प्रोडक्ट जो थे आपके, जिस पर जीएसटी फ्यूचर में आएगा टू बी डेट टू बी नोटिफाइड विद द कंसल्टेशन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वाला 5 प्रोडक्ट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोल था ना, ये सब पढ़ा हुआ आपने, क्रूड वो। सर एक और पॉइंट है यहां कि तुम्हारा करंट ईयर में स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, करंट ईयर में क्रॉस कर गया तो तुमको बाहर फेंक देंगे निकाल के, बता चुका। और अब तुम सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी बोल के रजिस्टर्ड रहोगे और उसके बाद तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहोगे तो नहीं, तुम्हारे लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, ठीक। अब बचा बीच में एक मैन्युफैक्चरर, अभी बोला था हमने कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते हैं तो 10 अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में वो सब आइटम मत कीजिएगा जो हमने मना किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है उन सब आइटम का। कौन से आइटम का? वही डिट्टो सेम आइटम है जो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 40 लाख की लिमिट के लिए पढ़ा था कि अगर तुम इन आइटम में डील करते हो, सप्लाई करते हो, तो तुमको रजिस्ट्रेशन में 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। पहले मैं वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का दिखा देता हूं। सर सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर पेज नंबर 3.4, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा कि अगर तुम इन सब की चीजों की सप्लाई करते हो, सप्लाई यहां वर्ड है, और मैंने क्लास में लिखाया था कि सप्लाई में मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, क्या पढ़े हम लोग यहां पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है? कि अगर तुम इन प्रोडक्ट की सप्लाई करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो या ट्रेडिंग करो, तुमको फिर 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक। ये बताया था, प्लीज ध्यान रखना, ये सारे नाम वही डिट्टो हमारे पास लिखे हुए हैं यहां पे, वो सारे नाम यहां पे लिखे हुए हैं, डिट्टो सेम है, सारे नाम वही हैं, सेम एज रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो तुमने 40 लाख वाली लिमिट पढ़ी। नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है? 10/2019 सेम वही है। बट वहां क्या है, वहां ट्रेडिंग करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, दोनों में फिर बोला गया कि आपको 40 लाख नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। अगर मान लो आप इन सब आइटम की ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर अ ट्रेडर, कॉम्पोजिशन स्कीम मे बी अवेलेबल, मैन्युफैक्चरिंग मना है। अगर तुम रेस्ट्रिक्टेड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, बताने की जरूरत नहीं है इन सबके बारे में, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एनालाइज कर चुके हैं, तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहां अपने नोट्स में लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स, ट्रेडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम में दे दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दूंगा। हालांकि जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़े थे तो वहां मैन्युफैक्चरिंग
और ट्रेडिंग, दोनों के केस में तुमको बोला गया कि हम 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे। तो ये फर्क है, लिस्ट वही है बट फर्क है कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दोनों चीज मना है, ट्रेडिंग भी मैन्युफैक्चरिंग भी, यहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब लिखने जा रहा हूं, जिसके चलते मार्केट कंफ्यूज है, जिसके चलते ऑथर कंफ्यूज है, इसके लिए दोनों ईयर देखना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी देखना है और करंट फाइनेंशियल ईयर भी देखना है। सर लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी देखना है, ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात रूल नंबर 5 के अंदर लिखी हुई है। रूल 5 में भी मोटा मोटी यही चीज रिपीट हो रही है। आगे सर आगे जाके हम लोग यहां पे रूल 5 पढ़ेंगे, पेज नंबर 5.23 में, 5.23 में हम लोग यहां रूल 5 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं रूल्स में जाके लिखा हुआ है कि सुनो, तुम पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम एंगेज्ड ना हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। अगर नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो रूल कहता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और सेक्शन कहता है सेक्शन 10(1) या 10(2) या फिर 10(2A) 10(2) या 10(2A) वो कहता है करंट में देखो, तो दोनों मिला दो। तो सिर्फ इसके लिए है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो तुमको करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके लिए। और लोगों ने फिर क्या किया, इसी चीज को यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। यहां पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर नॉट रेलिवेंट, तुम लास्ट फाइनेंशियल ईयर नॉट रेलिवेंट प्लीज ध्यान रखना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम इको के थ्रू बेच रहे थे, टर्नओवर में काउंट कर लो। लास्ट ईयर में तुम पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे, अल्कोहल बेच रहे थे, उसको टर्नओवर में काउंट कर लो। लास्ट ईयर में तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे थे, टर्नओवर में काउंट करके देख लो कि तुम्हारा 1.5 करोड़ क्रॉस तो नहीं कर रहा। करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम दे दो, बोल दो ये सब अब मत करना, करंट ईयर में अब मत करना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तुमको दोनों साल देखना होगा, लास्ट ईयर भी और करंट ईयर भी, लास्ट ईयर भी देखना होगा, करंट ईयर भी देखना होगा। लास्ट ईयर देखने के लिए कौन कहता है? रूल 5 कहता है। तो प्लीज ये लाइन के लिए हमें सिर्फ दोनों चीज देखनी है, ये ई पॉइंट, ओनली फॉर दिस पॉइंट हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी देखना है एंड करंट फाइनेंशियल ईयर भी देखना है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो करंट ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे ऑफ पान मसाला, तो तुमको करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। बट प्लीज अब तुम ये मत बोलना कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने अल्कोहल बेचा था इसीलिए करंट ईयर में मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। नहीं, हम इन सब में लास्ट ईयर नहीं देखेंगे, ये जो अभी बताया आपको नॉट लेवियबल, इंटर स्टेट और ये, लास्ट ईयर नॉट रेलिवेंट। अच्छा सर ये ए पॉइंट क्या है? तो वही, अगर तुम 10(1) में रहना चाहते हो तो रेस्टोरेंट के अलावा कोई और मेजर सर्विस मत दो। अब मान लो तुम बोलते हो मैंने ना वो, देखो मार्जिनल सर्विस दे रहे हो तुम 5 लाख और 10% के अंदर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलते हो नहीं सर मुझे 10(1) दीजिए क्योंकि मैं ना सैलून चलाता हूं, मुझे 10(1) दीजिए क्योंकि मैं कुरियर कंपनी चलाता हूं, मुझे 10(1) दीजिए क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूं, तो आपको नहीं मिलेगा पहला नंबर पॉइंट, रेस्टोरेंट वालों को मिलेगा और रेस्टोरेंट वालों के लिए तो एलिजिबल है 10(1), बाकी तो 10(2A) में जा रहे हैं। तो ये पॉइंट ठीक है, रहे ना रहे आप तो जानते हैं। बाकी आपका ये वाला पॉइंट BCDE या F, ये सब रिपीट हो रहा है आपका 10(2A) के अंदर भी। 10(2A) के अंदर भी लिखा हुआ है नॉट लेवियबल वाली बात, यानी 10(2A) नहीं मिलेगा अगर तुम अल्कोहल और या फिर बेच रहे हो क्या वो 5 प्रोडक्ट जिसपे GST नहीं है, इंटर स्टेट, इको के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई और या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम या फिर CTP और NRTP। प्लीज ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों ईयर देखना है बट बाकी आइटम के लिए नहीं। अब मैं इस चीज को यहां बोल रहा हूं 2-3 बार, तुम मुझसे चैट से पूछोगे तब भी मैं वही बोलूंगा। मेरे एक फ्रेंड ने, मैंने एक नोट्स में, मैंने एक वीडियो में,
मैं वो सब नहीं जानता, तुम इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिखा दो, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर दिखा दो जिसमें यह लिखा हो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे थे इसीलिए करंट ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट ही गलत है, मैं साफ साफ लिख चुका हूं। और कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुई है? रूल फाइव से। उसने सिर्फ क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं करना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसको ऑथर ने सब पे लगा दिया, ऑथर ने लगाया तो फैकल्टीज ने भी लगा दिया, फैकल्टीज ने भी लगाया तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कोई देख ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया आपको, अब यहां और कोई मैं डिस्कशन आपसे नहीं करना चाहता। ठीक, अब देखते हैं यहां पे हमारा अब कोई पॉइंट बचा क्या। ये बॉक्स पहले क्लियर था ब्रेक से पहले, है ना, ब्रेक के बाद हमने ये रेस्ट्रिक्शंस पढ़ लिए, मोटा मोटी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। वीडियो रोक के लिख लो। सर 10-1 में रहने के बाद वो मार्जिनल सर्विस तो दे सकता हूं ना 5 लाख और 10% तक। हाँ वो दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट की दो, उसके अलावा कोई और सर्विसेज में एंगेज न होना अगर तुम एलिजिबल बनना चाहते हो तो। अगर तुम एलिजिबल बनना चाहते हो तो किसी और सर्विसेज में एंगेज मत होना। अगर तुम एलिजिबल बनना चाहते हो तो इंटर स्टेट सप्लाई मत करना, ऐसा कह रहा है। करंट ईयर के लिए देखना है, लास्ट ईयर में करते थे टर्नओवर में काउंट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब देखो ये बहुत छोटा सा नोट कहता है, अगर तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो सभी ब्रांचेज में आना पड़ेगा, और कॉम्पोजिशन स्कीम से तुम निकल रहे हो क्योंकि इनएलिजिबल हो तो सभी ब्रांचेज से निकलना पड़ेगा। तुम्हारे पूरे इंडिया में 3 ऑफिस हैं, तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हो, तुम एक जगह नॉर्मल स्कीम में फॉलो कर रहे हो तो सब जगह नॉर्मल फॉलो करना होगा, एक जगह कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हो तो सब जगह कॉम्पोजिशन में जाना होगा। ये बात मैंने तुमको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी बताई थी, जब तुम सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे थे, शायद रूल इलेवन में, शायद रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रूल इलेवन जब पढ़ रहे थे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रूल इलेवन था, पता नहीं देख लेता हूं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब आप मेरे से रूल 11 पेज नंबर 18 3.18, जब आप मेरे से पेज नंबर 3.18 पे थे रूल 11 में, तो वहां पर पढ़े कि सेम स्टेट में अगर 3-4 ऑफिसेज हैं तो सबके आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल में रहना है तो सब में रहना होगा, कॉम्पोजिशन में रहना है तो सब में कॉम्पोजिशन में रहना होगा। और छोड़ो सेम स्टेट, पूरे इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में तुम्हारी 4 ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिस का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम है, कहीं भी तुम इंटरस्टेट सप्लाई अब करंट ईयर में नहीं करना चाह रहे हो, सब जगह कंडीशन सेटिस्फाइड है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो लेकिन 2 स्टेट में नहीं आना चाहते, ऐसे नहीं हो सकता। वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन अकाउंट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दैट सबसेक्शन। आना है तो सब में आओ, बाहर निकलोगे तो सब में बाहर निकलो। QRMP में ऐसा नहीं था, याद आया, QRMP में डिफरेंट था, QRMP रिटर्न चैप्टर। आप QRMP का डिसीजन GST अनवाइज ले सकते थे, डिफरेंट पढ़ा है आपने QRMP में, रिटर्न चैप्टर QRMP स्कीम। तुम्हारा 2 जगह रजिस्ट्रेशन, एक दिल्ली में एक यूपी में, तुम दिल्ली में चाहते हो QRMP स्कीम फॉलो करना और यूपी में चाहते हो मंथली स्कीम फॉलो करना, कर सकते हो। और वहां भी बताया था QRMP स्कीम में ऐसा कर सकते हो लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली में कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो यूपी में भी जाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये पेज कंप्लीट, अब इस पेज में कुछ भी नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये लाइन जरूर याद रखना, अगर तुम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला कर रहे हो तो करंट ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक, करंट ईयर में पान मसाला नहीं बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, बट तुम पिछले साल पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो तुमको करंट ईयर में रूल 5 के कारण कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन,
और सर ये बात मैंने तोड़ तोड़ के काफी बार लिख दी बता दी ठीक कि अपने को इंटर स्टेट या इको वाली बात या नॉट टैक्सेबल वाली गुड्स वाली बात पिछले साल की नहीं देखनी है, उनको टर्नओवर में काउंट करो पिछले साल वाले को, और करंट ईयर में खाली देखो कि तुम ये सब काम नहीं कर रहे हो। करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो करंट ईयर में तुम इको के थ्रू सर्विसेज सप्लाई मत करो, करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई मत करो, करंट ईयर में अल्कोहल पेट्रोल मत बेचो, पिछले साल कर रहे थे करो, टर्नओवर में काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये जो कंडीशंस हैं ये 10-2A के लिए भी काम करेंगी और 10-1, 10-2 के लिए भी काम करेंगी, और लिखी भी कहा है 10-2 में और या फिर 10-2A में। डन, वीडियो रोक के लिखा। और वो वाली बात, ये व्यू कि भैया तुम्हारे फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो यूट्यूब पे क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। गलती तुम मत करना, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम गलती मत करना, तुम दोस्तों के चक्कर में हॉस्टल पीजी में दोस्तों के चक्कर में न रहना। सब कुछ मैंने अच्छे से लिख दिया है, सब कुछ मैंने अच्छे से लिख दिया है। इंटर स्टेट नॉट अलाउड इन कॉम्पोजिशन स्कीम, बट हम किसके लिए देखेंगे, करंट ईयर के लिए देखेंगे। लास्ट ईयर में तुम कर रहे थे इंटर स्टेट सप्लाई, कोई बात नहीं करो, हम उसको टर्नओवर में काउंट करके देख लेंगे तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। पिछले साल का टर्नओवर में इंटर स्टेट था, रहने दो, टर्नओवर में काउंट करो उसको, और फिर करंट ईयर में तुम बोलो कि नहीं करंट ईयर में तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो और कर रहे हो इंटर स्टेट सप्लाई तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर नहीं नहीं सर, इंट्रा ही कर रहा हूं, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया, तो फिर ऑप्ट करने के बाद तुम इंटर स्टेट सप्लाई मत करना। इंटर स्टेट सप्लाई स्टार्ट करना चाहते हो तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना होगा। रॉन्ग व्यू अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड कहता है या कहीं तुम नोट्स और वीडियो वगैरह देखते हो, रॉन्ग है वो, एकदम रॉन्ग है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो तुमको करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये रॉन्ग व्यू है, इस व्यू को कोई भी बच्चे फॉलो ना करें, न सीए वाले न सीएमए वाले, कोई भी फॉलो ना करें। डोंट फॉलो। इंटर लेवल पे हो आप या फाइनल लेवल पे हो, सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट, प्लीज इस व्यू को फॉलो मत करना। अच्छा, सेम चीज कि लास्ट ईयर में तुम इको के थ्रू सर्विसेज बेच रहे थे इसलिए करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ भी। लास्ट ईयर अल्कोहल बेच रहे थे, लास्ट ईयर तुम पेट्रोल बेच रहे थे इसीलिए करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अपने मन से लोग पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़े जा रहे हैं, सब गलत है। लास्ट ईयर देखना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का देखो तुम। लास्ट ईयर अगर तुम रेस्ट्रिक्टेड आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, और वो भी रूल 5 के कारण है। सेक्शन 10-2A तो बोलता ही नहीं है, लास्ट ईयर जाके देखो। सेक्शन 10-2A बोलता है कि करंट ईयर में तुम ये सब काम कर रहे हो तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है। 10-2A को या 10-2 को तुम 10 बार पढ़ लो, कहीं नहीं बोल रहा है कि लास्ट ईयर जाके देखना है। पता नहीं लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन कर रखा है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर लास्ट ईयर मेरा इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई का टोटल 1,10,00,000 हो रहा है, तो 1.5 करोड़ से नीचे है एलिजिबल। अब करंट ईयर में तुम डिसीजन ले लो, कॉम्पोजिशन स्कीम कैन बी ऑप्टेड, बट बस ध्यान रखना कि अब तुम इंटर स्टेट सप्लाई मत करना, लास्ट ईयर कर रहे थे करो, करंट ईयर में मत करना 1.5 करोड़ तक। डन, वीडियो रोक के लिखा। एंड दिस इज सपोर्टेड बाय CACMA इंस्टीट्यूट मेटेरियल, स्टडी मेटेरियल से सपोर्टेड है, सजेस्टेड RTP MTP से सपोर्टेड है CA वाली, अब चाहे इंटर वाली हो या फाइनल वाली हो। तो मैं मार्केट में ऑथर क्या कहता है, दूसरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मुझे उससे क्या मतलब है। सही व्यू पढ़ाया और वही व्यू इंस्टीट्यूट के मेटेरियल में भी लिखा है, तो मैं कोई दूसरे व्यू पे क्यों जाऊं। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, प्लीज दोस्तों को भी बताना, नहीं तो बैठे बैठे मार्क्स कट जाएगा। तुम्हारे CA फ्रेंड्स हैं तो स्टडी मैट खोल के दिखाओ, मेरी बुक पे भरोसा ना करे तुम,
और सीएमए फ्रेंड्स हैं, सीएमए स्टूडेंट हो, तो 2022 के सिलेबस में तो क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर जो पहले नहीं था 2016 सिलेबस में, अब जो 2022 का सिलेबस का स्टडी मैट है उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम टॉपिक में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही डाला हुआ है जिसमें लास्ट ईयर में उसका इंटरस्टेट सप्लाई था और करंट ईयर में उसको बोलता है यस यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम क्योंकि लास्ट ईयर में तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम था, तो टर्नओवर में काउंट कर लो, डिसीजन करंट ईयर को देख के। तो डन, चलिए सर ये भी खत्म डिस्कशन, ये भी लिख लिया आपने वीडियो रोक के। अब इस पे कुछ क्वेश्चन, अभी अभी जो बताया कि तुमको अगर 2-3 ब्रांचेज में तुम डील कर रहे हो तो सभी ब्रांचेज में एक साथ आना पड़ेगा, उस पे कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्क्स के लिए पूछ देता है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम कोई भी पर्सन ले सकता है, ये पहले ही बताया, ए हो या ए लिमिटेड। सर 1.5 करोड़ वाली लिमिट काम कर रही है, इसके 2 ब्रांचेज है दिल्ली में यूपी में, सर दोनों जगह जीएसटी आई नंबर ले रखा है, पैन नंबर सेम है, गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, इको के थ्रू भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अमेंडमेंट आ चुकी है 1 अक्टूबर 2023 से, करो इको के थ्रू भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम 10-2A की बात कर रहे हैं? नहीं सर, गुड्स में डील कर रहा है, 10-1 में ही रहते हैं, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है हमारा, ठीक। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तुमने दिल्ली में जो लोकल सप्लाई किया है इंट्रास्टेट, सर दिल्ली में तुम दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो और यूपी में तुम यूपी में सप्लाई कर रहे हो, तो 80 लाख और 40 लाख लास्ट फाइनेंशियल ईयर का तुम्हारा टर्नओवर है 120 लाख, ठीक। अच्छा टर्नओवर काउंट करते समय उसमें जीएसटी नहीं लेते हैं तो यही लिखा हुआ है। अब लास्ट ईयर में तुम 1.5 करोड़ और उससे कम हो तो इसलिए तुम अब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, कहां? करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे लेते हैं इसीलिए हमने काउंटिंग टोटल कर दी। अब तुम एलिजिबल हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन से ईयर में? करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी तुम्हारा टर्नओवर देखते हैं कितना, सर 60 लाख और 70 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। वाह, 1 करोड़ 30 लाख तो तुम आराम से कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो, अप टू 1.5 करोड़ तक। अब तुम क्या चाहते हो? सर तुम चाहते हो दिल्ली और यूपी, तुम चाहते हो दिल्ली में नॉर्मल स्कीम और यूपी में कॉम्पोजिशन स्कीम, पहला कैटेगरी नहीं मिलेगा। सर उल्टा, सर तुम दिल्ली में चाहते हो कॉम्पोजिशन स्कीम और यूपी में चाहते हो नॉर्मल स्कीम, ये भी नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो दोनों में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम लेना होगा, मस्ट। दिल्ली यूपी 2 जीएसटीएन नंबर है, सेम पैन नंबर है, एक ही क्लाइंट का, एक ही पर्सन का, सर पैन नंबर सेम है, चाहे क्वेश्चन मिस्टर ए का हो या ए लिमिटेड का हो, तुमको हम देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम, तुमको दोनों में आना पड़ेगा। अब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किए तो दोनों स्टेट में अप्लाई होगा, दिल्ली में भी यूपी में भी, ठीक। सर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विथ सेम पैन हैज टू ऑप्ट टूगेदर, हिंट, क्यूआरएमपी स्कीम में ऐसा नहीं था, वहां पर जीएसटीएन वाइज आप क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते थे, दिल्ली में क्यूआरएमपी फॉलो कर लो, यूपी में मत करो, हिंट में दिया है साथ में कंपेरिजन करके। अब कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के बाद, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड, अब तुम बेटा नाटक चालू कर दिए, सर मैं तो यूपी से इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहता हूं, सर मैं तो यूपी ब्रांच से इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहता हूं, उरी बाबा। जैसे ही तुम इंटर स्टेट सप्लाई करना चालू करोगे तुम अब क्या बन जाओगे? इन एलिजिबल, तुमको एग्जिट करना पड़ेगा, बोथ दिल्ली यूपी दोनों से तुमको एग्जिट करके नॉर्मल स्कीम यानी कॉम्पोजिशन स्कीम से एग्जिट लेके आ चुके थे, दिया अब क्या करता, तुमको दे तो दिया, अब तुम कॉन्ट्रावेंशन 1-2 महीने के बाद करना चाहते हो तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में दोनों जगह पे निकलना पड़ेगा, आओगे तो दोनों में आओ, निकलोगे तो दोनों में निकलोगे। और तुम लास्ट ईयर क्या कर रहे थे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा था, करो ना बाबा, मुझे तो टर्नओवर देखना है खाली। लास्ट ईयर में तुम अल्कोहल बेचो, लास्ट ईयर में तुम पेट्रोल बेचो, लास्ट ईयर में तुम इको के थ्रू बेचो, लास्ट ईयर में तुम इंटरस्टेट करो, लास्ट ईयर में तुम एक्सपोर्ट करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का टर्नओवर तुम्हारा 1.5 करोड़ और उससे कम होना चाहिए, बस इतना ही देखना है, या 10-2A में 50 लाख और उससे कम, और या मेघालय जैसी जगह में 75 लाख और उससे कम। अपना फोकस करंट ईयर में, ठीक। लिखिए इसको, बड़ी बढ़िया एग्जाम्पल।
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल, ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, क्या सर? सर पहला साल है, पहला साल है, तुम सर्विसेज में डील कर रहे हो और सेक्शन 10(2)A में आ रहे हो, कंपोजिशन स्कीम 10(2)A, 3% प्लस 3% 50 लाख तक, 3% प्लस 3% अप टू 50 लाख तक, और तुम्हारे फर्स्ट ईयर है सर, जिस ईयर में, फर्स्ट ईयर में ही तुम रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो और कंपोजिशन स्कीम में आना चाह रहे हो, आ सकते हो? हाँ सर आ सकते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, तुम टर्नओवर तुम्हारा क्रॉस करेगा 20 लाख, मान लो तुम दिल्ली में हो, यूपी में हो, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। नागाराम का मंत्री में 10 लाख है, 40 लाख मिलता ही नहीं है सर्विसेज में 40 लाख मिलता ही नहीं है, 10 लाख नागाराम का मंत्री, तुम तो दिल्ली यूपी में हो, 20 लाख कब क्रॉस किया सर? 18 जनवरी को, फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब रजिस्ट्रेशन लेने भागोगे तुम, और रजिस्ट्रेशन लेते समय ही तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लोगे REG01 में पार्ट बी में फिल करके, मैंने बोला था। अब तुमने एप्लीकेशन लगा दी कब? 25 जनवरी को, विद इन 30 डेज, और तुमको सर्टिफिकेट मिल गया कब? 5 फरवरी को। तो क्या पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट जो मिला है 5 फरवरी को, इफेक्टिव कब से होगा? पढ़े हुए हैं क्लास में, जब से तुम लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, कब से? 18 जनवरी 2024। तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम कब से मिलेगा? तभी से मिलेगा, 18 जनवरी 2024। सर अगर तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो 1 अप्रैल से मिलेगा, बट रजिस्ट्रेशन के समय ही तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो जब से तुम्हारा सर्टिफिकेट इफेक्टिव होगा तब से तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा। ये भी पूछता एग्जाम में। सर 18 जनवरी को तुम लाइबल हुए, एप्लीकेशन डाली 25 फरवरी को, आफ्टर 30 डेज, सेक्शन 25(1) रूल 8 फॉलो नहीं किया, तो अब तुम्हारे को जो सर्टिफिकेट मिला है रूल 10 के हिसाब से, सर्टिफिकेट जो मिला है 10 मार्च को, इफेक्टिव भी 10 मार्च से ही होगा, क्योंकि तुमने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई फ्रॉम 18 जनवरी। सर ये जो 30 डेज देखना है कहां से देखना है? फ्रॉम 18 जनवरी 2024, जिस दिन तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस किया था, नहीं किए तुम अप्लाई, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट इफेक्टिव कब से होगा? 10 मार्च से, तो स्कीम भी कब से मिलेगी? 10 मार्च 2024। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, उसी पर आपको मैं कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं, और साथ में किताब में लिखी बातें भी हो रही हैं, जैसे अब ये बात किताब में कहां लिखी हुई है, घबराते तुम बहुत सर, ये बात किताब में लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है, बीच बीच में लिखी हुई है, मैं उस एग्जैक्ट उसी नोट्स में जाना चाह रहा हूं जहां पर ये बात बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, ये वाली बात, डन डन। रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जब से तुम्हारा सर्टिफिकेट इफेक्टिव हो रहा है तब से, डिपेंड करेगा कि तुमने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाली कि नहीं डाली, ठीक है? तो ये चीज अभी अभी हमारा हो गया, कहां? पेज नंबर 27 पर जाके ये चीज लिखी हुई है, और अभी अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। तो डोंट वरी, एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स आपके आएंगे उसी पर बेस्ड होके सब कुछ आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन आते हैं 2-3 मार्क्स के, बताया जा रहा है, बुक में भी लिखा हुआ है, देखो सर बुक में लिखा हुआ है, क्लास नोट्स में एग्जाम्पल है, सेट ए सेट बी में क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स, कहीं से तो याद रखोगे? बुक में, क्लास नोट्स में, क्वेश्चन बैंक, सेट ए सेट बी, उसके बाद मेरे प्रैक्टिस सेट्स, कहीं तो याद आएगा? चार चार जगह एक ही चीज पढ़ रहे हो यार, कहीं से तो एग्जाम में सही करके आओगे? गलती होने का चांस ही नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, पेज नंबर की मार्किंग कर ली, बुक में आप रजिस्टर में जो कॉपी में जिस पेज नंबर पे इसका एग्जांपल लिखे हो पेज नंबर कोट कर दो यहां पे, और बुक का पेज नंबर वहां कॉपी पे लिख दो। डन, वापस चलते हैं इनिशियल पेज पे, जहां पर हम बोल रहे थे कि इस पेज में अब कुछ नहीं बचा है, हो गया हमारा, हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। इस पेज पे इसका भी एग्जाम्पल दे दिया, क्लास एग्जाम्पल, अभी अभी यूपी दिल्ली वाला, आप पेज नंबर कोट कर दो रजिस्टर का।
आओगे तो सब जगह एक साथ आओ, निकलोगे तो सब जगह से निकलो। अभी अभी एग्जाम्पल दिया दिल्ली यूपी का। डन। ये हो ही गया, ये भी हमारा हो गया। वही कि तुम अगर 10-1 10-2 में एलिजिबल नहीं हो रहे हो तो यहां आ जाओ, पिछले साल का हम 50 लाख देखेंगे, करंट ईयर में तुम 3% से ज्यादा नहीं, बाकी कंडीशंस और वो सेम पैन वाली बात और लैप्स वाली बात। इस पेज पे भी कुछ नहीं बचा, देखो कुछ नोट करना है क्या? डन डन डन, ये भी मैंने बोला ही हो गया। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कर लिए क्वेश्चन, लिख लिए वीडियो रोक के। जो वैरायटी एग्जाम में पूछती है उसी वैरायटी को कंसिडर करते हुए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। और जो मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है, जहां आपके फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो चीज भी क्लियर कर रहा हूं साथ साथ। वो जरूरी है, पहले वो पहले जरूरी है। तुम बच्चे ना कभी कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो और अपने दोस्त को और उनके नोट्स को सही मान लेते हो, तो जरूरी है काउंटर करना। चलिए फिर से अब एक नए कॉन्सेप्ट, नए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी आपका कवर हो जाएगा, जो बुक में अलग अलग जगह लिखी हुई है। बुक में अलग अलग जगह लिखी हुई है तो थ्योरी को कवर कर लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अभी है अपने पास एक और एग्जाम्पल है ये वाला, फिर तीसरा एग्जाम्पल है ये, फिर ये चौथा एग्जाम्पल है और फिर वो पांचवा एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम के टर्नओवर को लेके है। एक एग्जाम्पल और कहां गया? वही है, यही है, यही है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको तो 4-5 मार्क्स की कैटेगरी में रखना। करते हैं डिस्कस। चलिए सर, इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सर कहता है आपका फर्स्ट ईयर है और आप एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, तो बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, गुड्स में नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम 10-2A में जाएंगे, सेइंग कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 10-1 कॉम्पोजिशन स्कीम। सर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जाते हैं तो आपका नॉर्मल जीएसटी रेट कितना है? 18%। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाते हैं तो आपका रेट वही रिड्यूस होकर 3+3 कितना हो जाएगा? 6। फर्स्ट ईयर है, रजिस्ट्रेशन लेते समय आप जाना चाहेंगे। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है, इस ईयर में बिकॉज आपको एलिजिबल होना है इसके लिए तो आपको कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना है। इनफैक्ट आप कोई भी सप्लाई इको के थ्रू नहीं करेंगे क्योंकि सर्विसेज का मामला है और सर्विसेज में कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर आप है नहीं तो मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे नहीं। आप सीटीपी एनआरटीपी भी नहीं है, ना आप सीटीपी है ना आप एनआरटीपी है। डन सर। अब हमारा 1 अप्रैल 2023 हमारा कोई टर्नओवर नहीं था, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो कहता है आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन पे। ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन करंट ईयर में ओवरऑल जो तुम्हारा टर्नओवर है वो 60 लाख हो चुका है और ऑब्वियसली बात है आप 50 लाख पर कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। सर करंट ईयर में एकाएक तो 60 लाख नहीं हुआ होगा ना, कि मैं कहूं कि जी आपका टर्नओवर 60 लाख है इसीलिए आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये कब होता? जब पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख होता तब मैं बोलता करंट ईयर में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा 10-2A में। लेकिन ये तो आपका फर्स्ट ईयर है, अभी आपने बिजनेस अपना स्टार्ट ही किया है, तो धीरे धीरे आपका 20 लाख क्रॉस करेगा। 20 लाख क्रॉस कर गया 15 अक्टूबर को, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब 20 लाख के बाद अप टू 50 लाख तक और 50 लाख के ऊपर बैलेंस कितना? बैलेंस जो आपका वहां पर 10 लाख है, ऐसे करके चलेंगे। शुरू में निल, उसके बाद 20 लाख पर क्रॉस करेंगे, तो क्या 0 से लेकर 20 लाख पर आपको कहीं कोई जीएसटी देना है क्या? सर जीएसटी नहीं देना है इस पे। आपको रजिस्ट्रेशन ही कब लिया आपने 20 लाख क्रॉस करने के बाद?
तो क्या सर वो मेरे 50 लाख की लिमिट में काउंट होगा, जो आप कहते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो 50 लाख रुपए तक आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना है, उसके बाद नॉर्मल स्कीम में जाना है। सर मैं पिछले साल कोई टर्नओवर नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। अब फर्स्ट ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम बोलते हो कि 50 लाख तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो, डन। तो क्या 50 लाख में वो शुरू के 20 लाख काउंट होंगे या 20 लाख के बाद फिर और 50 लाख मिलेगा? तो बोलता है नहीं, वो 20 लाख काउंट होंगे लेकिन जीएसटी नहीं देना है। मतलब 50 लाख रुपए की जो लिमिट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ईयर में कि 50,000 तक आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना है 10(2)A में, तो वो 20 लाख काउंट होगा लेकिन उस पर जीएसटी नहीं देना है। अब 20 लाख के बाद अप टू 50 लाख, तो आपका यहां पे कितना आया, 30 लाख। 30 लाख पे आपको 6% जीएसटी देना है 10(2)A कॉम्पोजिशन स्कीम में। अब 50 लाख क्रॉस करने के बाद जो आपका बैलेंस 10 लाख है, लास्ट वाला 10 लाख, उसमें आपको सेक्शन 9(1) में आ जाना है नॉर्मल 18% जीएसटी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख की, वो आपके 50 लाख में तो काउंट होगी लेकिन उस पर आपको जीएसटी नहीं देना है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ही आपका 20 लाख क्रॉस करेगा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर आपको पता है, REG01 में मैं 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दूंगा और वट एवर जो भी हमें प्रोसीड्योर फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 25 रूल 8 रूल 9 रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सर वो तो आपको मालूम है। अब यहां बताओ सर 50 लाख क्रॉस करने के बाद क्या होगा? तो 50 लाख क्रॉस करने के बाद आपको इंटीमेट करना होगा पोर्टल पे 7 दिन के अंदर, कौन से फॉर्म में, CMP04 में, फॉर्म जीएसटी CMP04 में इंटीमेट करना होगा कि सर मैं अब कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल चुका हूं, मैं नॉर्मल स्कीम में आ चुका हूं, ठीक, क्लियर। और आपको याद होगा सेक्शन 18(1)C प्लस रूल 40 आईटीसी चैप्टर कहता है आपको विदिन 30 डेज अपने स्टॉक की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, किसकी, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स, जो भी आपने खरीद रखा है एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कॉम्पोजिशन स्कीम में थे आप 30 लाख रुपए तक, 20 लाख पर तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, 20 लाख क्रॉस किया, 30 लाख तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, उसमें जो भी आपने इनपुट परचेज किया है, कैपिटल गुड्स परचेज किया, जो स्टॉक में है आपके पास, कब, 1 फरवरी 2024, जिस दिन आप 50 लाख क्रॉस कर रहे हैं उससे एक दिन पहले, यही बात करते हैं हम लोग, का स्टॉक का तुमको डिटेल ITC01 में 30 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 मार्क्स के लिए ध्यान रखना है, बट पूरी यही कहानी है कि आपको शुरू के 20 लाख रुपए का जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन का, वो आपके 50 लाख में काउंट होगा, बट आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है। और ऐसा नहीं है कि 20 लाख के बाद आपको 50 लाख और मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(2)A का। कहते हैं ना कि पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 50 लाख और उससे कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओ, और करंट ईयर में 50 लाख तक जीएसटी नहीं देना है, तो आप 20+50 70 नहीं करना है। आपका ओवरऑल करंट ईयर में 60 लाख का टर्नओवर है तो 50 के ऊपर 10-10 पे नॉर्मल रेट, शुरू के 20 पे कुछ नहीं, 20 और 50 30 पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स दीजिए। अब आप बोलते हो कि सर मेरी जो ये टैक्सेबल सप्लाई है, इफ अगर इसके साथ मेरे पास एग्जम्प्टेड सप्लाई भी है, इंटरेस्ट की इनकम 8 लाख रुपए की, मैंने लोन और एडवांस दिया था उससे मुझे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 8 लाख का, समझ गए कौन सा वाला पॉइंट, ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको कि अगर आप लोन एडवांसेस या डिपॉजिट्स देते हो और बदले में इंटरेस्ट आता है तो एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विसेज, ठीक। सर अब बताना, तो अगर वो मेरा 8 लाख भी एग्जम्प्टेड सप्लाई में मैं दे रहा हूं, जो मैं लोन और एडवांसेस दे रहा हूं और बदले में इंटरेस्ट आ रहा है और 8 लाख की रिसीट है, अब तो ये 68 लाख हो गए, अब क्या करें? तो आपको बोला हुआ है इस 8 लाख को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, फॉर ऑल पर्पस आपका आंसर वही रहेगा जो ऊपर लिखा, आपको इस 8 लाख को कंप्लीटली इग्नोर करना है फॉर ऑल पर्पस, यही मैंने आपको कहा है, इग्नोर फॉर ऑल पर्पस। सर हम ये टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, जीएसटी देने में हम इस पे काउंट नहीं, एग्जम्प्टेड सप्लाई को 6% में लेते हैं, कोई और होती तो ले लेते हैं। सर 6% का जीएसटी टर्नओवर पे देना है, टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जम्प्टेड सप्लाई बट नॉट
एग्जम्प्टेड सप्लाई जहां पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि इसको हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया, इसको टोटली इग्नोर करना है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। अब अगर मैं यही चीज आपको पढ़ाऊं, इसी से मिलती जुलती चीज यहां पे, कहा पेज नंबर 5.21 पे, एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू एक तरह से आपका कवर हो गया। अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आपका एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू कवर हो गया। क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक, आप एग्रीगेट टर्नओवर में अपनी सभी सप्लाई को लेंगे जो आप 1 अप्रैल से दे रहे हैं, अप टू द लिमिट व्हेन यू बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। है ना, क्लियरली लिखा हुआ है आपको 50 लाख की लिमिट लेनी है। ये एक्सप्लेनेशन सबके लिए, पूरे सेक्शन 10 के लिए है। तो आपको 75 लाख की लिमिट लेनी है, 50 लाख की लिमिट लेनी है, या 1.5 करोड़ की लिमिट लेनी है, उन सभी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर जो आप देखेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं? करंट ईयर में आपका लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उसमें आपको आपका टर्नओवर लेना है 1 अप्रैल से लेकर आगे तक का, जब आप लायबल बनते हैं, बट उसको काउंट नहीं करेंगे। किसको? वो जो अभी इंटरेस्ट वाली बात हुई थी 8 लाख वाली। बट शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेज इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आपका जो एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जिस जो आपका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, डिस्काउंट की इनकम आ रही है, जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर करो। पिछले साल का टर्नओवर चेक करने में भी, करंट ईयर का टर्नओवर चेक करने में भी, जीएसटी कैलकुलेट करने में भी, कहीं कंसिडर ही नहीं करना है उसको। और जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख, उसको काउंट करना है। तो अभी एग्जाम्पल में बताया मैंने, 50 लाख में 20 लाख काउंट हो गया, बचा 30 लाख, 30 लाख पे 6% दे दो। एग्जाम्पल 10(2)(a) का था। ये एक्सप्लेनेशन सबके लिए, पूरे सेक्शन 10। अब 10 में तुम 1 पे जाओ या 2(a) पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल। जब तुम टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, जो टर्नओवर है, टर्नओवर में तुमको इंक्लूड नहीं करना है। किसको? उसी थ्रेशोल्ड लिमिट को। शुरू के 20 लाख पर या 10 लाख पर या 40 लाख पर तुमको कोई कॉम्पोजिशन रेट पे जीएसटी नहीं लगाना है। ऑलरेडी मैंने यहां पर बोल दिया नो जीएसटी। तुम सोचोगे कि 20 लाख पर 6% यहां भी दे दें, तो नहीं, टर्नओवर में काउंट करो। आप थ्रेशोल्ड लिमिट कॉम्पोजिशन स्कीम पे 50 लाख वाली जो लिमिट काउंट कर रहे थे, उसमें कहता है काउंट करो, इंटरेस्ट को काउंट मत करो। ठीक, अब हम टैक्स देने की बारी आ रही है। टैक्स देने में आपको काउंट नहीं करना है, न उस 20 लाख को काउंट करना है रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट को, और न ही अगेन उस एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहां आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है उसको काउंट नहीं करना। तो अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये वाला परफेक्ट एग्जाम्पल है इस एक्सप्लेनेशन वन और टू को समझने के लिए। रट्टा तो मारना नहीं है, इसको समझने के लिए परफेक्टली मैंने अभी अभी आपको क्लास एग्जाम्पल दे दिया। आप मार्किंग कर लो, बुक का पेज नंबर कॉपी में, कॉपी का पेज नंबर बुक में। पेज नंबर 5.21 को समझना है तो ये एग्जाम्पल, साथ में इफ लगा के मैंने बोला कि से तुम 8 लाख रुपए का तुम्हारे पास इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है, फिर कुछ नहीं करो सर। सेम आंसर, 8 लाख को भूल जाओ, आप 60 लाख पे काम करो। अब 8 लाख ये जो सेल है वो कब की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उसको। हाँ ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है ना 20 लाख, उसमें हम देखेंगे। देखो तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 68 एग्जम्प्टेड टैक्स मिला के। अब इसमें देखना है कि तुम 20 लाख कब क्रॉस कर रहे हो। उस 20 लाख की जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट, उसमें तो एग्जम्प्टेड सप्लाई लेते हैं, वहां देख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको जो सर इस स्कीम से बाहर निकलना है उसमें काउंट मत करो। सर जीएसटी पे करना है कॉम्पोजिशन रेट से, आप उसमें 8 लाख को काउंट मत करो। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो 6% आपका कैलकुलेशन करना है, 6% यहां पे, उस 6% में टर्नओवर में एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई दोनों लेंगे। लेकिन एग्जम्प्टेड में कौन सा एग्जम्प्टेड नहीं लेना है कभी भी? वो इंटरेस्ट इनकम वाला, लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट आता है वो कहीं भी आपको ऐड नहीं करना है जीएसटी लेवी करने के लिए। ये बात तो शुरू में ही हो गई थी, कंप्लीटली इग्नोर करो। तो फिर से एक एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने यहां पर, लिखिए इसको।
डन, वीडियो रोक के लिखा। अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेट ए सेट बी के जो क्वेश्चन करोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मेरा जीएसटी का प्रैक्टिस सेट जो आएगा उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। और इस चार्ट से आपका वो 7 डेज फॉर्म नंबर, 30 डेज फॉर्म नंबर, स्टॉक की डिटेल्स ये भी रिवाइज हो रहा है इस चार्ट से आपका। और सर ये आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 10 से आप सेक्शन 9 में आ रहे हैं तो आपको 18(1)(c) का कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है आपको। तो थोड़ा सा आईटीसी चैप्टर से भी लिंक कर दिया मैंने इसको, है ना। चलिए डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखा। सर अब एक और एग्जांपल छोटा सा। सर मैं इतने सारे एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, देखो मैं सेट ए और सेट बी में नहीं जा रहा, वो सारा क्वेश्चन अब आपका होमवर्क में है। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट देना है, जो भी एग्जाम्पल देने हैं, मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। सिंपल, सेट ए सेट बी ऑल क्वेश्चन होमवर्क, और कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं डाउट नहीं होगा, और डाउट्स के लिए होगा नहीं। 1% चांस है डाउट है आपका, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैट के लिए मैं अवेलेबल हूं, कहीं होगा ही नहीं डाउट। जितने क्वेश्चंस की वैरायटी है सेट ए सेट बी में या एग्जाम में कॉम्पोजिशन स्कीम के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैं कवर कर रहा हूं अपने ही क्लास के नोट्स में, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम आपको हमेशा हलवा लगेगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, दो व्यू एक व्यू, सर इसने ये कहा उसने वो कहा, छोड़ दो सबको, जो पढ़ा रहा हूं वो करो। सर ए लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, सर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यूपी में इसका GSTIN नंबर है, यानी 1.5 करोड़ की बात, ठीक। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका टैक्सेबल सप्लाई 70 लाख था और एग्जम्प्टेड सप्लाई 10 लाख था, तो कोई नहीं, इसको तो इग्नोर नहीं करना है। एग्रीगेट टर्नओवर 80 लाख, तुम्हारे पास 1.5 करोड़ की लिमिट है, 1.5 CR की लिमिट है, यूपी में हो तुम और गुड्स में डील कर रहे हो, 10-1, 10-2, 1.5 करोड़ की लिमिट है। और लास्ट ईयर जो टर्नओवर था तुम्हारा वो 70 नहीं देखेंगे, 70+10 एग्जम्प्टेड सप्लाई, अगर वो वही होता ना इंटरेस्ट वाला ये तो नहीं लेते फिर इसको। सर ये लेकिन इंटरेस्ट वाला नहीं है ना, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई गुड्स वाला है, तो इसको काउंट करो टर्नओवर में, काउंट करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर, एग्जम्प्टेड सप्लाई को भी तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करते हैं, सेक्शन 2(6). सर 80 लाख ही हुआ तो ले लो ना कॉम्पोजिशन स्कीम। आ जाओ अब करंट ईयर में, आ गए अब करंट ईयर में तुमने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया। अब करंट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर, Q1 April to June 2023 करंट ईयर में तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई है 80 लाख, एग्जम्प्टेड सप्लाई है 10 लाख, तुम्हारा टोटल टर्नओवर है 90 लाख का। तो सवाल है कि 90 लाख पे जीएसटी दें या 80 लाख पे जीएसटी दें, एग्जम्प्टेड सप्लाई पे तो जीएसटी नहीं होता सर। तो क्या बताया है, आप 9(1) में रहोगे तो आप बोलना कि सर नॉर्मल स्कीम में है, मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जीएसटी नहीं दूंगा, लेकिन यहां कॉम्पोजिट रेट मिल रहा है तुमको 0.5% ऑफ द टर्नओवर। क्या है फॉर्मूला, 0.5% ऑफ टर्नओवर, और क्या बताया था इसके अंदर टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों आएगा, यानी आपको ये जो 0.5% लगाना है वो 90 लाख पर लगाना है। बस क्या बोला, मैन्युफैक्चरर के केस में टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स। इनफैक्ट अगर तुम 10(2)(a) में लगाते 6% तो वो भी तुम्हारा टर्नओवर वर्ड है, वहां भी तुमको टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड टी प्लस ई, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई टी प्लस ई को काउंट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया था, अब तुम मान लो वहां नोट से भूल जाओ तो ये एग्जाम्पल तुम्हारा। सर आपने तो एग्जम्प्टेड सप्लाई पे जीएसटी लगा दिया, 90 कैसे लिया, तो भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में है, टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। रेस्टोरेंट का क्वेश्चन होता तब भी ऐसे करते टोटल पे 5%, और सेक्शन 10(2)(a) वाला क्वेश्चन होता तब भी ऐसे ही करते। हाँ सर अभी तो आपने बताया था 8 लाख को इग्नोर कर दो, बेटा वो इंटरेस्ट वाला एग्जम्प्टेड सप्लाई था, उसको तो इग्नोर करेंगे, इसको नहीं करना, तो कोई कंफ्यूजन ही अब नहीं रहेगी, दोनों तरह के एग्जाम्पल बैक टू बैक आपके सामने आ गए। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर अब कभी कभी रेस्टोरेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे हमें 2.5 + 2.5, 10(1) और 10(2) को फॉलो करते हुए जीएसटी पे करना है कॉम्पोजिट रेट से। रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या होता है, पर्सन इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
being supply of food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption. Sir, रेस्टोरेंट सर्विसेज में एक सर्विस होती है, तुम टेबल पे बैठते हो, तुम ऑर्डर देते हो, ऑर्डर पे तुमको खाना लाके खिलाया जाता है, तुम्हारे पीछे उसके जो वेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है तुमको, तब हम बोलते हैं कि ये रेस्टोरेंट सर्विसेज है। ठीक है, अब कोई दुकान है जहां सिर्फ सामान बेचा जा रहा है, मान लो मेरी बेकरी की आइटम है, बेकरी की शॉप है जहां पर मैं खाने पीने का सिर्फ सामान बेच रहा हूं, आइए मेरे यहां, किसी को दो पीस लेना है, किसी को चार पीस लेना है, किसी को एक केजी लेना है, मैं बिस्किट्स वगैरह बेचता हूँ, केक वगैरह बेचता हूँ। सर, रेस्टोरेंट सर्विसेज में क्या हो रहा है, आप सर्व करके प्रॉपर खिला पिला के लोगों को भेज रहे हैं, बट सर रेस्टोरेंट सर्विसेज में चला ही नहीं रहा, मैं तो सिंपल बेकरी आइटम गुड्स है वो बेच रहा हूँ, तो क्या आप इसको भी रेस्टोरेंट बोल के 5% जीएसटी लगा दोगे? नहीं, ये गुड्स बोल के 1% की कैटेगरी में जाएगा, और एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, होमवर्क में क्वेश्चन है, बेकरी आइटम सेल कर रहे थे, सेट एसेट बी के क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि बेकरी आइटम सेल कर रहे थे, जीएसटी ऑफिसर ने बोला 5% दो इस पे जीएसटी, रेस्टोरेंट बोल के बोला नहीं ये रेस्टोरेंट नहीं है, बेकरी आइटम सेल करना मतलब तुम गुड्स बेच रहे हो, खाने पीने का आइटम मैं अपनी दुकान से बेच रहा हूं तो इसका ये मतलब थोड़ी है मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं। तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, रेस्टोरेंट जैसे हम होटल में जाते हैं बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, वो फील होना चाहिए ना रेस्टोरेंट सर्विसेज में। ठीक, तो आपको ये एक वैरायटी एग्जाम में पूछती है, कहीं आप मेरे से डाउट पूछते व्हाट्सएप चैट करके, तो मैंने चलो पहले अपनी तरफ से बता दिया। डन, वीडियो रोक के लिखा, और क्या बोला मैंने, जब रेस्टोरेंट होगा 5% अप्लाई करोगे तो टर्नओवर पे अप्लाई करोगे, यानी इस रेस्टोरेंट से अगर थोड़े बहुत एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रहे हैं तो उसको भी ऐड कर दोगे। ठीक, और अल्कोहल में तो फिर आप है ना इनएलिजिबल हो जाओगे, वो बात हो गई आपके साथ, तो रेस्टोरेंट और अल्कोहल का क्वेश्चन भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ देता है। और हमने क्या पढ़ा है, रेस्टोरेंट पे देंगे 10-1, अल्कोहल नहीं हो, सर अल्कोहल बेचोगे यानी नॉन टैक्सेबल आइटम, तब तो 10-1, 10-2, 10-2 ये कुछ भी नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं मिलेगा। वीडियो रोक के लिख चुके हो, सर एग्जाम में क्या पूछा, तुम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, और वही सेम अभी जो मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन के ऊपर वैसा ही, क्वार्टर वन में तुम्हारा, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो और तुमने ऑप्ट कर रखा है, बट तुम क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, और अगेन फर्स्ट क्वार्टर में तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई 15 लाख और 10 लाख, ये इंटरेस्ट वाली नहीं है सर, इंटरेस्ट वाली नहीं है, एक ऐसा गुड्स तुम बेच रहे हो जो एग्जम्प्ट है 10 लाख का, और एक ऐसा गुड्स जो टैक्सेबल है 15 लाख का, टोटल हो गए 25 लाख की सेल, लेकिन तुम क्या हो, कौन हो, ट्रेडर, तो ट्रेडर में हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम नाइट आपको 15 लाख पे 0.5, 15 लाख पे 0.5 लेना है, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ओनली, यही क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर का होता तो लेफ्ट साइड 0.5% 25 लाख पे लेते, तो प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर मैन्युफैक्चरर का होता, रेस्टोरेंट वाला होता तो 25 लाख पे कॉम्पोजिट रेट लगता, लेकिन ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर में नहीं है, आपका रेस्टोरेंट में नहीं है, अदर सप्लाई वाला केस है, सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अदर सप्लायर जहां पे थोड़ी सर्विसेज भी चलती है 0.5%, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेना, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां तो डाउट मत ही पूछना ना मैसेज करके, सर ये कैसे हुआ, आप कभी 15 ले रहे हैं, कभी 25 ले रहे हैं, अभी ऊपर बोला आप टोटल 90 लाख पे लगाएंगे, अरे बाबा मैन्युफैक्चरर था लगाएंगे ना, क्या दिक्कत है। डन, वीडियो रोक के लिखा, फिर से इंटरेस्ट वाला एक और एग्जांपल कि इंटरेस्ट को एग्जम्प्टेड सप्लाई में काउंट नहीं करना, उसको इग्नोर करना फॉर ऑल पर्पस। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में टर्नओवर में एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों लेते हैं, बट तुम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करके साथ में क्या कर रहे हो, सरप्लस फंड है तुम्हारे पास, उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, डिपॉजिट करने से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है जो कि एक एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, प्लीज इसको इग्नोर करना है फॉर टर्नओवर पर्पस, चाहे आप लास्ट ईयर का टर्नओवर निकालो या करंट ईयर का टर्नओवर निकालो और या फिर करंट ईयर की जीएसटी लायबिलिटी निकालो। सर डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम आ रही है और या फिर लोन एडवांसेस से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तुमको इसको पूरा इग्नोर करना है, इग्नोर दिस सर्विस फॉर ऑल पर्पस इन कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जम्प्टेड सप्लाई है बट इग्नोर करना है। सर जीएसटी रेट अप्लाई करने में भी
जीएसटी रेट अप्लाई करने पे भी, मान लो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सप्लाई का केस 80 लाख का है और तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट 5 लाख का है, तो 80 लाख और 5 लाख। अभी अभी ऊपर पड़े एग्जम्प्टेड सप्लाई को मैन्युफैक्चरर के केस में लेना है, लेकिन नहीं नहीं लेंगे यहाँ पे। 80 लाख का 0.5%, 80 लाख का 0.5%। सर इस एग्जम्प्टेड सप्लाई को क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर ये एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जहां कंसिडरेशन इंटरेस्ट है। अब वो इंटरेस्ट दो तरीके से आ सकता है तुम्हारे पास, एक तुमने बैंक में जाके डिपॉजिट किया हो, दूसरा तुम लोन एडवांसेस का काम कर रहे हो। सभी केस में इसको कंप्लीटली कॉम्पोजिशन सप्लाई में थ्रेशोल्ड लिमिट कि तुम 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पिछले साल किए कि नहीं किए, और जीएसटी लाइबिलिटी में हर जगह इसको इग्नोर करना है। क्वेश्चन पूछता है इसलिए दो तीन बार बता रहा हूं एक ही चीज। डन, वीडियो रोक के लिखा, फाइनली फाइनली जो आपको मार्जिनल सर्विसेज हम दे रहे हैं, मार्जिनल सर्विसेज कितना? 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज हायर। यहां मैंने बोला था दो व्यू है, व्यू वन एंड व्यू टू। अब बस ये हमारा एक लास्ट डिस्कशन है, ठीक। बट मैं चाहता हूं इसके पहले देखो यहां पर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। सीए स्टूडेंट्स को अलग व्यू लेना है, सीएमए स्टूडेंट्स को अलग व्यू लेना है। व्यू वन सीए स्टूडेंट्स के लिए और व्यू टू सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कुछ सीए स्टूडेंट्स गलत चीज पढ़ के व्यू टू में जा रहे हैं। लॉ का इंटरप्रिटेशन दो तरीके से हुआ है, दो व्यू है। सी इंस्टीट्यूट व्यू वन पे काम करती है और सीएमए इंस्टीट्यूट व्यू टू पे, ठीक। तो सीए स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं तो व्यू वन के अकॉर्डिंग देंगे और सीएमए स्टूडेंट्स व्यू टू के अकॉर्डिंग। बट बाहर क्या हो रहा है, कुछ सीए स्टूडेंट्स कुछ गलत नोट्स और गलत बुक रेफर करके व्यू टू में जा रहे हैं। बस वो गलती नहीं करना अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो। 10 जगह पढ़ने की आदत होती है ना, इनके भी बुक कर लो, इनके भी नोट्स कर लो, इनका भी वीडियो देख लो, वो भी कर लो, एक जगह पढ़ रहे मन तो मानता है नहीं। तो ये व्यू मुझे बताना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी आप बच्चे देख रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो ये व्यू मैं बताऊंगा। बट इसमें आऊंगा पहले बाकी चीजें खत्म कर लेता हूं। सेट ए सेट भी तो आपको करना है, वहां मैं जा ही नहीं रहा, बट अभी बहुत कुछ यहाँ पे रीड करना है बचा हुआ पोर्शन, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं बुक में, है ना। फिर आराम से व्यू वन व्यू टू का डिस्प्यूट देख लेंगे, और व्यू वन व्यू टू का डिस्प्यूट यहां से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला था कि ये 10 लाख 5 लाख और 10% कैसे काउंट करना है, इसके दो व्यू है, इस पर मैं जाऊंगा। बट अभी देख लेते हैं किसी पेज पर क्या क्या कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, छोटा छोटा पॉइंट। ये हो चुका है सारा, ये हो चुका है। सर ये क्या कहता है, अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं एलिजिबल थे फिर भी तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी पे कर रहे हो, तो बाकी का डिफरेंशियल जीएसटी हम तुमसे लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, सिंपल पॉइंट। सर इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट यू आर पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम बट यू आर नॉट एलिजिबल। मैंने क्या कहा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर क्या करते हैं बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लेकिन सारी फीस पर वो कॉम्पोजिशन रेट से 6% का टैक्स देते हैं, जबकि देना चाहिए 18% से। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है लेकिन वो दिखा रहा इंट्रा है और जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स रेट से पे कर रहा है, तो फिर उसको नोटिस जाएगी, रिप्लाई आएगा, उसका कॉम्पोजिशन स्कीम से उसको बाहर निकाल के फेंका जाएगा, डिफरेंशियल टैक्स, उसके अलावा पेनल्टी वगैरह सब भी लिया जाएगा, पेनल्टी और साथ में जो भी टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो तुमसे रिकवर करने के लिए सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अब 73 74 के प्रोविजन इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है तो इसलिए ये सेक्शन हम कहीं पढ़ते ही नहीं है। सर पेनल्टी कितना, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गलती करोगे तो पेनल्टी लग सकती है, ठीक। इस पे क्वेश्चन आता है तो वो आपका ये हो गया सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। तो इस पेज में अब कुछ नहीं बचा, देख लो कुछ लिखना है क्या, ये सब तो लिख चुके थे। डन डन, ये पेज पहले ही हो गया था। अब इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग फॉर, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो उसकी भी इंटीमेशन है, हाँ सर उसकी भी इंटीमेशन है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इंटीमेट कीजिए और 1 अप्रैल से आ जाइए,
और रजिस्ट्रेशन लेते समय आप REG01 में इंटीमेट कीजिए। तो कहता है इंटीमेशन बाय अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये अपना काम तो REG01 में जब पार्ट बी फिल कर रहा होगा तभी कर दे, और जैसे ही सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, सर्टिफिकेट जहां से इफेक्टिव होगा वहां से तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने तुमको इस पर क्लास एग्जाम्पल दे दिया है। अब तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो इंटीमेट करके अगले फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख से तुम स्टार्ट कर लो कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब अगर तुमको अगले फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो 1 अप्रैल से पहले पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। तो वही बात लिखी हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन फाइल करे कॉमन पोर्टल पे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रायर, तभी तो तुम 1 अप्रैल से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे। और सर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे इंडिया में 5 ब्रांचेस हैं और हमने क्या डिसाइड किया कि अगर एक जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे तो सब जगह आना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। इंडिया में तुम्हारे 5 ब्रांच हैं, ठीक, पांचों के अलग अलग जीएसटी नंबर हैं। अब एक जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में आओगे तो सब जगह आना पड़ेगा, तो क्या सर मुझे हर ब्रांच के लिए अलग अलग इंटीमेशन देनी पड़ेगी? नहीं, एक के लिए दो, सब अपने आप आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एनी इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपको अलग अलग इंटीमेशन नहीं करना है, नो सेपरेट, मतलब हर ब्रांच, हर रजिस्टर्ड ब्रांच, रजिस्टर्ड जिस जिस स्टेट में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है हर जगह जाके तुम पोर्टल पे इंटीमेट कर रहे हो वो काम नहीं करना। पूरे इंडिया में 5 ऑफिस, 5 रजिस्ट्रेशन नंबर, एक जगह इंटीमेट करो, सब जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाओ। एक जगह विड्रॉ हुआ, सब जगह से विड्रॉ हो गए। और सर अगर रजिस्टर्ड हो पहले से और कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो 1 तारीख से मिलेगा, ये तो तुमको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं। रूल 5 में वही सब बात लिखी हुई है जो पहले पढ़ चुके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन NRTP नहीं होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास कोई भी स्टॉक वैसा नहीं होना चाहिए जो तुमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हो, और अगर है तो प्लीज इंश्योर करो कि 9(4) के अकॉर्डिंग तुमने उस पर टैक्स दे दिया हो। सर कोई भी स्टॉक तुम्हारे पास जो है जिस दिन तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तुम्हारे पास कोई भी स्टॉक नहीं होना चाहिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर का ओपनिंग में, और अगर है तो उसमें रिवर्स चार्ज में तुम 9(4) पे टैक्स पे कर रखे हो। गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक बाय हिम हैव नॉट परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड वेयर परचेज, अगर परचेज किए हो तो तुमने उस पर रिवर्स चार्ज में कॉम्पोजिशन, रिवर्स चार्ज में नॉर्मल रेट पे जीएसटी पेड कर रखा हो, फिर उसका ITC भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो। और सर ये तो ऑलरेडी पढ़ लिए कि भाई तुम अगर रिवर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो और तुम्हारे ऊपर 9394 रिवर्स चार्ज लग रहा है अब तुम्हारी इनवॉइस सप्लाई पे, तो तुम उस पर नॉर्मल रेट में टैक्स पे करोगे, कॉम्पोजिशन रेट पे नहीं। और ये मैंने बोला ही था कंफ्यूजन का भंडार यहीं से स्टार्ट हो रखा है, इसी को इंटरप्रेट कर रखा है कि हर चीज को पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके देखो, नहीं, बता चुका और ये ऑलरेडी बता चुका कि तुमको अपनी दुकान के नेम प्लेट पे क्या लगाना है, तुमको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे क्या लिखना है, इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे कुछ नहीं बचा। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर वैलिडिटी, तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम से कैसे कैसे निकल सकते हैं? कॉन्ट्रावेंशन करके निकल जाओ, खुद से निकल जाओ कभी भी। सर 1.5 करोड़ क्रॉस करते निकल गए एक तो। सर वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना है, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख टच करने के बाद इंटीमेट कर दो, निकल जाओ। या उसके पहले ही निकलना चाहते हो, सर अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहता, तो कोई नहीं रोकेगा, इंटीमेट करो, निकल जाओ। और एक तुम कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो डिपार्टमेंट तुमको धक्के मार के निकालेगा, तो वही बात यहां पे एक्सप्लेन की हुई है रीडिंग पर्पस के लिए, इसमें कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, रीडिंग पर्पस के लिए। सर विड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, से तुम इंटर स्टेट सप्लाई स्टार्ट करना चाहते हो या तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख या 50 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो कहता ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे अमाउंट अंडर कॉम्पोजिशन लेवी शैल रिमेन वैलिड सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल, किसे तुम्हारा टर्नओवर 300 लिमिट से अब करंट ईयर में क्रॉस कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ 9(1) में, उसके बाद तुम है ना टैक्स इनवॉइस इशू करना शुरू कर दो, ITC लेना शुरू कर दो, लेकिन अब तुमको वो ही जो भी बात हुई थी इंटीमेट करना होगा 7 दिन के अंदर, और वो
60 डेज के अंदर तुमको अपने रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे इनपुट कैपिटल गुड्स के, वही सब लिखा हुआ है। ठीक सर, खुद से कभी भी निकलना चाहते हो निकल जाओ इंटीमेट करके, कोई दिक्कत नहीं है। सर आने के लिए कपड़े ले, निकलने के लिए तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में कभी भी इंटीमेट करो और निकल जाओ। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू विदड्रॉ फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम सेल बिफोर द डेट ऑफ सच विद्रॉल फाइल एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम सच विद्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम सेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज एप्लीकेशन, बट द सेम मे नॉट बी द प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन विद्रॉल इज बीइंग फाइल्ड। ऑब्वियस सी बात है सर, जो भी डेट तुम अपने एप्लीकेशन में डालोगे उस डेट से तुमको निकाल दिया जाएगा। अब तुम उसमें डेट डाल रहे हो जिस ईयर में तुम एप्लीकेशन दे रहे हो उसके 1 अप्रैल से भी पहले का, तो वो कैसे पॉसिबल है? पिछले साल तो चला गया ना, बंद हो गया ना, उसमें क्यों जा रहे हो? तुम 15 जून को एप्लीकेशन दे रहे हो कि सर मुझे 1 जुलाई से कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं निकालना, नहीं लेना, तो मत लो, दे दो एप्लीकेशन। डोंट वेट फॉर योर 1.5 करोड़ का टर्नओवर टू क्रॉस। और एक है कि तुमको डिपार्टमेंट ही डिनाई कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि तुमने कोई कंडीशन की कॉन्ट्रावेंशन की है, तुम एलिजिबल नहीं हो फिर भी तुम ले रहे हो। तो डिपार्टमेंट हैज अ रीजन टू बिलीव कि तुम एलिजिबल नहीं हो, या फिर तुमने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो तुमको नोटिस आएगी जिसका तुमको रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद क्या करेगा, वो ऑप्शन तुम्हें डिनाई कर देगा। ठीक, और वो डेट कोई भी डेट हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन तुम जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन किए थे उसके पहले की भी तो डेट नहीं हो सकती ना। सर मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया मान लो 1 जुलाई से, अब तो मेरा रजिस्ट्रेशन 5 जून से कैंसिल करना चाहते हो, क्यों भाई? नहीं करने दूंगा। और फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट कंसर्निंग सच कॉन्ट्रावेंशन, आप उसके भी पहले नहीं जा सकते। अगर मैंने कॉन्ट्रावेंशन 1 जुलाई से किया है तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से कैंसिल करो, 1 जून से क्यों करना चाह रहे हो? यहां ध्यान रखना ये बात, छोटा एमसीक्यू के टाइप के लिए। और यहां ध्यान रखना कि तुम खुद वॉलंटरली निकल रहे हो, तो फिर तुम जिस ईयर में एप्लीकेशन दे रहे हो उस ईयर की कमेंसमेंट से भी पहले, यानी पिछले साल नहीं बोल सकते, तो सेम ईयर में तुम कभी भी नोटिस देके निकल जाओ। यहां पे भी वही बोल रहा है, हाउएवर सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। यहां एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो तुमको ध्यान रखना है। और बाकी जब तुम स्कीम से निकलोगे तो तुमको अभी बताया था 30 दिन के अंदर स्टॉक की डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। ठीक, और भी बात करेंगे इससे रिलेटेड, अभी पेनल्टी की बात अभी की थी, ये वाली बात सेम रिपीट हो रही है भाई 10.5 से रिलेटेड। ऑफिसर रीजन टू बिलीव, सो कॉज का नोटिस आएगा जिसका तुम रिप्लाई करोगे वो ऑर्डर पास करेगा, अभी बात हुई थी। तो सर यहां पर है कि नोटिस का रिप्लाई तुमको कितना दिन मिलेगा, तो आगे लिखा हुआ है 15 दिन का, और ऑर्डर कितने दिन के अंदर पास करेगा, 30 दिन के अंदर पास करेगा। ठीक है, तो यहां पर बोलता है रीजन टू बिलीव वाली बात अभी हो ही रही है, 2-3 बार रिपीट हो रही है। रीजन टू बिलीव अगर है कि तुम कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो और तुम आईटीसी के, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो तुमको वो नोटिस भेजेंगे, ही मे इशू अ नोटिस। नोटिस आ गया तुम उसका रिप्लाई कर दो, रिप्लाई मिलने के बाद वो 30 दिन का टाइम लेंगे एमसीक्यू, और रिप्लाई देने में तुमको कितना दिन मिलेगा, 15 दिन मिलेगा, आगे लिखा हुआ है। ठीक, 30 दिन का टाइम लेंगे, तुम्हारे रिप्लाई को एक्सेप्ट कर देंगे यानी तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम चलने देंगे, सही सही है, और या फिर तुमको डिनाई दे देंगे। और जब डिनाई का ऑर्डर पास करें उसमें डेट लिख देंगे कि इस डेट से तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम से तुमको बाहर निकालना है, वो डेट तुम्हारे कॉन्ट्रावेंशन वाली डेट से पहले की नहीं होनी चाहिए। वही बात यहां रिपीट हो रही है जो अभी अभी पिछले पेज पे पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट बोल के नहीं पढ़ाया, तो उसी पे सर्कुलर था, सर्कुलर में वही चीज स्ट्रेस दे के बोली जा रही है। अभी तो पिछले पेज पे बताया तुमको कि यहां पर यह ध्यान रखना कि तुमको अगर वो निकाले तो कॉन्ट्रावेंशन अगर 1 जुलाई को किए हो तो 1 जून से नहीं निकालेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम से, जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन किए हो उस दिन से निकालेंगे, या तो वो कोई डेट दे दे अपनी तरफ से कि इतने तारीख से हम निकाल रहे हैं। पीछे की भी डेट दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उस डेट से पीछे नहीं देंगे जिस दिन से तुम्हारा कॉन्ट्रावेंशन, जिस दिन से तुम इनएलिजिबल हुए हो। मान लो वो 1 अक्टूबर को ऑर्डर पास कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को ऑर्डर पास कर रहे हैं कि तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकाल रहे हैं, 1 सितंबर से निकाल दो, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रावेंशन तुमने जून में किया था 1 जून को, वो 1 सितंबर से निकाल रहे हैं। अब बोलते नहीं मैं तुम्हें 1 मई से निकालूंगा, नहीं नहीं 1 जून से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि मैंने कॉन्ट्रावेंशन 1 जून को किया था। ठीक है, वो हमें कॉम्पोजिशन स्कीम ने से निकालने के लिए ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर में वो आगे की डेट दे सकते हैं, सेम डेट दे सकते हैं, पीछे की डेट दे सकते हैं, कितना पीछे जा सकते हैं,
जिस दिन मैं इनएलिजिबल हुआ था, जिस दिन मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया था, वहां तक जा सकते हैं, उसके भी पीछे नहीं जाएंगे। चलिए ये पेज भी कंप्लीट, डन 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 डन। सर मोटा मोटी इसमें से सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, क्या कि आप क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स जो जमा करोगे, क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख सीएमपी 08, एनुअल रिटर्न पे आप जीएसटीआर 30 अप्रैल तक फाइल करोगे, रूल 62 का रेफरेंस रिटर्न चैप्टर में आया था, पेमेंट तुम हमेशा कैश लेजर से करोगे, क्रेडिट लेजर तो यूज ही नहीं कर पाओगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्या कि तुम जो रिटर्न भरोगे अपनी, उसमें तुमको परचेस साइड में, इनवॉइस सप्लाई में तुमको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट इनवॉइस सप्लाई रिसीव फ्रॉम, चाहे तुम रजिस्टर्ड से करो या अनरजिस्टर्ड से करो। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों सर ऐसा मांग रहा है, क्योंकि सर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पे रिवर्स चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा है वो मुझे पता करना है, और रिवर्स चार्ज लग रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में नॉर्मल टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या पढ़े, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को परचेज करते समय जीएसटी पे करना है, और रिवर्स चार्ज लग रहा है तो रिवर्स चार्ज में नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना है। तो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर से उसकी परचेज की सारी डिटेल लेनी पड़ेगी, इनवॉइस वाइज, चाहे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, और परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। हो सकता है तुम पूछो कि सर अनरजिस्टर्ड पर्सन की क्यों, तो भाई आरसीएम का कंप्लायंस कैसे करूंगा, 9394 में सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी तो हो सकता है, तो मैं इनवॉट सप्लाई परचेज रजिस्टर्ड से करूं या अनरजिस्टर्ड से करूं, इंटर स्टेट करूं या इंट्रा स्टेट करूं, इंटर स्टेट अलाउड है परचेज साइड में, मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी होगी रिटर्न में, बट आउटवर्ड सप्लाई में जरूरत नहीं है, सीधा कंसोलिडेटेड डिटेल्स, क्योंकि तुमको लमसम टोटल पे तुमको रेट लगाना है, तो मुझे वहां इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं चाहिए, आउटवर्ड में नहीं चाहिए, इनवर्ड में चाहिए, चेक करना है मुझे, मुझे चेक करना है तुम्हारा जीएसटी आरसीएम वाला। अब बोलो क्यों नहीं मैं तुम्हारे परचेज को देखूं इनवॉइस वाइज। सर ये एक्सप्लेनेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, और ये जो है ना ये सिंपल फंडा क्या कहता है कि मान लो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल गए हो, मैं बता देता हूं 1 अक्टूबर 2023 से तुम आ गए हो नॉर्मल स्कीम में, ठीक, और उसके पहले थे तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो तुम्हारा जो पीरियड है यहां पे 1/4/2023 से लेकर 30 सितंबर 2023, जिस पीरियड में तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, तुम उस पीरियड में जो कंप्लायंस करोगे वो सीएमपी 08 से करोगे और जीएसटीआर 4 की करोगे कंप्लायंस, करना पड़ेगा, बाकी का जो तुम 1 अक्टूबर से नॉर्मल स्कीम में आए हो तुम उसमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की कंप्लायंस करो, करना पड़ेगा, ठीक है, तुमको करना पड़ेगा। और ये कोई भी काम, मान लो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे पहले, अब तुम नॉर्मल में आ गए, या रिवर्स, पहले नॉर्मल में थे अब तुम कॉम्पोजिशन में आ गए, तो तुमको अपनी पेंडिंग जो रिटर्न है, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस स्कीम में थे, नॉर्मल वालों को 1 और 3B कंप्लायंस करना पड़ता है, और कॉम्पोजिशन वालों को सीएमपी 08 से टैक्स जमा करना पड़ता है और एनुअल रिटर्न जीएसटी 4, तो ये आपको काम करना पड़ेगा, और ये काम नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर या एनुअल रिटर्न वाली फाइलिंग डेट से पहले पहले कर लेना, यहां पर लिखा हुआ है वो बात। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 10 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सेल, ये रिवर्स केस है, ये सेक्शन 9 से 10 में जा रहा है, तो 9 से 10 में जा रहा है, तो 10 में जाने के बाद आगे की कंप्लायंस तुम किस में कर लेना, सीएमपी 08 में और तुम अपना जीएसटीआर 4 में, और जो पीछे की कंप्लायंस है जब तुम सेक्शन 9 में थे तो उसकी कंप्लायंस तुमको जीएसटीआर 1 और 3B में करनी पड़ेगी, और वो सब काम कब तक कर लेना, तो तुम्हारा मार्च खत्म हो गया, अब अगले साल से तुम चले गए कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो जो पिछला साल खत्म हुआ है उसके सारे कंप्लायंस टाइमली कर लो, और लास्ट कब तक कर लो, सेप्टेम्बर तक कर लो, और या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक कर लो, यहां 30 नवंबर नहीं है, जनरली 30 नवंबर होता है ना, अगले साल के 30 नवंबर तक कर लो और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग तक कर लो, यहां 30 नवंबर नहीं है पेंडिंग, यहां क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। सर सिंपल सी बात है, तुम कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में जाओ या नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जाओ,
नॉर्मल वाला जो रिटर्न है तुमको कंप्लायंस करना पड़ेगा, और कॉम्पोजिशन। अब बोलोगे सर मैं कॉम्पोजिशन में एनुअल रिटर्न क्यों दूं, मैं तो नॉर्मल में आ गया था मिड ऑफ द ईयर में, देना पड़ेगा तुमको। तुम पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे ना, तो जिस पीरियड तक तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे उस पीरियड से रिलेटेड तुमको कॉम्पोजिशन वाले कंप्लायंस करने पड़ेंगे। और रिवर्स, अगर पहले तुम नॉर्मल में थे तो पहले वाले पीरियड का तुम नॉर्मल से कंप्लायंस करो, जैसे नॉर्मल में आपका जीएसटी आर 1 जाता है, जीएसटी आर 3 भी जाता है, जीएसटी आर 9 जाता है, वो सब करो। बस इतना ध्यान रखना है तुमको इस पेज पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको 2-3 मार्क्स के लिए ध्यान रखना, ठीक। बाकी इसका रीडिंग पर्पस, और क्या अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल में जा रहा हूं तो 6 महीने के लिए मुझे जीएसटी आर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, हाँ। और सर पीछे वाले 6 महीने के लिए मुझे जीएसटी आर 4 फाइल करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ। पीछे के 6 महीने के लिए तुमको सीएमपी 08 और जीएसटी आर 4 का कंप्लायंस, आगे के 6 महीने के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी आर 1, 3B एंड जीएसटी आर 9 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। डन, इस पेज पे कुछ नहीं बचा। डन 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 सर, अगेन वही सब चीज, ये तो हो ही गया हमारा, वही इंटीमेशन और फॉर्म्स वाली बात है कि सर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं और अगले साल की पहली तारीख से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं, तो इंटीमेट कैसे करूंगा, वही सीएमपी 02 से इंटीमेट करना है। उसके अलावा यहां पे तुमको जब वो 1 अप्रैल से आ रहे हो ना, तुम कहां से कहां आ रहे हो, सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में आ रहे हो, उस समय फॉर्म आईटीसी 03 है और 60 दिन का टाइम मिलता है तुमको अपना इनपुट वगैरह का डिस्क्लोजर देने का, ताकि तुम आईटीसी रिवर्सल कर सको। सर 18-4 वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था, 18-4 एंड रूल 44 आईटीसी चैप्टर में जो पढ़ा था, 18-4 और रूल 44 यहां पे आईटीसी चैप्टर के अगर हम कोरिलेट करने की बात करें तो, ठीक। यहां फॉर्म नंबर है, डेज लिखे हुए। सर आपने तो आईटीसी 01 बताया था, आईटीसी 01 30 दिन का लिए होता है, और वो जब कब, सेक्शन 10 से 9 में आते हो तब है वो, यहां आप 9 से 10 में निकल रहे हो, 9 से निकल के 10 में जा रहे हो, तो अगले साल की पहली अप्रैल से जाओगे, तो वहां से 60 दिन के अंदर अंदर तुमको अपनी आईटीसी 3 में अपने स्टॉक की डिटेल सब दे देनी है, ताकि तुम आईटीसी रिवर्स कर सको, फॉर आईटीसी रिवर्सल, जिसकी बात हम लोगों ने 18-4 में कर रखी आईटीसी चैप्टर में, और बाकी इंटीमेट करने वाला काम सीएमपी 02 में करोगे। डन सर, यहां पे एमसीक्यू पूछता है, हर साल इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए, अब हर साल रहिए कॉम्पोजिशन स्कीम में जब तक आप इनएलिजिबल होके बाहर नहीं निकल जाते। इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो अगले साल भी कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रहेंगे, उसके अगले साल भी कॉम्पोजिशन स्कीम में ही रहेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के बाद फिर से बने रहने के लिए हर साल इंटीमेट नहीं करना है, हाँ जब बाहर निकलोगे तो इंटीमेट कर देना 7 दिन के अंदर, जब बाहर निकलोगे तो 7 दिन के अंदर इंटीमेट कर देना। उसका फॉर्म नंबर है 04, एंट्री का आप एंट्री ले रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम में यहां पे, तो इसका फॉर्म नंबर है सीएमपी 02, यहां पर 60 डेज है, यहां पे फॉर्म नंबर आईटीसी 3 है, मिक्स मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट ना करना यहां पे कोई भी। इंटीमेट किस फॉर्म में करेंगे, सर कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं अगले साल की पहली तारीख से सीएमपी 02 में, और 60 दिन के अंदर 1 अप्रैल से आईटीसी 03 में आप डिटेल दे देना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, ये हो ही गया 28 लास्ट पेज आपका। सर जब तक तुम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तब तक तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में रहो, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल रेट में सेक्शन 9(1) में आ जाओ, टैक्स इनवॉइस इश्यू करो, सीएमपी 04 में 7 डेज के अंदर इंटीमेट करो, क्यों, क्योंकि तुम अब सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में जा रहे हो, मिक्स मत करना, ठीक है, मिक्स मत करना चीजों को। सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में जाते हैं तो सीएमपी 02 है और आईटीसी 3 है, 60 डेज वाली बात,
और 10 से 9 में जा रहे हैं तो फिर यहां फॉर्म नंबर आईटीसी 01 और 30 डेज वाली बात है। ठीक सर, उसके अलावा लैप्स वाली बात भी तुमको बता दी। सेल्फ विड्रॉल खुद से निकलना चाहते हो तो भी सीएमपी 03 है, 7 दिन के अंदर है। और कभी शक हुआ था प्रॉपर ऑफिसर को ही पीछे पड़े थे तो वो नोटिस भेजेगा 05 में, जिसका रिप्लाई तुम करोगे 15 दिन के अंदर 06 में, और वो ऑर्डर पास करेगा 30 दिन के अंदर 07 में। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर तुम इनएलिजिबल हो गए क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, या फिर तुम खुद निकलना चाहते हो सीएमपी 04 में इंटीमेट करके, या फिर सीएमपी 07 में ऑर्डर पास करके तुमको बाहर फेंका जा रहा है, हर केस में तुमको 30 दिन के अंदर आईटीसी 01 की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, 18(1)(c) एंड रूल 40 वाली बात जो आईटीसी चैप्टर में पढ़े थे। बस अब हमारा बचा है वो दो व्यू वाला कॉन्सेप्ट। कॉम्पोजिशन स्कीम आपका कंप्लीट है, सेट ए सेट बी के सारे क्वेश्चन तुमको खुद करने हैं, कहीं मेरी जरूरत है ही नहीं क्योंकि सारे केसेस हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। अब चलेंगे व्यू 1 व्यू 2, वो 5 लाख और 10% की जो कॉम्प्यूटेशन है उसके लिए व्यूज। सर पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ना है। आप सीए स्टूडेंट है तो भी दोनों व्यू जानना है, आप सीएमएस स्टूडेंट है तो भी दोनों व्यू जानना है, और एग्जाम में अपने एग्जाम के हिसाब से व्यू लेना है जो मैं अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। 5 मिनट के लिए पानी वानी पीने का ब्रेक मैं भी ले लेता हूं, तुम भी ले लो। अब एक लास्ट लड़ाई है ये हमारी, एग्जाम्पल रेडी है समझाने का काम, और बस फिर द एंड करेंगे, फिर हम लोग इसको द एंड करेंगे। अगला चैप्टर एग्जम्पशन चैप्टर, जीएसटी वॉल्यूम की आखिरी चैप्टर एग्जम्पशन चैप्टर। उसके बाद एक टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, तो उसकी अलग से वीडियो आएगी और वो यूट्यूब पे भी आएगी। चलिए 5 मिनट के यहां ब्रेक ले लेते हैं। चलिए सर इस एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर ले। मार्जिनल सर्विसेज की बात हो रही थी, कहां पे? सेक्शन 10(1) के अंदर, कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज के अलावा भी आप कुछ और सर्विसेज दे सकते हैं, साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कीजिए, या फिर आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कीजिए, या फिर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज के साथ कुछ और सर्विसेज भी दे दीजिए, जैसे छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट का काम, रेंटिंग का काम, है ना, रिपेयर सर्विसेज का काम कर सकते हैं। फिर वहां बात हुई कि कहां तक अलाउ हो रहा है, मतलब 10(2)(a) में जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी बहुत यहां सर्विसेज दे सकते हैं। कहां तक? सर 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ योर टर्नओवर विच एवर इज हायर। तो अब यहां पढ़ लेते हैं एक बार रूल, आपका प्रोविजन क्या कहता है। हम लोग वापस से फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 18 पे क्या कहता है। अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) मे सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू, कहां तक बोलता, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ योर टर्नओवर इन अ स्टेट, स्टेट के टर्नओवर का 10%, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, स्टेट के टर्नओवर का 10%, और ₹5 लाख। अच्छा अब ये जो टर्नओवर लेना है कौन सा लेना है? सर डिसीजन करंट ईयर में लेना है। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये क्या कहता है, आपको करंट ईयर में आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विसेज दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाना है और वहां पर जो आपका टर्नओवर है उसका 10% लेना है और ₹5 लाख विच एवरेज हायर, जो भी अब होगा 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, उसको आप करंट ईयर में रेस्टोरेंट के अलावा वो सर्विसेज दे सकते हैं। ये एक व्यू है जो व्यू 1 है। अब इसका एक और इंटरप्रिटेशन है कि नहीं करंट ईयर में तो देखना ही नहीं है कुछ, आप पिछले साल में ही देखो ओवरऑल कितना टर्नओवर था और उसके अंदर पिछले साल में ही देखो कि आपने रेस्टोरेंट के अलावा कितनी सर्विसेज दी थी और वहां रेशियो निकालो और वो 10% के अंदर होना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, वो व्यू 2 है। अब इसी की बात करते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। ये जो सारी दिक्कत इस बात की है, यहां जो लिखा हुआ है कि इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, अब इसमें दो व्यू निकल के आ रहे हैं कि हम इस 10% की चेकिंग करने के बाद वो जो लिमिट आएगी उसको करंट ईयर पे अप्लाई करें या पिछले साल में ही चेक करें कि कहीं वो 10% क्रॉस कर गया है कि नहीं कर गया। समझते हैं इसमें,
इसमें क्या दो व्यू हैं और क्या डिस्प्यूट है। सर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का काम करते हैं या फिर रेस्टोरेंट का काम करते हैं या फिर आप सप्लाई ऑफ गुड्स का काम करते हैं। रेट दिया हुआ 0.5 चाहिए या 2.5 में चाहिए या फिर 0.5 में चाहिए। अब इसके साथ किसी के भी साथ आप मार्जिनल सर्विसेज देना चाहते हैं जिस पर रेट कितना है 0.5% का। अब वो एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, रेंटिंग भी हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन इस पर एक लिमिट है। लिमिट कौन सी है कि आपको 10% का टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर लेना है, ठीक। और टर्नओवर कहां का लेना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। ये हो गया प्रोविजन। अब इस पे पहला व्यू, व्यू वन, जो आपको सीए एग्जाम में अप्लाई करना है, सीए एग्जाम में अप्लाई करना है और यही एडॉप्टेड है सीए के मटेरियल में, व्यू वन। और बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स इसको पढ़ भी नहीं रहे, वो व्यू टू पढ़ रहे हैं। तो अपने को भी दोनों व्यू देखना है। बाकी सीए वाले स्टूडेंट्स व्यू वन के थ्रू बनाएंगे और सीएमए वाले स्टूडेंट्स व्यू टू के थ्रू बनाएंगे। एंड दोनों में करेक्ट कौन सा है, एज पर लॉ कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, प्रोफेशनली एक्सेप्टेड, वो व्यू वन है, जो ये है ये परफेक्ट है व्यू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, सीएमए इंस्टीट्यूट ने इंटर स्टेट सप्लाई में अपना व्यू चेंज कर लिया है नए वाले स्टडी मैट में, 2022 वाले में उसने बोल दिया है कि इंटर स्टेट हम लास्ट ईयर नहीं देखेंगे, करंट ईयर में देखेंगे। तो अब ये भी व्यू कभी ना कभी फ्यूचर में अडॉप्ट कर ही लेगी सीएमए इंस्टीट्यूट। प्रोफेशनली यही व्यू करेक्ट है। आज मेरे पास क्लाइंट आएगा कोई प्रैक्टिकली, तो मैं यही व्यू पे उसको जवाब दूंगा। तो कहता है व्यू वन। अब व्यू वन में क्या करना है आपको, सिंपल लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है आपको। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर 120 लाख। अब लास्ट ईयर में 120 लाख के अंदर कितना तुमने गुड्स बेचा, कितना सर्विसेज दी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहां लिखा हुआ है लास्ट ईयर में इसके अंदर गुड्स की वैल्यू कितनी है, सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट ईयर का खाली टोटल टर्नओवर उठा लो। अब बेसिकली टोटल टर्नओवर का मतलब क्या, स्टेट टर्नओवर, एज्यूमिंग कि यही स्टेट टर्नओवर है तुम्हारा एक ही। देखो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले में जनरली आप एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड होते हो, तो बेसिकली स्टेट टर्नओवर, स्टेट टर्नओवर को ही मैं एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहा हूं। हालांकि एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट का नहीं होता है, पूरे इंडिया का होता है। एज्यूमिंग तुम्हारा एक ही ऑफिस है पूरे इंडिया में, एक ही ब्रांच है एक ही स्टेट में। तो सर लास्ट ईयर में तुमने कितना गुड्स बेचा, कितना सर्विसेज बेची, उससे नहीं जाना। लास्ट ईयर का मुझे टर्नओवर चाहिए। आ गया सर 120 लाख। अब करंट ईयर में तुम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम 10-1 वाली स्कीम, क्योंकि तुम मोबाइल बेच रहे हो। अब सर पिछले साल का टर्नओवर मेरा कितना है, 1.5 करोड़ और उससे कम, यानी करंट ईयर में तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। लेकिन अब करंट ईयर में तुम रिपेयर की सर्विसेज कितनी देना चाहो, देना चाहते हो और कितने तक दे सकते हो। तो ओवरऑल देखो, तुम मोबाइल बेचो और रिपेयर की सर्विसेज करो, ओवरऑल तुम्हारा करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक हम तुम्हें क्या देंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर में। बट सर इसमें तुम ये जो मोबाइल रिपेयर का काम करोगे वो कितने रुपए तक करोगे, कितने रुपए तक अलाउड होगा। रेस्टोरेंट तो है नहीं, रेस्टोरेंट होता तो मैं पूरे 1.5 करोड़ तक अलाउ कर देता। 10-2A में जाओगे तो 50 लाख की लिमिट है, रहना 10-1 में ही है। मोबाइल बेचना है प्लस रिपेयर का काम करना है, पिछले साल का टर्नओवर 120 लाख है, तो करंट ईयर में तुम कितने रुपए तक का मोबाइल रिपेयर का काम कर सकते हो, यानी सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट। तो पिछले साल के टर्नओवर का 10%, तो वो कितना आ गया, 12 लाख। पिछले साल का 120 लाख था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसका 10% 12 लाख, और लिमिट 5 लाख, विच एवर इज हायर 12 लाख। यानी करंट ईयर में तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर, करंट ईयर में ओवरऑल तुमको 1.5 करोड़ के अंदर रहना है, मोबाइल बेचो या मोबाइल रिपेयर करो, और उसमें भी मोबाइल रिपेयर का काम तुमको रुपए कहां तक करने हैं, 12 लाख रुपए तक का करना है मोबाइल रिपेयर का काम, कॉम्पोजिशन स्कीम में बने रहने के लिए। अब सर जैसे ही तुम्हारा 12 लाख क्रॉस करेगा, तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा, भले तुम 1.5 करोड़ क्रॉस किए हो या नहीं किए हो। समझ गए, एक होता है 1.5 करोड़ पे बाहर निकलना है तुमको, पिछले साल का 1.2 करोड़ है, पिछले साल हमें नहीं देखना कि उस 1.2 में कितना गुड्स है और कितना सर्विसेज है। सिंपल 1.2 करोड़ का 10% 12 लाख और 5 लाख करंट ईयर में तुम्हें 12 लाख रुपए तक का सर्विसेज देना है, 1.5 करोड़ के अंदर भी रहना है। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 1.40 करोड़ का मोबाइल बेच दो और 12 लाख की सर्विसेज, तब तो 1.52 हो गया। ओवरऑल 1.5 करोड़ के अंदर रहना है। अब मोबाइल बेच रहे हो, मोबाइल रिपेयर भी कर रहे हो,
डेढ़ करोड़ के अंदर ही हो, लेकिन मोबाइल रिपेयर करते करते 12 लाख क्रॉस कर रहा है, तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक व्यू है, यानी पिछले साल का टर्नओवर देख के उसका 10% करंट ईयर में अप्लाई करना है। ठीक, ये ICAICA इंस्टीट्यूट का व्यू है, व्यू वन। यही व्यू स्टडी मैट में है, यही व्यू RTP में है, यही व्यू MTP में है, यही व्यू सजेस्टेड में है, जो अभी अभी मैंने बताया व्यू वन। जो भी चीज तुमको देखना है एज अ सी स्टूडेंट, स्टडी मैट, MTP, RTP, सजेस्टेड। बट जो कुछ ऑथर्स हैं, बुक ऑथर्स सर, कुछ बुक के जो ऑथर हैं और उन बुक को फॉलो करने वाले जो कुछ सीए फैकल्टीज हैं, और फिर उन फैकल्टी से पढ़ने वाले जो सीए स्टूडेंट हैं, या कभी कभी सीए स्टूडेंट मार्केट से जाके बुक खरीद लेते हैं, इंस्टीट्यूट की बुक को साइड कर देते हैं, वो क्या ऑप्ट कर रहे हैं, व्यू टू, एक अलग ही कुछ डिफरेंट सा व्यू ले रहे हैं, जो कि गलत व्यू है। बट अब सीएमए स्टूडेंट के लिए वही व्यू सही है, क्योंकि सीएमए के स्टडी मैट में वो व्यू दे रखा है। यानी कहीं ना कहीं दो व्यू है मार्केट में, किसी ना किसी ने तो गंध फैलाया है। जब ये लॉ में 3 लाइन लिखी गई तो किसी महानुभव ने उसके इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से की, वो मार्केट में बुक्स में भी आ गई और सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टडी मटेरियल में अडॉप्ट कर लिया। दो व्यू बना। अब एडॉप्शन की बात है, आदमी ही तो स्टडी मैट लिख रहा होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो अपनी नॉलेज कहां से गेन करेगा, मार्केट में बुक्स पढ़ के। अब मार्केट में राइटर जो 30 साल 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक्स आ रही है। मैंने जिस राइटर से बुक पढ़ी थी अपने 2002 में 2003 में टैक्सेशन, उस राइटर की बुक आज भी आ रही है। सोचो 30-40 साल से लोग किताबें लिख रहे हैं, उसको किताब को पूरे इंडिया में हर लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एक व्यू अडॉप्ट कर लिया, तो उसको तो सब सही मानेंगे ना। वो व्यू टू कहीं ना कहीं चल पड़ा। अब व्यू टू को कुछ बुक्स में लिखा जा रहा है, सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में लिखा जा रहा है, उसको कुछ टीचर पढ़ा भी रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अब तुम सीए स्टूडेंट हो तो व्यू टू में मत जाना, जो अब बताऊंगा, और सीएमए स्टूडेंट हो तो व्यू टू से ही बना के आना है, और तुम्हारे क्वेश्चन भी डिफरेंट ही रहेंगे, व्यू टू वाले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ही डिफरेंट है। सर ये वाली ड्राफ्टिंग क्या है, पिछले साल का तुम्हारा टर्नओवर दे रखा है, उसके बेसिस पर करंट ईयर में जज करना है कि तुम कितने रुपए तक का सर्विसेज दे सकते हो। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सीए वाले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल का टर्नओवर दे देगा और तुमको बोलेगा करंट ईयर में तुम कितने रुपए तक की सर्विसेज अलाउ करोगे, तो सर 5 लाख और 10% ऑफ लास्ट ईयर का टर्नओवर विच एवरेज हायर तक मैं सर्विसेज अलाउ करूंगा 10-1 में रेस्टोरेंट के अलावा, खत्म, इसकी कोई काट नहीं है। सर एक सीए के टीचर हैं, उन्होंने कुछ और पढ़ाया है, साइड कर दो सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, RTP, सजेस्टेड आंसर, उसी से तो मार्क्स मिलेंगे। और प्रोफेशनली अगर मेरा क्लाइंट आज मेरे पास आएगा ना, मुझे फीस देके बोलेगा व्यू बताइए सर, मैं यही व्यू बताऊंगा उसको, यही प्रोफेशनली करेक्ट व्यू है। अब आइए इसके दूसरे हिस्से में, इसका क्वेश्चन ही डिफरेंट है, इसके क्वेश्चन का पैटर्न ही डिफरेंट है, लिख दिया मैंने, इसके क्वेश्चन का पैटर्न ही डिफरेंट है। व्यू टू कौन फॉलो करेंगे, सीएमए स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि ये व्यू अडॉप्टेड है सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक यही गलत व्यू हमें लेके एग्जाम में जाना पड़ेगा। अब ये व्यू क्या है, सीएमए स्टूडेंट्स इंटर में हो या फाइनल में हो, यही व्यू में रहना है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट पर काम करोगे तो व्यू वन में शिफ्ट हो जाना, अभी डिग्री की बात है, डिग्री लेना, व्यू टू से डिग्री लेंगे सीएमए स्टूडेंट, और सीए स्टूडेंट्स इसमें मत आना आप। हालांकि ये व्यू मार्केट में चल रहा है, कुछ सीए स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सीए से रिलेटेड बुक्स और मार्केट में जो मटेरियल है उसमें ये व्यू अडॉप्टेड है। क्या है ये व्यू, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम जाके देखेंगे कि तुम्हारे टोटल टर्नओवर में, ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर में जाके देखेंगे कि तुम्हारे टोटल टर्नओवर के अंदर कितना गुड्स है और कितना सर्विसेज है। तो सर 70 लाख का गुड्स सेल है और 10 लाख का सर्विसेज है रेस्टोरेंट के अलावा, टोटल 80 लाख। अब इसमें रेशियो निकालेंगे, सर्विस का रेशियो कितना है, पिछले साल के टर्नओवर में पहले जाके देखो सर्विस कितना, गुड्स कितना, टोटल 80 लाख, उसमें से 10 लाख रिपेयर है, तो अब 10/80 का एक रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो क्रॉस कर गया कितने से, 10% से। तो अब सीधा कंक्लूजन करंट ईयर का कंक्लूजन क्या, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते,
अब क्या करें, ऐसा ही क्वेश्चन आता है सीएमए इंस्टीट्यूट का, ऐसा ही क्वेश्चन आता है व्यू टू पर बेस्ड होके, ऐसा है ही नहीं। तुमको ये बोला जा रहा है कि तुम रेस्टोरेंट की सर्विस कॉम्पोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट की सर्विसेज के अलावा कोई और भी सर्विसेज दे सकते हो, बट एक लिमिट तक। वो लिमिट कितनी है? 5 लाख और पिछले साल के टर्नओवर का 10%, 12 लाख। 12 लाख तक तुम करंट ईयर में सर्विसेज दे दो, यही व्यू है। अब इसको इंटरप्रेट क्या किया गया कि नहीं, व्यू टू पिछले साल का टोटल टर्नओवर देखो, उस टोटल टर्नओवर में देखो गुड्स कितना, सर्विसेज कितना, सर्विसेज की रेशियो देखो कितनी। सर वो 10% से अधिक है एंड वैल्यू जो 10 लाख है वो 5 लाख से अधिक है। सर 5 लाख से अधिक है और 10% ऑफ पिछले साल के टर्नओवर से पिछले साल की, अब क्या करें, अब क्या करें, यही अपनाना ही पड़ेगा। अजीब सा है ये व्यू, अजीब सा है, इसका कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, बस किसी पर्सन ने इसको इंटरप्रेट किया इस तरीके से, सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आ गया, मार्केट की कुछ बुक्स में आ गया। नहीं जी, पिछले साल का टोटल टर्नओवर देखो, पिछले साल का उसके अंदर देखो कि तुमने रेस्टोरेंट के अलावा कितनी सर्विसेज दी, उसका टोटल से रेशियो निकालो, वो 5 लाख से अधिक है प्लस 10% से अधिक है, अधिक है, करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं मिलेगा। क्या करोगे? अब ये व्यू है तो है, ये व्यू है तो है। सर व्यू वन में क्या है? करंट ईयर में तुम मोबाइल बेचने के अलावा 12 लाख रुपए तक का रिपेयर सर्विसेज कर सकते हो, और पिछले साल तुम्हारा 120 में कितना मोबाइल था, कितना सर्विस था और उसका रेशियो क्या था, जाना ही नहीं है व्यू वन में। और इसमें पिछले साल की सर्विस, पिछले साल का टोटल, उसका रेशियो, वो 5 लाख से अधिक, वो 10% से अधिक, इसीलिए करंट ईयर में तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं ले सकते। ठीक है जी, एक व्यू है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सीड्स 10% ऑफ टर्नओवर एज वेल एज 5 लाख इन द लास्ट ईयर, इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हेंस इन करंट ईयर यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब बताओ इस व्यू में सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं, बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सीएमए स्टूडेंट अपने एग्जाम में व्यू टू के हिसाब से ही आंसर देना, क्या कर सकते हैं प्रोफेशनली, प्रोफेशनली जाऊं तो व्यू वन करेक्ट है, व्यू टू बुरे तरीके से गलत व्यू है। क्या होता है ना, लॉ ड्राफ्ट करने के बाद बहुत सारे लोग उसको इंटरप्रेट कर देते हैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उनका एक्सपीरियंस इतना सॉलिड होता है ना 30-40 साल का कि उसको लोग सच मान लेते हैं। अब क्या करोगे, फाइनल डिसीजन मेरा, सीए स्टूडेंट हो, व्यू वन वाले पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा कि करंट ईयर में कितने रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुमको बता दिया। और व्यू टू सीएमए स्टूडेंट, तुमसे यही पूछा जाएगा कि पिछले साल में इतनी गुड्स है, इतनी सर्विसेज है, अब बताओ रेशियो देख के कि बताओ करंट ईयर में हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जाए कि नहीं जाए। तुमसे पूछे नहीं जाएगा कि करंट ईयर में तुम कितनी सर्विस दे सकते हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग है दोनों व्यू में, और व्यू हमने अलग अलग अप्लाया है। द एंड। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देखो अपने पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, सीए के भी सीएमए के भी, यूट्यूब टेलीग्राम पे सब हमें फॉलो कर रहे हैं, मार्केट में दो व्यू हैं, काफी सारे सीए स्टूडेंट्स व्यू टू पढ़ रहे हैं, सीए इंटर में भी, सीए फाइनल में भी, महान है वो बच्चे। बाहर मार्केट में काफी सारे सीए स्टूडेंट व्यू टू पढ़ रहे हैं, महान है वो लोग, इंटर में भी फाइनल में भी महान है वो लोग। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट ने किताब में ब्लंडर कर रखा है, सीए इंस्टीट्यूट का किताब गलत, सीए इंस्टीट्यूट की एमटीपी गलत, आरटीपी गलत, सजेस्टेड गलत। ठीक है, मैं यहां पर इसको फुल स्टॉप दे रहा हूं कॉम्पोजिशन स्कीम के डिस्कशन को, एंड आई होप जिस उम्मीद से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हुई। रजिस्टर्ड स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे एग्जम्पशंस, उसके पहले सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, ऑल क्वेश्चन बना लीजिए सेट ए सेट बी के, जो भी पढ़ाया आज रिवाइज कर लीजिए, जो भी पिछली 2-3 क्लास में पढ़ाया रिवाइज कर लीजिए, टोटल 4 क्लास हो गई चार्ज ऑफ जीएसटी की। सर चार्ज ऑफ जीएसटी की आपके पास हो गई 4 लेक्चर, जिसमें से आखिरी लेक्चर ये था कॉम्पोजिशन स्कीम, पूरा अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सेट ए सेट बी के बना लीजिए,
मेरे से डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद अपना अगला चैप्टर में आ जाइए, एग्जम्पशन चैप्टर में। तीन क्लास का टॉपिक है वो, काफी चीजें आप पढ़ ली, उसको रिवर्स चार्ज से कोरिलेट कर करके स्टिल पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बट प्लीज डाउट पूछ लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कि मुझे अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं हड़बड़ाना है। पहले जो पढ़े हैं उसको पूरे कंट्रोल में लेके आइए, यानी सेट ए सेट बी के कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर आना है अगले चैप्टर में। बाय बाय, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, और प्लीज दोस्तों को बताइएगा दोनों व्यूज, और अकॉर्डिंगली आप जो भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से रिएक्ट कीजिएगा एग्जाम में। व्यू वन इज ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।